करना चाहिए, और आप चाहें तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले देखिए, हमारे नया इनिशिएटिव है रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कोई भी कंटेंट, किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया कोई भी कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप रिपोर्ट करिए, और अगर आप सही रिपोर्ट करते हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी सारे अमेजॉन वाउचर्स एंड अदर अदर टाइप के थिंग्स जो हैं वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे एज ए गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है ये अब बस ख़त्म होने की कगार पे है। 23rd of June जो है इसकी लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए। एंड ये 2 ईयर आइकॉनिक एंड अबोव सब्सक्रिप्शन के लिए ही अप्लीकेबल है, तो समय बहुत कम है और फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सर्व है यहाँ पे वाला है, उस तरीके से यहाँ पे मेंटर्स अपॉइंट होते हैं। अभी देखिए, हमारा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, और वो आपका जो है वो बहुत ही कम समय तक के लिए है, जिसमें आप 25% प्लस 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। अगर आप GS प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए 35% के आसपास का डिस्काउंट मिलता है। 1 ईयर का जो कॉस्ट है, 2 ईयर का जो कॉस्ट है, 3 ईयर का जो कॉस्ट है, इसमें MPS कोड आप जैसे ही यूज़ करेंगे, आप देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगा। सेम गोज़ विथ आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल। और अगर आपके पास बजट का इशू है तो कोई बात नहीं, हमने लोन की भी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। जिस दिन IAS बनोगे आप इस लोन को आराम से चुका सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ ही साथ देखिए, आपको जो है 20 बुक्स क्रिएटेड बाय बेस्ट UPSC एक्सपर्ट्स जो 10,000 रुपये तक की होती है, वो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन और उसके साथ जितने भी और टाइप के सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें 1 ईयर मिनिमम है, उसके ऊपर का जितना भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उन सभी के साथ जो है आपको फ्री में ये चीज़ मिलेगी। इसके अलावा आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए लाइव प्लस सब्सक्रिप्शन में देखिए लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, वीकली टेस्ट दे सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। वहीं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस। ये पर्सनल गाइडेंस का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो है टीचर से 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, आप डाउट अपने पूछ सकते हैं, आप समय समय पर उनसे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। 6 मंथ का जो कोर्स, ये देखिए सिंपल प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये सिंपल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, बट आपको जो है अभी जब महा ऑफर चल रहा है तो सीधे आप प्लस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल के लिए जाना चाहिए। बट अगर आप प्लस एंड आइकॉनिक भी लेते हैं तो यहाँ भी आप MPS कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। करते हैं भारत और 23rd of June से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आपको देते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आपको करना क्या है, वहाँ भी जाना है आपको, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, MPS कोड यूज़ करना है, एंड यू विल गेट एक्सेस टू आर फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। प्लस हमारी कॉम्बैट करके प्रतियोगिता जो है एवरी संडे 11 AM पे होती है, यहाँ भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट MPS कोड डाल के, और अगर आप इसमें जीतते हैं तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा हमारी तरफ से। हमारी सोल्जर्स को भेजेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे तो हम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे जाना चाह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश करी, उसके बाद अब बाइडेन साहब आए हैं, तो बाइडेन साहब को भी वहां से लेके जाना है, लेकिन US की भी तो ईगो यहाँ पे लगी हुई है। कैसे लगी हुई, समझो US चला गया और अफगानिस्तान में वापस मान लो सारे वायलेंस होने लग गए, तालिबान ने भाई खून खराबा शुरू कर दिया, आतंकवाद बढ़ गया, तो पूरे वर्ल्ड में इसके साथ देखेगा कि भाई ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है और उसका उत्तरदायी कौन है, US है। तो US भी चाहता है कि हम जाएं तो कुछ इस तरीके से जाएं कि प्रॉब्लम सॉल्व होके जाए, ऐसे तो ना ही जाए कि वहां बहुत सारी दिक्कत बढ़ी जाए, समझ रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सामने है, लेकिन अब US जाना तो चाह ही रहा है, तो जाएगा तो है ही है, और जल्दी जाना चाह रहा है, ये भी वो कोशिश पूरी कर ही रहा है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। लेकिन ठीक है, मतलब कोशिश यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर तो ये आया है कि भैया ये जो समिट हुई थी इसमें तालिबान पीछे पड़ा हुआ था कि हमें भाई एक तारीख तक भेजो तुम यहाँ से, US की फोर्सेस जाओ, भी एग्रीमेंट ही हुआ है। लेकिन अब जो है US एंड जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बाद पता है कि 1 तारीख बहुत जल्दी है और अभी वहां पे कोई ऐसा समाधान निकला नहीं है तो जाने का मतलब बनता नहीं है। अब क्या होगा, तालिबान ने धमकी दी है कि अगर भैया तुम 1 तारीख को नहीं जाओगे तो फिर हम कुछ एक्शन लेंगे, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम्स में लोग क्या करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं। अब अगर ये चीजें होंगी तो फिर समस्या और बढ़ेंगी, सुलझेंगी तो नहीं। तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। इसके बाद लास्ट आर्टिकल जो है एडिटोरियल का वो है दिल्ली अंडरमाइंड। अब ये आर्टिकल जो है हमने ऑलरेडी न्यूज में डिस्कस कर लिया है, वही लिखा हुआ है। देखो मैं इसको टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करूंगा, सिंपल बात से बताता हूँ। दिल्ली में क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ाने जो गवर्नमेंट है वहां की उससे ज्यादा बढ़ा दी जा रही है, ठीक है, जो बिल आ रहा है तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया
वहां पे दिल्ली में चलो मान लिया यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पे इलेक्शन होता है, प्रॉपर सरकार बैठती है, सरकार चुनी जाती है, तो इतनी पावर तो उनके पास रहनी चाहिए। तो भाई क्रिटिसाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के स्टेप को, बाकी ये चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है पूरी। तो इसको अपन पूरा आर्टिकल जो है वो बात करता है बिम्स्टेक नीड टू रीइन्वेंट इटसेल्फ। तो इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज बिम्स्टेक? सबसे पहले तो ये एक एफर्ट था रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए जो 1997 में फॉर्म हुआ था, जो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और लेटर इसमें म्यांमार, नेपाल एंड भूटान को भी इंक्लूड किया गया था। अब अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक विच इज नाउ इंक्लूडेड 5 कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम एशियन इज ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। इट इंक्लूड्स ऑल मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था अगर बिम्स्टेक को क्रिएट करने का? तो पहला था क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन, इनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी इन पार्टनरशिप, प्रमोटिंग एक्टिव कोलोबरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, और सबसे लास्ट में है एक्सेलरेटिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या थे बिम्स्टेक के क्या है? तो पहला है कि देखो अलाउ इंडिया टू परसू द कोर पॉलिसीज, नेबरहुड फर्स्ट वाली जो हमारी पॉलिसी उसको बढ़ाने में मदद करता है, इस एरिया में चाइना का जो दबदबा है उसे थोड़ा सा कम करने में हमारा मदद करता है। अगर हम अगल बगल की कंट्रीज से अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे तो हमारा नाम भी होगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने का मौका देता है इंडिया को, और इस तरीके की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं, सबसे पहली है कि इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग, प्रॉपरली मीट नहीं होती है, मिलते नहीं है जल्दी, टाइम टू टाइम ठंडे बस्ते में जा चुका है बिम्स्टेक, ये देखने को मिलता है। मेंबर स्टेट्स के द्वारा इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, भैया जो बिम्स्टेक के पार्टी है वो भी इस पर सीरियस नहीं लेते हैं इसको। ब्रॉड फोकस एरिया क्या है, 14 एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो आपने चुने थे आप उस पर भी ढंग से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, और क्या होता है कि बिम्स्टेक के आप कंट्रीज के बीच में आपस में इतनी टेंशन है कि एक तरफा पॉइंट पे इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, प्लस बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, बीसीआईएम फोरम जो है, और ये सारी जो चीजें हैं, जैसे क्या है ना कि बिम्स्टेक जो है इसी के कुछ बंदों ने एक अलग फोरम खोल लिया है, वो है बीसीआईएम। तो अब भाई लोग इस पे फोकस करें कि इस पे फोकस करें, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये देखने को मिलती हैं, लेकिन इन द एंड बिम्स्टेक के जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करना होगा, क्योंकि इंडिया के लिए दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली तो नहीं कहेंगे लेकिन दिस इज अ मेजर प्लेटफॉर्म जहां से वो चाइना को टैकल कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है। तो यहां पे बिम्स्टेक के लिए इंडिया को सीरियस लेना होगा और इसके लिए एक कदम उठाना होगा कि बिम्स्टेक की जो ये चैलेंजेस हैं इसको दूर किए जा सकें। ठीक है, तो दिस वॉज दिस आर्टिकल जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर क्या है, सेंटर जो है फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स फॉर मोर वैक्सीन कैंडिडेट्स। देखो भाई देश में कोविड की हालत जो है अच्छी तो नहीं है बिल्कुल, मैटर काफी सीरियस चल रहा है, और अब पता नहीं कुछ अलग अलग तरीके के ऐसे स्ट्रेन बने कि लोग तो बता रहे हैं कि सेकेंड वेव इज मोर डेंजरस देन प्राइमरी वाला। अब इसका जीता जागता सबूत यही है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी जगह में रहते हो, जाके शमशान घाट चले जाओ, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि क्या कोविड का जो अभी अफवाह है ये सही है कि गलत है। तो भाई बिल्कुल सही है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पे तो 8-8 घंटे के टोकन लग रहे हैं शमशान घाट के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने परिवार जनों के लिए, अपने लिए थोड़ा सा जरूरत पड़ने पर बाहर निकलिए और मास्क, सैनिटाइजर इन सबका यूज करिए। जो एक एटीट्यूड आ गया है ना लोगों के अंदर कि भाई हमें नहीं होगा, हम बहुत ही बड़े, बिल्कुल सारे इम्यूनिटी हमारे ही अंदर है, तो ये एटीट्यूड गलत है। जब होता है तब अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, और मेरे साथ तो अभी हुआ है रिसेंटली, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर पाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखो 3 वैक्सीन के कैंडिडेट्स को अप्रूवल करने की बात हुई है। कल हमने देखा कि किस तरीके से रशिया की स्पुतनिक वी को हमने अलाउ किया। तो यहाँ पे देखो पी फाइजर जो कि 91.3% एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। फिर एक मॉडरेना है, स्विट्जरलैंड के द्वारा बिल्ट, ये है स्विट्जरलैंड में बिल्ट है, तो 94.5% इसकी एफिशिएंसी है, इमरजेंसी यूज में इसको भी अलाउ करा जाए। जॉनसन एंड जॉनसन जिसका सिर्फ एक ही टीका लगना होता है, 72% की एफिशिएंसी होती है इसकी, एफिकेसी, एफिशिएंसी इज नॉट द करेक्ट टर्म, एफिकेसी शुड बी द टर्म, तो एफिकेसी जो है इसकी 72% है, ऑल्दो द सिंगल डोज इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें हैं और इनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि भैया जो देश में हालत है वो तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है।
तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स अगर होंगे तो लूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमने एक आर्टिकल देखा इन क्लाइमेट चेंज नॉइस इंडिया रोल एज कंडक्टर। हमने देखा है किस तरीके से यूएस जो है वो सीरियस ले रहा है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को, इंडिया को भी लेना चाहिए। फिर राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि क्लाइमेट जस्टिस करके जो चीजें हैं ये आनी चाहिए। भाई जो लोग बात से जो मतलब क्लाइमेट जो कार्बन इमिशन बात से करना शुरू किए उनको थोड़ा ज्यादा समय मिलना चाहिए नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करने के लिए कंपेटिवली टू द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे राइटर ने करी जो काफी हद तक वैलिड है, काफी हद तक जायज है। देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना उनका ये रहता है रीजनिंग कि भैया ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना कि तुम पहले से नहीं कर पाए तो अब तुम्हें ज्यादा समय क्यों दिया जाए। और डेवलपिंग कंट्रीज का ये होता है कि भैया तुम तो तब से जो चीजों को है वो कार्बन इमिट कर करके एनवायरमेंट को खराब कर रहे थे तो तुमको तो पहले ही समय खत्म होना चाहिए, हम लोगों ने तो बाद में शुरू किया है, तो हम अभी डेवलपिंग है, जब हम डेवलप हो जाए तो हमसे छीन लेना। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं इसमें। फिर देखो हमने देखा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी एक्ट 1971 में जो अमेंडमेंट आया है, हमने देखा है किस तरीके से ये वेलकम स्टेप है। जैसे कि इन्होंने हस्बैंड टर्म को पार्टनर से कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने 24 वीक्स की प्रेगनेंसी भी टर्मिनेशन अलाउ कर दिया, 20 वीक्स वाली भी कर दी और प्रोसेस थोड़ा लिबरल कर दिया। लेकिन राइटर ने इसके बाद भी एक जेन्युइन पॉइंट उठाया, वो ये उठाया कि भैया ये जो बोर्ड वोर्ड है इनको क्यों डिसाइड करने का राइट दिया जा रहा है। वीक्स चलो ठीक है, आपने वीक्स भी कर दिए हैं कि भाई 20 वीक्स 24 वीक्स, तो कोई अगर महिला है उसकी बॉडी है उसके बच्चे हैं शी वांट्स टू डू द अबॉर्शन। और इससे क्या हुआ, दोनों ही कंट्रीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपस में डिस्कस करने के लिए, कॉपरेट करने के लिए ऑन द विषय ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी लीडर समिट ऑन क्लाइमेट शेड्यूल जो है वो है अप्रैल 22-23 के आसपास, जो कि भी एक काफ़ी बड़ा पैमाने पे वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से यूएस जो है वो सीरियस है ऑन द मुद्दा ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक चीज़ तो देखिए क्लियर है, वो ये है कि एक अभी एक टारगेट सा है पूरे विश्व में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का कि किसी भी तरीके से नेट जीरो करना है 2050 तक कार्बन इमिशन, ठीक है। तो अब ये जो टारगेट है ये अचीवेबल है तो नहीं भी है, ये अपने आप में डिस्कशन का विषय। लेकिन राइटर जो है ये क्रिटिसाइज करेंगे अभी आगे इस चीज़ को कि हर कंट्री को सेम जूते में देखना सही चीज़ नहीं है। जैसे कि भैया यूएस जो है या फिर कोई और कंट्री जो है दूसरा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो पूरे विश्व में क्लाइमेट को बहुत समय से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तो अब शुरू कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो तो करेंगे तो उनको ज़्यादा समय मिलना चाहिए। अभी अपन इस पर आएंगे, ये बात यहाँ पे जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे अपन इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फिर अब देखो यहाँ पर राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स लेना, इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, फास्ट पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अमंग इंडियाज क्रिटिकल लो कार्बन ऑब्जेक्टिव इन द नेक्स्ट डिकेड। ये बता रहा है कि इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से हम इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो ये कहते हैं कि भारत को ये इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइमेट जस्टिस करके जो टर्म है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ऐड हो जाए। अब ये क्लाइमेट जस्टिस क्या बात करता है, ये यही बात करता है जो मैंने आपको बताया कि भैया हर कंट्री को सेम जूते में ना देखा जाए। यूएस जो है पूरे एनवायरनमेंट को अकेला एक जमाने में एक्सप्लॉइट करता था, तब कोई और कंट्रीज तो उस लेवल पे थी ही नहीं कि वो मतलब डेवलपमेंट के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करें या ऐसी चीज़ें करें। तो आज जो कंट्रीज जो बाद में इन चीज़ों में आए हैं तो उनको आज सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आज उनको अलाउ करने की ज़रूरत है कि उनका जो समय है वो यूएस के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो, वो कार्बन इमिट एमिशन नेट जीरो करने का जो टारगेट है वो थोड़ा बात का मिले। जैसे कि राइटर ने यहाँ पे बोला कि देखो यूरोपियन यूनियन जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इनको 2035-40 ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए क्योंकि बहुत समय से कर रहे हैं। फिर चाइना के लिए बोलते हैं कि 2060 तक मिलना चाहिए, भारत के लिए बोलते हैं 2070 तक मिलना चाहिए राइटर। तो उसका जो क्राइटेरिया है राइटर का वो यही है कि इन्होंने डेवलप करना जो है बाद में शुरू किया था, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद क्या है कि जो डिबेट है वो आज भी चली आ रही है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है इसको सॉल्व किया जाएगा और कैसे करके जो है ये नेट जीरो कार्बन इमिशन किया जाएगा, ठीक है। तो राइटर यहाँ पे लास्ट में यही बोलते हैं कि भैया ये जो चीज़ें हैं सीरियस लेनी होगी सरकारों को और इस पर स्टेप उठाने होंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राइटर ने जो पूरे मतलब आर्टिकल में डिस्कशन किया है वो ये वाले पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। एक टर्म जो है क्लाइमेट जस्टिस वाली बात, ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखिएगा, आगे आपके यूज़ में आ सकता है।
इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है अ स्मॉल स्टेप। ये आर्टिकल जो है ये बात करता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है, एमटीटी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है उससे रिलेटेड। तो चलिए फिर इसको देखना शुरू करते हैं। राइटर जो है यहाँ पे इस आर्टिकल को शुरू करते हैं कि एमटीपी एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है और एक ये वेलकम कदम है फॉर महिलाएं, फॉर वुमेंस। और पहले देखो क्या होता था, पहले जो था वो अभी मतलब एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 में जो अमेंडमेंट लाया गया है इसमें क्या हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो 24 वीक्स के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं अगर फीटल के अंदर एनोमलिटीज़ है। एक बोर्ड बनेगा जो डिसाइड करेगा कि हाँ ये चीज़ें मतलब ये जो जेन्युइन केस है कि नहीं है, ठीक है। और जो 20 वीक्स वाला जो प्रेगनेंसी होता था जिसको टर्मिनेट किया जाता था पहले, इसमें भी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती थी लेकिन पहले दो मेडिकल एक्सपर्ट्स की लेनी पड़ती थी, अब वो घटा के एक कर दी गई है। अब देखो यहाँ पे राइटर जो हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, इसमें भी चिंता व्यक्त करी है। उससे पहले एक चीज़ और इस अमेंडमेंट में किया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखो पहले क्या होता था कि इंडिया में जो कपल्स होते थे जो मैरिड नहीं होते थे, अब वो लोग भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की कोशिश करते थे। अब क्या होता था कि भैया वो अलाउ नहीं होते थे क्योंकि पहले जो है टर्मिनेशन जो ये एक्ट है इसमें हस्बैंड टर्म लिखी हुई थी, हस्बैंड के अलावा और लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा करवाने के लिए। तो छुप छुप के चीज़ें होती थी जिसके वजह से क्या होता था कि अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही थी और अनसेफ प्रैक्टिसेस में काफ़ी बार महिलाओं की जान चली जा रही थी, काफ़ी बार काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जा रही थी वुमेंस को। एक्सप्लॉइटेशंस भी होता था, लोग धमकी देके ब्लैकमेल करके पैसा कमाते थे। कितनी बार तुमने सावधान इंडिया में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, है ना। चलो मतलब सावधान इंडिया तो हमें कोट नहीं करना चाहिए लेकिन ठीक है, आपने देखा होगा किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये सब आ रही थी, तो इसके चलते हुए इस अमेंडमेंट में एक चीज़ और यूज़ करी गई है, वो ये है कि हस्बैंड टर्म को चेंज कर दिया गया है पार्टनर से, कि भैया अब आपका पार्टनर जो है वो सीक कर सकता है दिस थिंग्स, मतलब अगर उसको लगता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन का, मतलब आप उसके साथ जाके चीज़ें करा सकते हो। वैसे तो देखो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अलाउ किया गया है वुमेंस को कि भैया आप अपनी मर्जी से किसी भी समय इस बात को चुन सकती हैं, डिसाइड कर सकती हैं कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी से आगे कंटिन्यू नहीं करना है और आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो। देखो राइटर यहाँ पे एक मुद्दा उठा रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि भैया इट्स बॉडी ऑफ अ वूमेन, ठीक है, तो ये उनके द्वारा डिसाइड करी जानी चाहिए कि भैया उनको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, एंड इफ दे डोंट वॉन्ट तो उनको किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पर अलाउ करें। और वो तो चलो एक अलग इशू है, अभी भी आपने अलाउ किया है, अगर चाहे 20 वीक्स का ही किया है चाहे 24 वीक्स का ही किया है, तो अभी भी आप इसमें कह रहे हो कि मेडिकल एक्सपर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राइटर इस बात को उठा रहे हैं कि भैया जिसका शरीर है, जिनकी लाइफ है, जिनके बच्चे होंगे, आप उनको डिसाइड करने दीजिए ना, हुआ दीज मेडिकल एक्सपर्ट्स टू डिसाइड कि भैया इनको करने देना है कि नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पर राइटर ने इस आर्टिकल में उठाई है और हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने पहले ये देखा कि एमटीपी एक्ट है क्या, तो 1971 वाला जितना भी हमने इसमें पढ़ा है अभी अमेंडमेंट के अंदर, इसका सारा अपोजिट था 1971 वाले में, ठीक है। फिर हमने देखा कि भैया अभी वाले में क्या चेंजेस किए गए, कुछ वेलकम चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं, लेकिन राइटर जो हैं वो इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका इस पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाँ काफ़ी हद तक वैलिड भी हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है बिम्सटेक नीड टू री इन्वेट इट्सल्फ। तो इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। वॉट इज बिम्सटेक? सबसे पहले तो ये एक एफर्ट था रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए जो 1997 में फॉर्म हुआ था, जो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और लेटर इसमें म्यांमार, नेपाल एंड भूटान को भी इंक्लूड किया गया था। अब अगर हम बात करें तो बिम्सटेक विच इज नाउ इंक्लूडेड 5 कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम एशियन इज ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। इट इंक्लूड्स ऑल मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था अगर बिम्सटेक को क्रिएट करने का, तो पहला था क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन, इनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, प्रमोटिंग एक्टिव कोलोबरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, और सबसे लास्ट में है एक्सेलरेटिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या थे बिम्सटेक के, क्या हैं?
तो पहला है कि देखो अलाउ इंडिया टू परसू द कोर पॉलिसीज, नेबरहुड फर्स्ट वाली जो हमारी पॉलिसी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, इस एरिया में चाइना का जो दबदबा है उसे थोड़ा सा कम करने में हमारा मदद करता है। अगर हम अगल बगल की कंट्री से अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे तो हमारा नाम भी होगा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने का मौका देता है इंडिया को, और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं, सबसे पहली है कि इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग, प्रॉपरली मीट नहीं होती है, मिलते नहीं है जल्दी, टाइम टू टाइम ठंडे बस्ते में जा चुका है बिम्सटेक, ये देखने को मिलता है। मेंबर स्टेट्स के द्वारा इसको नेगलेक्ट किया जाता है, भैया जो बिम्सटेक के पार्टी हैं वो भी इस पर सीरियस नहीं लेते हैं इसको। ब्रॉड फोकस एरिया क्या है, 14 एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो आपने चुने थे आप उस पर भी ढंग से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। और क्या होता है कि बिम्सटेक के आप कंट्रीज़ के बीच में आपस में इतनी टेंशन हैं कि एक तरफा पॉइंट पर इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, प्लस बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार BCIM फोरम जो है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे क्या है ना कि बिम्सटेक जो है इसी के कुछ बंदों ने एक अलग फोरम खोल लिया है, वो है BCIM। तो अब भाई लोग इस पर फोकस करें कि इस पर फोकस करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने को मिलती हैं, लेकिन इन दी एंड बिम्सटेक के जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करना होगा, क्योंकि इंडिया के लिए दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली तो नहीं कहेंगे लेकिन दिस इज़ अ मेजर प्लेटफॉर्म जहाँ से वो चाइना को टैकल कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है। तो यहाँ पे बिम्सटेक के लिए इंडिया को सीरियस लेना होगा और इसके लिए कदम उठाना होगा कि बिम्सटेक की जो ये चैलेंजेस हैं इसको दूर किए जा सकें, ठीक है। तो दिस वॉज दिस आर्टिकल जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर क्या है, सेंटर जो है फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स फॉर मोर वैक्सीन कैंडिडेट्स। देखो भाई देश में कोविड की हालत जो है अच्छी तो नहीं है बिल्कुल, और अभी जो है मैटर काफ़ी सीरियस चल रहा है, और अब पता नहीं कुछ अलग अलग तरीके के ऐसे स्ट्रेन बने कि लोग तो बता रहे हैं कि सेकेंड वेव इज़ मोर डेंजरस देन प्राइमरी वाला। अब इसका जीता जागता सबूत यही है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी जगह में रहते हो, जाके शमशान घाट चले जाओ, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि क्या कोविड का जो अभी अफवाह है ये सही है कि गलत है। तो भाई बिल्कुल सही है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पे तो 8-8 घंटे के टोकन लग रहे हैं शमशान घाट के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने परिवार जनों के लिए, अपने लिए थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलिए और मास्क सैनिटाइज़र इन सब का यूज़ करिए। जो एक एटीट्यूड आ गया है ना लोगों के अंदर कि भाई हमें नहीं होगा, हम बहुत ही बड़े, बिल्कुल सारे इम्यूनिटी हमारे ही अंदर है, तो ये एटीट्यूड गलत है। जब होता है तब अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, और मेरे साथ तो अभी हुआ है रिसेंटली, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर पाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो 3 वैक्सीन के कैंडिडेट्स को अप्रूवल करने की बात हुई है। कल हमने देखा कि किस तरीके से रशिया की स्पुतनिक वी को हमने अलाउ किया। तो यहाँ पे देखो पी फाइजर जो कि 91.3% एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। फिर एक मॉडरेना है स्विट्जरलैंड के द्वारा बिल्ट, ये है स्विट्जरलैंड में बिल्ट है, तो 94.5% इसकी एफिशिएंसी है, इमरजेंसी यूज़ में इसको भी अलाउ करा जाए। जॉनसन एंड जॉनसन जिसका सिर्फ एक ही टीका लगना होता है, 72% की एफिशिएंसी होती है इसकी, एफिकेसी, एफिशिएंसी इज नॉट द करेक्ट टर्म, एफिकेसी शुड बी द टर्म, तो एफिकेसी जो है इसकी 72% है, ऑल दो द सिंगल डोज इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि भैया जो देश में हालत है वो तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स अगर होंगे तो लूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने एक आर्टिकल देखा इन क्लाइमेट चेंज नॉइस इंडियाज रोल एज कंडक्टर, हमने देखा कि किस तरीके से US जो है वो सीरियस ले रहा है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को, इंडिया को भी लेना चाहिए। फिर राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि क्लाइमेट जस्टिस करके जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए। भाई जो लोग बात से जो मतलब क्लाइमेट जो कार्बन इमिशन बात से करना शुरू किए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय मिलना चाहिए नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करने के लिए कंपेटिवली टू द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर राइटर ने करी हैं जो काफ़ी हद तक वैलिड हैं, काफ़ी हद तक जायज़ हैं। देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती ना उनका ये रहता है रीजनिंग कि भैया ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना कि तुम पहले से नहीं कर पाए, तो अब तुम्हें ज़्यादा समय क्यों दिया जाए। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये होता है कि भैया तुम तो तब से जो चीज़ों को है वो कार्बन इमिट कर करके एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे थे, तो तुमको तो पहले ही समय ख़त्म होना चाहिए, हम लोगों ने तो बाद में शुरू किया है, तो हम अभी डेवलपिंग है, जब हम डेवलप हो जाएं तो हमसे छीन लेना। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं इसमें। फिर देखो हमने देखा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP एक्ट 1971 में जो अमेंडमेंट आया है, हमने देखा किस तरीके से ये वेलकम स्टेप है, जैसे कि इन्होंने हस्बैंड टर्म को पार्टनर से कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने 24 वीक्स की प्रेगनेंसी भी टर्मिनेशन अलाउ कर दिया, 20 वीक्स वाली भी कर दी और प्रोसेस थोड़ा लिबरल कर दिया।
लेकिन राइटर ने इसके बाद भी एक जेन्युइन पॉइंट उठाया, वो ये उठाया कि भैया ये जो बोर्ड वोर्ड है इनको क्यों डिसाइड करने का राइट दिया जा रहा है, वीक्स चलो ठीक है आपने वीक्स भी कर दिए हैं कि भाई 20 वीक्स 24 वीक्स, तो कोई अगर महिला है उसकी बॉडी है उसके बच्चे हैं शी वॉन्ट्स टू डू द अबॉर्शन, तो हुआ द मेडिकल बोर्ड टू डिसाइड कि भैया वो कराएगी कि नहीं कराएगी, मतलब वो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। देन ए बिम्स्टेक नीड्स टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, तो हमने इसके बिम्स्टेक की कुछ कारण देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, बिम्स्टेक क्यों बनाया गया था ये देखा, हमने ये भी देखा कि इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हमने ये देखा कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है टू काउंटर चाइनाज बैड इनिशिएटिव बैड इंटेंशंस इन एशिया पैसिफिक, जहाँ पे वो बहुत सारे कंट्रीज को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में दबोच रहा है, जैसे कि श्रीलंका एक एग्जांपल है इसका बेस्ट, तो भारत को इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए। और जो चैलेंजेस हमने पढ़े जैसे कि इनकंसिस्टेंसी है मीटिंग में, मेंबर स्टेट्स भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, जो फोकस एरियाज थे आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपस में कंट्रीज में नहीं बन रही है, आपने फिर सब अलग अलग और ग्रुप्स बना लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब पे नज़र रखते हुए इंडिया को इस पर कदम उठाना होगा और बिम्स्टेक को आगे लेके जाना होगा। फिर हमने देखा कि जो वैक्सीन्स हैं भारत में भी जो अप्रूव हुई हैं और कुछ और कर देनी चाहिए, क्योंकि भैया केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फैल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि पहले तो हम लोग सोचते थे पहले मीम बनते थे कि 2020 की तरह कोई साल ना हो, अब 2021 भी लग रहा है ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही इंडियाज रोल एज कंडक्टर। देखो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा तो है काफ़ी ज़्यादा अभी पूरे विश्व में ही एक समस्या का विषय है, और आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब शासन में थे तब वो पेरिस क्लाइमेट से यूएस को बाहर ले आए थे, बट बाइडन साहब का तो एक मुद्दा ही था कि वो पेरिस क्लाइमेट में यूएस को वापस लाएंगे जैसे ही शासन में आएंगे, तो वो उन्होंने किया भी। तो अभी देखो रिसेंटली विजिट हुई है इंडिया के अंदर बाय यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी जी के द्वारा, और इससे क्या हुआ दोनों ही कंट्रीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपस में डिस्कस करने के लिए, कॉपरेट करने के लिए ऑन द विषय ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी लीडर समिट ऑन क्लाइमेट शेड्यूल जो है वो है अप्रैल 22-23 के आसपास, जो कि भी एक काफ़ी बड़ा पैमाने पे वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से यूएस जो है वो सीरियस है ऑन द मुद्दा ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक चीज़ तो देखिए क्लियर है वो ये है कि एक अभी एक टारगेट सा है पूरे विश्व में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का कि किसी भी तरीके से नेट जीरो करना है 2050 तक कार्बन इमिशन, ठीक है। तो अब ये जो टारगेट है ये अचीवेबल है तो नहीं भी है ये अपने आप में डिस्कशन का विषय, लेकिन राइटर जो है ये क्रिटिसाइज करेंगे अभी आगे इस चीज़ को कि हर कंट्री को सेम जूते में देखना सही चीज़ नहीं है, जैसे कि भैया यूएस जो है या फिर कोई और कंट्री जो है दूसरा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो पूरे विश्व में क्लाइमेट को बहुत समय से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो अब शुरू कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो तो करेंगे तो उनको ज़्यादा समय मिलना चाहिए। अभी अपन इस पर आएंगे, ये बात यहाँ पे जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे अपन इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स लेना, इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, फास्ट पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अमोंग इंडियाज क्रिटिकल लो कार्बन ऑब्जेक्टिव इन द नेक्स्ट डिकेड, ये बता रहा है कि इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से हम इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो ये कहते हैं कि भारत को ये इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइमेट जस्टिस करके जो टर्म है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ऐड हो जाए। अब ये क्लाइमेट जस्टिस क्या बात करता है, ये यही बात करता है जो मैंने आपको बताया कि भैया हर कंट्री को सेम जूते में ना देखा जाए। यूएस जो है पूरे एनवायरनमेंट को अकेला एक जमाने में एक्सप्लॉइट करता था, तब कोई और कंट्रीज तो उस लेवल पे थी ही नहीं कि वो मतलब डेवलपमेंट के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करें या ऐसी चीज़ें करें। तो आज जो कंट्रीज जो बाद में इन चीज़ों में आए हैं तो उनको आज सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आज उनको अलाउ करने की ज़रूरत है कि उनका जो समय है वो यूएस के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो, वो कार्बन इमिट एमिशन नेट जीरो करने का जो टारगेट है वो थोड़ा बात का मिले। जैसे कि राइटर ने यहाँ पे बोला कि देखो यूरोपियन यूनियन जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इनको 2035-40 ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए क्योंकि बहुत समय से कर रहे हैं। फिर चाइना के लिए बोलते हैं कि 2060 तक मिलना चाहिए, भारत के लिए बोलते हैं 2070 तक मिलना चाहिए राइटर। तो उसका जो क्राइटेरिया है राइटर का वो यही है कि इन्होंने डेवलप करना जो है बाद में शुरू किया था, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद क्या है कि जो डिबेट है वो आज भी चली आ रही है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है इसको सॉल्व किया जाएगा और कैसे करके जो है ये नेट जीरो कार्बन इमिशन किया जाएगा, ठीक है।
तो राइटर यहाँ पे लास्ट में यही बोलते हैं कि भैया ये जो चीज़ें हैं सीरियस सीरियस लेनी होगी सरकारों को, और इस पे स्टेप उठाने होंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राइटर ने जो पूरे मतलब आर्टिकल में डिस्कशन किया है वो ये वाले पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। एक टर्म जो है क्लाइमेट जस्टिस वाली बात, ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखिएगा, आगे आपके यूज़ में आ सकता है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है अ स्मॉल स्टेप। ये आर्टिकल जो है ये बात करता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है, एमटीपी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है उससे रिलेटेड। तो चलिए फिर इसको देखना शुरू करते हैं। राइटर जो है यहाँ पे इस आर्टिकल को शुरू करते हैं कि एमटीपी एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, और एक ये वेलकम कदम है फॉर महिलाएं, फॉर वुमेन्स। और पहले देखो क्या होता था, पहले जो था वो अभी मतलब एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 में जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसमें क्या हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो 24 वीक्स के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं अगर फीटल के अंदर एनोमलिटीज़ है। एक बोर्ड बनेगा जो डिसाइड करेगा कि हाँ ये चीज़ें मतलब ये जो जेन्युइन केस है कि नहीं है, ठीक है। और जो 20 वीक्स वाला जो प्रेगनेंसी होता था जिसको टर्मिनेट किया जाता था, पहले इसमें भी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन पहले दो मेडिकल एक्सपर्ट्स की लेनी पड़ती थी, अब वो घटा के एक कर दी गई है। अब देखो यहाँ पे राइटर जो हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, इसमें भी चिंता व्यक्त करी है। उससे पहले एक चीज़ और इस अमेंडमेंट में किया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखो पहले क्या होता था कि इंडिया में जो कपल्स होते थे जो मैरिड नहीं होते थे, अब वो लोग भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की कोशिश करते थे। अब क्या होता था कि भैया वो अलाउ नहीं होते थे, क्योंकि पहले जो है टर्मिनेशन जो ये एक्ट है इसमें हस्बैंड टर्म लिखी हुई थी, हस्बैंड के अलावा और लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा करवाने के लिए। तो छुप छुप के चीज़ें होती थी जिसके वजह से क्या होता था कि अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही थी, और अनसेफ प्रैक्टिसेस में काफ़ी बार महिलाओं की जान चली जा रही थी, काफ़ी बार काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जा रही थी वुमेन्स को। एक्सप्लॉइटेशंस भी होता था, लोग धमकी दे के ब्लैकमेल करके पैसा कमाते थे। कितनी बार तुमने सावधान इंडिया में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, है ना। चलो मतलब सावधान इंडिया तो हमें कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है आपने देखा होगा किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये सब आ रही थी, तो इसके चलते हुए इस अमेंडमेंट में एक चीज़ और यूज़ करी गई है, वो ये है कि हस्बैंड टर्म को चेंज कर दिया गया है पार्टनर से, कि भैया अब आपका पार्टनर जो है वो सीक कर सकता है दिस थिंग्स, मतलब अगर उसको लगता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन का, मतलब आप उसके साथ जाके चीज़ें करा सकते हो। वैसे तो देखो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अलाउ किया गया है वुमेंस को कि भैया आप अपनी मर्जी से किसी भी समय इस बात को चुन सकती हैं, डिसाइड कर सकती हैं कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी से आगे कंटिन्यू नहीं करना है, और आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो। देखो राइटर यहाँ पे एक मुद्दा उठा रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि भैया इट्स बॉडी ऑफ अ वूमेन, ठीक है, तो ये उनके द्वारा डिसाइड करी जानी चाहिए कि भैया उनको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, एंड इफ दे डोंट वॉन्ट तो उनको किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पर अलाउ करें। और वो तो चलो एक अलग इशू है, अभी भी आपने अलाउ किया है, अगर चाहे 20 वीक्स का ही किया है चाहे 24 वीक्स का ही किया है, तो अभी भी आप इसमें कह रहे हो कि मेडिकल एक्सपर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राइटर इस बात को उठा रहे हैं कि भैया जिसका शरीर है, जिनकी लाइफ है, जिनके बच्चे होंगे, आप उनको डिसाइड करने दीजिए ना, हुआ दीज मेडिकल एक्सपर्ट्स टू डिसाइड कि भैया इनको करने देना है कि नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पर राइटर ने इस आर्टिकल में उठाई है, और हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने पहले ये देखा कि एमटीपी एक्ट है क्या, तो 1971 वाला जितना भी हमने इसमें पढ़ा है अभी अमेंडमेंट के अंदर, इसका सारा अपोजिट था 1971 वाले में, ठीक है। फिर हमने देखा कि भैया अभी वाले में क्या चेंजेस किए गए, कुछ वेलकम चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं, लेकिन राइटर जो हैं वो इसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनके इस पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाँ काफ़ी हद तक वैलिड भी हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है बिम्स्टेक नीड टू री इन्वेट इट्सेल्फ। तो इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज बिम्स्टेक? सबसे पहले तो ये एक एफर्ट था रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए, जो 1997 में फॉर्म हुआ था, जो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और लेटर इसमें म्यांमार, नेपाल एंड भूटान को भी इंक्लूड किया गया था। अब अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक विच इज नाउ इंक्लूडेड 5 कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम एशियन, इज ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईशियन एशिया। इट इंक्लूड्स ऑल मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था अगर बिम्स्टेक को क्रिएट करने का, तो पहला था क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन, इंकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप,
प्रमोटिंग एक्टिव कोलोबरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, और सबसे लास्ट में है एक्सेलरेटिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा. ठीक है, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या थे बिम्स्टेक के क्या है? तो पहला है कि देखो, अलाउ इंडिया टू परसू द कोर पॉलिसीज, नेबरहुड फर्स्ट वाली जो हमारी पॉलिसी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, इस एरिया में चाइना का जो दबदबा है उसे थोड़ा सा कम करने में हमारा मदद करता है. अगर हम अगल बगल की कंट्री से अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे तो हमारा नाम भी होगा. चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने का मौका देता है इंडिया को, और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. कुछ चैलेंजेस भी हैं. सबसे पहली है कि इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग, प्रॉपरली मीट नहीं होती है, मिलते नहीं है जल्दी, टाइम टू टाइम ठंडे बस्ते में जा चुका है बिम्स्टेक, ये देखने को मिलता है. मेंबर स्टेट्स के द्वारा इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, भैया जो बिम्स्टेक के पार्टी हैं वो भी इस पर सीरियस नहीं लेते हैं इसको. ब्रॉड फोकस एरिया क्या है, 14 एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो आपने चुने थे आप उस पर भी ढंग से काम नहीं कर रहे हो. ठीक है, और क्या होता है कि बिम्स्टेक के आप कंट्रीज़ के बीच में आपस में इतनी टेंशन हैं कि एक तरफा पॉइंट पर इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं वो लोग, है ना. तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. प्लस बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, BCIM फोरम जो है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे क्या है ना कि बिम्स्टेक जो है इसी के कुछ बंदों ने एक अलग फोरम खोल लिया है, वो है BCIM. तो अब भाई लोग इस पर फोकस करें कि इस पर फोकस करें, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने को मिलती हैं. लेकिन इन दी एंड बिम्स्टेक के जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करना होगा, क्योंकि इंडिया के लिए दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली तो नहीं कहेंगे लेकिन दिस इज़ अ मेजर प्लेटफॉर्म जहाँ से वो चाइना को टैकल कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है. तो यहाँ पे बिम्स्टेक के लिए इंडिया को सीरियस लेना होगा और इसके लिए कदम उठाना होगा कि बिम्स्टेक की जो ये चैलेंजेस हैं इसको दूर किए जा सकें. ठीक है, तो दिस वॉज दिस आर्टिकल जो हमने अभी डिस्कस किया. फिर क्या है, सेंटर जो है फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स फॉर मोर वैक्सीन कैंडिडेट्स. देखो भाई, देश में कोविड की हालत जो है अच्छी तो नहीं है बिल्कुल, और अभी जो है मैटर काफ़ी सीरियस चल रहा है, और अब पता नहीं कुछ अलग अलग तरीके के ऐसे स्ट्रेन बने कि लोग तो बता रहे हैं कि सेकेंड वेव इज़ मोर डेंजरस देन प्राइमरी वाला. अब इसका जीता जागता सबूत यही है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी जगह में रहते हो, जाके शमशान घाट चले जाओ, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि क्या कोविड का जो अभी अफवाह है ये सही है कि गलत है. तो भाई बिल्कुल सही है. मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पे तो 8-8 घंटे के टोकन लग रहे हैं शमशान घाट के अंदर. अब मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने परिवार जनों के लिए, अपने लिए थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने भी बाहर निकलिए और मास्क, सैनिटाइज़र इन सब का यूज़ करिए. जो एक एटीट्यूड आ गया है ना लोगों के अंदर कि भाई हमें नहीं होगा, हम बहुत ही बड़े, बिल्कुल सारे इम्यूनिटी हमारे ही अंदर है, तो ये एटीट्यूड गलत है. जब होता है तब अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, और मेरे साथ तो अभी हुआ है रिसेंटली, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर पाऊँगा इसके बारे में. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे देखो, 3 वैक्सीन के कैंडिडेट्स को अप्रूवल करने की बात हुई है. कल हमने देखा कि किस तरीके से रशिया की स्पुतनिक वी को हमने अलाउ किया. तो यहाँ पे देखो, पी फाइजर जो कि 91.3% एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है. फिर एक मॉडरेना है, स्विट्जरलैंड के द्वारा बिल्ट, ये है स्विट्जरलैंड में बिल्ट है, तो 94.5% इसकी एफिशिएंसी है. इमरजेंसी यूज़ में इसको भी अलाउ करा जाए. जॉनसन एंड जॉनसन जिसका सिर्फ एक ही टीका लगना होता है, 72% की एफिशिएंसी होती है इसकी. एफिकेसी, एफिशिएंसी इज नॉट द करेक्ट टर्म, एफिकेसी शुड बी द टर्म. तो एफिकेसी जो है इसकी 72% है, ऑल दो द सिंगल डोज इज रिक्वायर्ड. तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि भैया जो देश में हालत है वो तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है. तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन. एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स अगर होंगे तो लूँगा. ठीक है, सबसे पहले देखो, हमने एक आर्टिकल देखा इन क्लाइमेट चेंज नॉइस, इंडियाज रोल एज कंडक्टर. हमने देखा कि किस तरीके से US जो है वो सीरियस ले रहा है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को, इंडिया को भी लेना चाहिए. फिर राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि क्लाइमेट जस्टिस करके जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए. भाई जो लोग बात से जो मतलब क्लाइमेट जो कार्बन इमिशन बात से करना शुरू किए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय मिलना चाहिए नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करने के लिए कंपेटिवली टू द डेवलप्ड कंट्रीज़. तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर राइटर ने करी हैं जो काफ़ी हद तक वैलिड हैं, काफ़ी हद तक जायज़ हैं. देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती ना उनका ये रहता है रीजनिंग कि भैया ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना कि तुम पहले से नहीं कर पाए, तो अब तुम्हें ज़्यादा समय क्यों दिया जाए. और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये होता है कि भैया तुम तो तब से जो चीज़ों को है वो कार्बन इमिट कर करके एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे थे, तो तुमको तो पहले ही समय ख़त्म होना चाहिए. हम लोगों ने तो बाद में शुरू किया है, तो हम अभी डेवलपिंग हैं, जब हम डेवलप हो जाएं तो हमसे छीन लेना. तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं इसमें.
फिर देखो हमने देखा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी एक्ट 1971 में जो अमेंडमेंट आया है, हमने देखा है किस तरीके से ये वेलकम स्टेप है, जैसे कि इन्होंने हस्बैंड टर्म को पार्टनर से कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने 24 वीक्स की प्रेगनेंसी भी टर्मिनेशन अलाउ कर दिया, 20 वीक्स वाली भी कर दी और प्रोसेस थोड़ा लिबरल कर दिया। लेकिन राइटर ने इसके बाद भी एक जेन्युइन पॉइंट उठाया, वो ये उठाया कि भैया ये जो बोर्ड वोर्ड है इनको क्यों डिसाइड करने का राइट दिया जा रहा है, वीक्स चलो ठीक है आपने वीक्स भी कर दिए हैं कि भाई 20 वीक्स 24 वीक्स, तो कोई अगर महिला है उसकी बॉडी है उसके बच्चे हैं शी वॉन्ट्स टू डू द अबॉर्शन, तो हुआ द मेडिकल बोर्ड टू डिसाइड कि भैया वो कराएगी कि नहीं कराएगी, मतलब वो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। देन ए बिम्स्टेक नीड्स टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, तो हमने इसके बिम्स्टेक के कुछ कारण देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, बिम्स्टेक क्यों बनाया गया था ये देखा, हमने ये भी देखा कि इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हमने ये देखा कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है टू काउंटर चाइनाज बैड इनिशिएटिव बैड इंटेंशंस इन एशिया पैसिफिक, जहाँ पे वो बहुत सारे कंट्रीज को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में दबोच रहा है, जैसे कि श्रीलंका एक एग्जांपल। तो भारत को इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए, और जो चैलेंजेस हमने पढ़े जैसे कि इनकंसिस्टेंसी है मीटिंग में, मेंबर स्टेट्स भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, जो फोकस एरियाज थे आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपस में कंट्रीज में नहीं बन रही है, आपने फिर सब अलग अलग और ग्रुप्स बना लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब पे नज़र रखते हुए इंडिया को इस पर कदम उठाना होगा और बिम्स्टेक को आगे लेके जाना होगा। फिर हमने देखा कि जो वैक्सीन्स हैं भारत में भी जो अप्रूव हुई हैं और कुछ और कर देनी चाहिए, क्योंकि भैया केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फैल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि पहले तो हम लोग सोचते थे पहले मीम बनते थे कि 2020 की तरह कोई साल ना हो, अब 2021 भी लग रहा है ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही इंडियाज़ रोल एज कंडक्टर। देखो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा तो है काफ़ी ज़्यादा, अभी पूरे विश्व में ही एक समस्या का विषय है, और आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब शासन में थे तब वो पेरिस क्लाइमेट से यूएस को बाहर ले आए थे, बट बाइडन साहब का तो एक मुद्दा ही था कि वो पेरिस क्लाइमेट में यूएस को वापस लाएंगे जैसे ही शासन में आएंगे, तो वो उन्होंने किया भी। तो अभी देखो रिसेंटली विजिट हुई है इंडिया के अंदर बाय यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी जी के द्वारा, और इससे क्या हुआ दोनों ही कंट्रीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपस में डिस्कस करने के लिए, कॉपरेट करने के लिए ऑन द विषय ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब जो हैं उनकी लीडर समिट ऑन क्लाइमेट शेड्यूल जो है वो है अप्रैल 22-23 के आसपास, जो कि भी एक काफ़ी बड़ा पैमाने पे वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से यूएस जो है वो सीरियस है ऑन द मुद्दा ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक चीज़ तो देखिए क्लियर है वो ये है कि एक अभी एक टारगेट सा है पूरे विश्व में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का कि किसी भी तरीके से नेट जीरो करना है 2050 तक कार्बन इमिशन, ठीक है। तो अब ये जो टारगेट है ये अचीवेबल है तो नहीं भी है, ये अपने आप में डिस्कशन का विषय, लेकिन राइटर जो है ये क्रिटिसाइज करेंगे अभी आगे इस चीज़ को कि हर कंट्री को सेम जूते में देखना सही चीज़ नहीं है, जैसे कि भैया यूएस जो है या फिर कोई और कंट्री जो है दूसरा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो पूरे विश्व में क्लाइमेट को बहुत समय से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तो अब शुरू कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो तो करेंगे तो उनको ज़्यादा समय मिलना चाहिए। अभी अपन इस पर आएंगे, ये बात यहाँ पे जहाँ पे लिखी हुई है वहाँ पे अपन इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स लेना, इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, फास्ट पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अमोंग इंडियाज क्रिटिकल लो कार्बन ऑब्जेक्टिव इन द नेक्स्ट डिकेड। ये बता रहा है कि इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से हम इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो ये कहते हैं कि भारत को ये इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइमेट जस्टिस करके जो टर्म है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ऐड हो जाए। अब ये क्लाइमेट जस्टिस क्या बात करता है, ये यही बात करता है जो मैंने आपको बताया कि भैया हर कंट्री को सेम जूते में ना देखा जाए। यूएस जो है पूरे एनवायरनमेंट को अकेला एक जमाने में एक्सप्लॉइट करता था, तब कोई और कंट्रीज तो उस लेवल पे थी ही नहीं कि वो मतलब डेवलपमेंट के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करें या ऐसी चीज़ें करें। तो आज जो कंट्रीज जो बाद में इन चीज़ों में आए हैं तो उनको आज सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आज उनको अलाउ करने की ज़रूरत है कि उनका जो समय है वो यूएस के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो, वो कार्बन एमिशन नेट जीरो करने का जो टारगेट है वो थोड़ा बात का मिले। जैसे कि राइटर ने यहाँ पे बोला कि देखो यूरोपियन यूनियन जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इनको 2035-40 ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए क्योंकि बहुत समय से कर रहे हैं। फिर चाइना के लिए बोलते हैं कि 2060 तक मिलना चाहिए, भारत के लिए बोलते हैं 2070 तक मिलना चाहिए राइटर। तो उसका जो क्राइटेरिया राइटर का वो यही है कि इन्होंने डेवलप करना जो है बाद में शुरू किया था।
और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद क्या है कि जो डिबेट है वो आज भी चली आ रही है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है इसको सॉल्व किया जाएगा और कैसे करके जो है ये नेट जीरो कार्बन इमिशन किया जाएगा। ठीक है, तो राइटर यहाँ पे लास्ट में यही बोलते हैं कि भैया ये जो चीज़ें हैं सीरियस लेनी होगी सरकारों को और इस पर स्टेप उठाने होंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राइटर ने जो पूरे मतलब आर्टिकल में डिस्कशन किया है वो ये वाले पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। एक टर्म जो है क्लाइमेट जस्टिस वाली बात, ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखिएगा, आगे आपके यूज़ में आ सकता है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है अ स्मॉल स्टेप। ये आर्टिकल जो है ये बात करता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है, MTP एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है उससे रिलेटेड। तो चलिए फिर इसको देखना शुरू करते हैं। राइटर जो है यहाँ पे इस आर्टिकल को शुरू करते हैं कि MTP एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है और एक ये वेलकम कदम है फॉर महिलाएं, फॉर वुमेंस। और पहले देखो क्या होता था, पहले जो था वो अभी मतलब MTP एक्ट ऑफ 1971 में जो अमेंडमेंट लाया गया है इसमें क्या हुआ है कि महिलाएं जो हैं वो 24 वीक्स के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं अगर फीटल के अंदर एनोमलिटीज़ है। एक बोर्ड बनेगा जो डिसाइड करेगा कि हाँ ये चीज़ें मतलब ये जो जेन्युइन केस है कि नहीं है। ठीक है, और जो 20 वीक्स वाला जो प्रेगनेंसी होता था जिसको टर्मिनेट किया जाता था पहले, इसमें भी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती थी लेकिन पहले दो मेडिकल एक्सपर्ट्स की लेनी पड़ती थी, अब वो घटा के एक कर दी गई है। अब देखो यहाँ पे राइटर जो हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, इसमें भी चिंता व्यक्त करी है। उससे पहले एक चीज़ और इस अमेंडमेंट में किया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखो पहले क्या होता था कि इंडिया में जो कपल्स होते थे जो मैरिड नहीं होते थे, अब वो लोग भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की कोशिश करते थे। अब क्या होता था कि भैया वो अलाउ नहीं होते थे क्योंकि पहले जो है टर्मिनेशन जो ये एक्ट है इसमें हस्बैंड टर्म लिखी हुई थी, हस्बैंड के अलावा और लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा करवाने के लिए। तो छुप छुप के चीज़ें होती थी जिसके वजह से क्या होता था कि अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही थी और अनसेफ प्रैक्टिसेस में काफ़ी बार महिलाओं की जान चली जा रही थी, काफ़ी बार काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जा रही थी वुमेंस को। एक्सप्लॉइटेशंस भी होता था, लोग धमकी देके ब्लैकमेल करके पैसा कमाते थे। कितनी बार तुमने सावधान इंडिया में इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी, है ना। चलो मतलब सावधान इंडिया तो हमें कोट नहीं करना चाहिए लेकिन ठीक है, आपने देखा होगा किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये सब आ रही थी, तो इसके चलते हुए इस अमेंडमेंट में एक चीज़ और यूज़ करी गई है, वो ये है कि हस्बैंड टर्म को चेंज कर दिया गया है पार्टनर से, कि भैया अब आपका पार्टनर जो है वो सीक कर सकता है दिस थिंग्स, मतलब अगर उसको लगता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन का, मतलब आप उसके साथ जाके चीज़ें करा सकते हो। वैसे तो देखो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अलाउ किया गया है वुमेंस को कि भैया आप अपनी मर्जी से किसी भी समय इस बात को चुन सकती हैं, डिसाइड कर सकती हैं कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी से आगे कंटिन्यू नहीं करना है और आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो। देखो राइटर यहाँ पे एक मुद्दा उठा रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि भैया इट्स बॉडी ऑफ अ वूमेन, ठीक है, तो ये उनके द्वारा डिसाइड करी जानी चाहिए कि भैया उनको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, एंड इफ दे डोंट वॉन्ट तो उनको किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पर अलाउ करें। और वो तो चलो एक अलग इशू है, अभी भी आपने अलाउ किया है, अगर चाहे 20 वीक्स का ही किया है चाहे 24 वीक्स का ही किया है, तो अभी भी आप इसमें कह रहे हो कि मेडिकल एक्सपर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राइटर इस बात को उठा रहे हैं कि भैया जिसका शरीर है, जिनकी लाइफ है, जिनके बच्चे होंगे, आप उनको डिसाइड करने दीजिए ना, हुआ दीज मेडिकल एक्सपर्ट्स टू डिसाइड कि भैया इनको करने देना है कि नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पर राइटर ने इस आर्टिकल में उठाई है और हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने पहले ये देखा कि MTP एक्ट है क्या, तो 1971 वाला जितना भी हमने इसमें पढ़ा है अभी अमेंडमेंट के अंदर, इसका सारा अपोजिट था 1971 वाले में, ठीक है। फिर हमने देखा कि भैया अभी वाले में क्या चेंजेस किए गए, कुछ वेलकम चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं, लेकिन राइटर जो हैं वो इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका इस पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाँ काफ़ी हद तक वैलिड भी हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है बिम्सटेक नीड टू री इन्वेट इट्सेल्फ। तो इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज बिम्सटेक? सबसे पहले तो ये एक एफर्ट था रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए जो 1997 में फॉर्म हुआ था, जो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और लेटर इसमें म्यांमार, नेपाल एंड भूटान को भी इंक्लूड किया गया था। अब अगर हम बात करें तो बिम्सटेक विच इज नाउ इंक्लूडेड 5 कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम एशियन,
इज ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्टर्न एशिया. इट इंक्लूड्स ऑल मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या था अगर बिम्स्टेक को क्रिएट करने का, तो पहला था क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन, इंकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, प्रमोटिंग एक्टिव कोलोबरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, और सबसे लास्ट में है एक्सेलरेटिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा. ठीक है. सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या थे बिम्स्टेक के, क्या है? तो पहला है कि देखो, अलाउ इंडिया टू परसू द कोर पॉलिसीज, नेबरहुड फर्स्ट वाली जो हमारी पॉलिसी है उसको बढ़ाने में मदद करता है. इस एरिया में चाइना का जो दबदबा है उसे थोड़ा सा कम करने में हमारा मदद करता है. अगर हम अगल बगल की कंट्री से अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे तो हमारा नाम भी होगा. चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने का मौका देता है इंडिया को, और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं. कुछ चैलेंजेस भी हैं. सबसे पहली है कि इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग, प्रॉपरली मीट नहीं होती है, मिलते नहीं है जल्दी, टाइम टू टाइम ठंडे बस्ते में जा चुका है बिम्स्टेक, ये देखने को मिलता है. मेंबर स्टेट्स के द्वारा इसको नेगलेक्ट किया जाता है, भैया जो बिम्स्टेक के पार्टी हैं वो भी इस पर सीरियस नहीं लेते हैं इसको. ब्रॉड फोकस एरिया क्या है, 14 एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो आपने चुने थे आप उस पर भी ढंग से काम नहीं कर रहे हो. ठीक है. और क्या होता है कि बिम्स्टेक के आप कंट्रीज के बीच में आपस में इतनी टेंशन हैं कि एक तरफा पॉइंट पर इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं वो लोग, है ना. तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. प्लस बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, BCIM फोरम जो है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे क्या है ना कि बिम्स्टेक जो है इसी के कुछ बंदों ने एक अलग फोरम खोल लिया है, वो है BCIM. तो अब भाई लोग इस पर फोकस करें कि इस पर फोकस करें, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने को मिलती हैं. लेकिन इन दी एंड बिम्स्टेक के जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करना होगा, क्योंकि इंडिया के लिए दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली तो नहीं कहेंगे लेकिन दिस इज अ मेजर प्लेटफॉर्म जहां से वो चाइना को टैकल कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है. तो यहां पे बिम्स्टेक के लिए इंडिया को सीरियस लेना होगा और इसके लिए कदम उठाना होगा कि बिम्स्टेक की जो ये चैलेंजेस हैं इसको दूर किए जा सकें. ठीक है. तो दिस वॉज दिस आर्टिकल जो हमने अभी डिस्कस किया. फिर क्या है, सेंटर जो है फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स फॉर मोर वैक्सीन कैंडिडेट्स. देखो भाई, देश में कोविड की हालत जो है अच्छी तो नहीं है बिल्कुल, और अभी जो है मैटर काफ़ी सीरियस चल रहा है, और अब पता नहीं कुछ अलग अलग तरीके के ऐसे स्ट्रेन बने हैं कि लोग तो बता रहे हैं कि सेकेंड वेव इज़ मोर डेंजरस देन प्राइमरी वाला. अब इसका जीता जागता सबूत यही है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी जगह में रहते हो, जाके शमशान घाट चले जाओ, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि क्या कोविड का जो अभी अफवाह है ये सही है कि गलत है. तो भाई बिल्कुल सही है. मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पे तो 8-8 घंटे के टोकन लग रहे हैं शमशान घाट के अंदर. अब मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने परिवार जनों के लिए, अपने लिए थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलिए और मास्क, सैनिटाइज़र इन सब का यूज़ करिए. जो एक एटीट्यूड आ गया है ना लोगों के अंदर कि भाई हमें नहीं होगा, हम बहुत ही बड़े, बिल्कुल सारे इम्यूनिटी हमारे ही अंदर है, तो ये एटीट्यूड गलत है. जब होता है तब अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, और मेरे साथ तो अभी हुआ है रिसेंटली, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर पाऊँगा इसके बारे में. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे देखो, तीन वैक्सीन के कैंडिडेट्स को अप्रूवल करने की बात हुई है. कल हमने देखा कि किस तरीके से रशिया की स्पुतनिक वी को हमने अलाउ किया. तो यहाँ पे देखो, पी फाइजर जो कि 91.3% एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है. फिर एक मॉडरेना है, स्विट्जरलैंड के द्वारा बिल्ट, ये है स्विट्जरलैंड में बिल्ट है, तो 94.5% इसकी एफिशिएंसी है, इमरजेंसी यूज़ में इसको भी अलाउ करा जाए. जॉनसन एंड जॉनसन जिसका सिर्फ एक ही टीका लगना होता है, 72% की एफिशिएंसी होती है इसकी, एफिकेसी, एफिशिएंसी इज नॉट द करेक्ट टर्म, एफिकेसी शुड बी द टर्म. तो एफिकेसी जो है इसकी 72% है, ऑल दो द सिंगल डोज इज रिक्वायर्ड. तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि भैया जो देश में हालत है वो तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है. तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन. एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स अगर होंगे तो लूँगा. ठीक है. सबसे पहले देखो, हमने एक आर्टिकल देखा इन क्लाइमेट चेंज नॉइस, इंडियाज रोल एज कंडक्टर. हमने देखा कि किस तरीके से US जो है वो सीरियस ले रहा है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को, इंडिया को भी लेना चाहिए. फिर राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि क्लाइमेट जस्टिस करके जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए. भाई जो लोग बात से जो मतलब क्लाइमेट जो कार्बन इमिशन बात से करना शुरू किए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय मिलना चाहिए नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करने के लिए कंपेटिवली टू द डेवलप्ड कंट्रीज़. तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर राइटर ने करी हैं जो काफ़ी हद तक वैलिड हैं, काफ़ी हद तक जायज़ हैं. देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना उनका ये रहता है रीजनिंग कि भैया ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना कि तुम पहले से नहीं कर पाए,
तो अब तुम्हें ज़्यादा समय क्यों दिया जाए। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये होता है कि भैया तुम तो तब से जो चीज़ों को है वो कार्बन इमिट कर करके एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे थे, तो तुमको तो पहले ही समय ख़त्म होना चाहिए, हम लोगों ने तो बाद में शुरू किया है, तो हम अभी डेवलपिंग है, जब हम डेवलप हो जाएं तो हमसे छीन लेना। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं इसमें। फिर देखो, हमने देखा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट 1971 में जो अमेंडमेंट आया है, हमने देखा किस तरीके से ये वेलकम स्टेप है, जैसे कि इन्होंने हस्बैंड टर्म को पार्टनर से कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने 24 वीक्स की प्रेगनेंसी भी टर्मिनेशन अलाउ कर दिया, 20 वीक्स वाली भी कर दिया, प्रोसेस थोड़ा लिबरल कर दिया। लेकिन राइटर ने इसके बाद भी एक जेन्युइन पॉइंट उठाया, वो ये उठाया कि भैया ये जो बोर्ड वोर्ड है इनको क्यों डिसाइड करने का राइट दिया जा रहा है। वीक्स चलो ठीक है, आपने वीक्स भी कर दिए हैं कि भाई 20 वीक्स 24 वीक्स, तो कोई अगर महिला है, उसकी बॉडी है, उसके बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू डू द अबॉर्शन, तो हुआ द मेडिकल बोर्ड टू डिसाइड कि भैया वो कराएगी कि नहीं कराएगी, मतलब वो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। देन ए बिम्स्टेक नीड्स टू री इन्वेंट हिमसेल्फ, तो हमने इसके बिम्स्टेक की कुछ कारण देखे, ऑब्जेक्टिव देखे, बिम्स्टेक क्यों बनाया गया था ये देखा, हमने ये भी देखा कि इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हमने ये देखा कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है टू काउंटर चाइनाज बैड इनिशिएटिव, बैड इंटेंशंस इन एशिया पैसिफिक, जहाँ पे वो बहुत सारे कंट्रीज़ को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में दबोच रहा है, जैसे कि श्रीलंका एक एग्जाम्पल है इसका बेस्ट। तो भारत को इसका अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो चैलेंजेस हमने पढ़े जैसे कि इनकंसिस्टेंसी है मीटिंग में, मेंबर स्टेट्स भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, जो फोकस एरियाज थे आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपस में कंट्रीज में नहीं बन रही है, आपने फिर सब अलग अलग और ग्रुप्स बना लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब पे नज़र रखते हुए इंडिया को इस पर कदम उठाना होगा और बिम्स्टेक को आगे लेके जाना होगा। फिर हमने देखा कि जो वैक्सीन्स हैं भारत में भी जो अप्रूव हुई हैं, और कुछ और कर देनी चाहिए, क्योंकि भैया केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फैल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि पहले तो हम लोग सोचते थे 2000, अभी पहले मीम बनते थे कि 2020 की तरह कोई साल ना हो, अब 2021 भी लग रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस समय जो थे वो भारत में आए थे सरदार पटेल स्टेडियम के अंदर, जो कि अब मोदी जी स्टेडियम हो गया है अहमदाबाद वाला, तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि भैया भारत जो है वो उनका एक बहुत ही क्लोज एलाई है, नरेंद्र मोदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, और ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे कही गई थी। राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि देखो भैया, दोनों ही कंट्री में नंबर ऑफ जो कोरोना वायरस केसेस थे वर्ल्ड में वो हाईएस्ट थे, और अब तो स्टेडियम का नाम भी चेंज हो गया है, एक सार्केजम राइटर यहाँ पे दे रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि भैया वहाँ पे प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए हैं, जोसेफ बाइडन साहब आ गए हैं। तो यहाँ पे राइटर जो हैं वो कहते हैं कि देखो, जोसेफ बाइडन साहब आए तो उन्होंने पहला मंथ तो अपना जो ऑफिस में बिताया है वो चेंजिंग ट्रम्प्स की पॉलिसीज करने में बिताया है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज थी जो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो रही थी US के लिए, अकॉर्डिंग टू द बाइडन साहब, लाइक WHO को लेके जो उनका एक रुत था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेके उनका जो एक अपना टेक रहता था, ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जो वो बातें करते थे, मुस्लिम बैन कर दिया था वीज़ा देने के लिए माइग्रेशन पॉलिसीज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें बाइडन साहब ने जो है आते से ही ख़त्म करी हैं। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि बाइडन जी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी इंडिया को लेके, जैसे इंडिया को थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज में रखने वाली, उसको चेंज करेंगे। कारण क्या कि देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने अपने एलाइज को कॉल किया, अपने एलाइंस पार्टनर्स को कॉल किया था, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, बाइडन साहब जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने एलाइंस पार्टनर्स को कॉल किया था, तो उन्होंने भैया इंडिया को भी कॉल किया आफ्टर इसराइल एंड आपके सऊदी अरेबिया के किंग सलमान, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी बातें US के डिफेंस सेक्रेटरी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं हमारे, इनके बीच में भी हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मतलब काफ़ी सारी बातें जो हैं समय पे चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखो और बोली जा रही है कि ऐसा नहीं है कि जो एक इंडिया और US हैं ये सिर्फ मतलब ऐसा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में पास में थे, और अगर अभी हम चाइना से थोड़े से रिलेशन ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं तो वापस से हम US से अलग हो जाएंगे, नहीं। अब US को हमने काइंड ऑफ एक बहुत ही क्लोज टाइज बनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो राइटर का यहाँ पे मानना है कि बाइडन साहब के समय में भी वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ने वाली हैं। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो बताते हैं कि बाइडेन जी का जो एक अपना एक स्टैंस रहेगा वो क्वाड के लिए सेम रहेगा, क्वाड को फोकस करेंगे, क्वाड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बिल्ड करेंगे, चारों कंट्रीज मिलकर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं इसे, चाइना का जो डोमिनेंस है वो तो इस एरिया में बढ़ ही रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्वाड की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी, समझ रहे हैं आप।
तो ये चीज़ें तो रहेंगी, इसमें कोई चेंज होने की बात नहीं है। इसके बाद राइटर जो है वो बोलते हैं कि देखो चाइना का जो अग्रेशन था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो 2020 में इंडिया और यूएस को पास लेके आया, चाइना के देखो क्या हुआ, जब बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ हुआ उससे पहले हम लोग तो नैम की पॉलिसी अपनाते थे कि भैया हम तो किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं बैठेंगे, हम जो है सबके साथ ठीक ठीक रिलेशन बना के चलेंगे। लेकिन चाइना ने जब ऐसे हमारे ऊपर मतलब हमला किया, ये जो चाइना ने हमारा विश्वासघात किया हमारे साथ, उसके बाद इंडिया ने जो है वो यूएस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंडिया जो है वो यूएस के थोड़ा सा क्लोज चला गया। ऑल्दो ये चीज़ रशिया को भी पसंद नहीं आई, रशिया भी हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है और वहीं रशिया जो है वो चाइना के क्लोज जाके बैठा हुआ है, तो दोनों ही रशिया और इंडिया के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि भाई ठीक है अभी ज़रूरत है तो हमें यूएस के पास जाना है, तुम्हें चाइना के पास जाना है, तो वो चीज़ है। लेकिन इंडिया एंड रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, ट्रेडिशनल रिलेशन है और काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये जो LAC पे हुआ था इसी के चलते हुए मालबार एक्सरसाइज को क्वाड में कराया गया था, वरना इससे पहले जो है वो क्वाड जो है वो मिलिट्रिकल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन के रही थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि क्वाड कंट्रीज ने मालबार एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था। और भारत पहले ये चीज़ अलाउ नहीं करता था, बट इस बार भारत ने भी इसको अलाउ किया है। क्यों किया था? क्योंकि भैया चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था बॉर्डर पे, और चाइना को हल्के में लेने की गलती अब भारत दोबारा नहीं कर सकता है। जब 1962 में वॉर हुए थे उस समय भी नेहरू जी जब हैं वो ये सोच के बैठे थे कि चाइना वॉर और नहीं करेगा, हमारा मित्र है, हमारा एलाई है, लेकिन चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था, तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद देखो राइटर जो है वो एक मुद्दा उठाते हैं कि एक जो पॉइंट रहेगा जो दोनों ही कंट्रियों के बीच में प्रॉब्लम का विषय फ्यूचर में हो सकता है वो है ह्यूमन राइट वॉयलेशन। राइटर ऐसा कह रहे हैं कि भैया जो अभी प्रेजेंट भारतीय सरकार है वो ह्यूमन राइट वॉयलेशन पे ज़्यादा बोलती नहीं है, और काफ़ी जगहों पे ऐसे इंस्टेंस पे नाम आता है कि भैया ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ऐसे केसेस में कह रहे हैं राइटर कि बाइडेन जी जो हैं या फिर जो कमला हैरिस जी जो हैं ये लोग भैया इसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की तो पॉलिसी ही रही है कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन हम नहीं होने देंगे, तो वहाँ पर फिर इंडिया यूएस के रिलेशन में थोड़े से खटास आ सकती है। एक और प्रॉब्लम फ्यूचर में देखने को ही मिल सकती है कि जब हम S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी लेंगे फ्रॉम रशिया, आपको पता होगा कि यूएस में एक एक्ट है काटसा, ठीक है। काटसा एक्ट का बेसिकली मतलब है कि भैया अगर आपने हमारे दुश्मन कंट्रीज़ के साथ, यूएस ने कहा है कि आप हमारे दुश्मन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको हमसे भी सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे, तो काटसा मतलब अभी जो है वो रशिया के लिए ही कहा गया है। टर्की के साथ यूएस ने ये किया, टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ख़रीदा था तो यूएस को जमा नहीं, यूएस ने भैया टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब इंडिया के पास जब S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी आएगी तब अगर रशिया अगर तब यूएस इस तरीके का कदम उठा लेगा तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान को लेके, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके यूएस और इंडिया के बीच में क्या हो सकता है, तो देखो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को लेके जो है इसमें भी इंडिया जो है वो लूप से बाहर है। क्यों है? देखो भारत की जो सरकार है वो हमेशा से अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करती है, लेकिन यूएस तो अब बैक चैनल से तालिबान को भी सत्ता में लाने को तैयार है और उस पर हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उसकी मंजूरी नहीं है, तो ये हमारे लिए ये घातक इसलिए साबित हो सकता है कि यूएस की एक पॉलिसी है कि नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कि भैया अगर आप प्रॉब्लम के पार्ट नहीं हो तो आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, तो भारत की इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। भारत को वैसे भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इस टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे भारत जो है वो एक अपना एक अलग से नाम बना सकता था, एक अपना पोजीशन बना सकता था, लेकिन वो भी भारत के हाथ से जा रहा है क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा एक रिलेशन था वो वहाँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से था, और इंडिया कहीं ना कहीं आज भी चाहता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का ही शासन रहे, तालिबान सत्ता में ना आए, क्योंकि तालिबान अगर सत्ता में आता है तो पाकिस्तान के फिर काफ़ी मजे हो जाएंगे। और पाकिस्तान की यूएस को ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का दोस्त है, और यहाँ पे तालिबान को अगर कोई समझा सकता है, बातचीत कर सकता है, कोई मीडिएट कर सकता है तो वो पाकिस्तान कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने की बात करी गई है, ठीक है। तो दिस इज़ इट गाइस, दिस इज़ वाला हमारा ये वाला आर्टिकल, आई होप आपको जो चीज़ें हैं यहाँ पे समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद है असेंबली पोल्स टू किक ऑफ ऑन मार्च 27th। अब ये क्या है, देखो भैया ये अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसी की डेट वेट आई हुई हैं, और साथ में ये कहा जा रहा है कि भैया रिजल्ट जो है वो May 2 को सबका आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी रिकॉर्ड्स इन 0.4% ग्रोथ इन क्वार्टर थ्री। देखो पहली चीज तो आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंज होगा क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर ऐसे ऐसे करके, तो अपने को बस अपने दिमाग में एक आइडिया रखना है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ था और ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो अपन को ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है 23.79 लाख रजिस्टर फॉर फ्री डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस। तो ये कर्नाटका की बहुत अच्छी न्यूज है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रन डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करी थी, और लास्ट पिछले साल की बात है, फैब की बात है, और उसी के अंदर देखने में ये आया कि 23.79 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है इसकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ रही है, सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास था जिससे कि सरकार लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, और इतने बड़े आंकड़े में अगर लोग रजिस्टर हुए हैं तो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी चीज़ को दर्शाता है। आप इनको जब भी मेंस में आंसर लिखो तो वहाँ पे कहीं एग्जांपल में कोट कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ों को याद रखो अगर। तो इसके बाद क्या, इंडिया कैन नॉट अबंडन अस से श्रीलंका। देखो यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है वाला है कि श्रीलंका के ऊपर भैया एक वो चलने वाला है, वोट होने वाला है कि श्रीलंका के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत जो है वो श्रीलंका के फेवर में वोट करे, ऐसा यहाँ पे श्रीलंका डिमांड कर रहा है, क्योंकि भैया हम उनके पुराने पार्टनर हैं, उनके पड़ोसी हैं, और हमें उनका साथ देना चाहिए ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे। ऑल्दो अभी तक हमारी सरकार का कोई इस पे वो नहीं आया है कि भैया हम इसको सपोर्ट करने वाले हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हैं, तो बाकी डिटेल में फिर चीज़ें जब होंगी सामने तो पता पड़ेंगी कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या है, MBS बिहाइंड कैप्चर और किल कसगोगी ऑपरेशन। एक देखो डीक्लासीफाइड US रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसा माना जा रहा है, थोड़ा सा इस इंसिडेंट को याद करते हैं, एक नाम आपको याद होगा जमाल खसगोगी, ये देखो एक जर्नलिस्ट थे वॉशिंगटन पोस्ट प्रेस न्यूज़ चैनल के न्यूज़पेपर के, और इनको जो है काफ़ी ये प्रसिद्ध इसलिए थे क्योंकि ये जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, इनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे, इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखते थे। तो क्या हुआ कि जमाल खशोगी जी को एक जगह पे गायब कर दिया गया, गायब हो गए उनकी, उनको मतलब कैप्चर करके मार दिया गया, और इसमें जिम्मेदारी ठहराई गई थी किसकी, सऊदी अरेबिया की कुछ ऑफिशियल्स की, और उसमें जमाल खशोगी जी का उस ऑफिशियल्स को मारने का कारण बताया गया था कुछ इंटरनल बैर थी एसेट्रा एसेट्रा, और उसमें कहीं MBS जी का नाम नहीं था कि मोहम्मद बिन सलमान जी ने ऑर्डर किया था कि इनको मरवा दो ऐसा कुछ। तो अभी एक डिक्लासीफाइड फाइल आई है US की रिपोर्ट की, उसने ऐसा कहा है, उसका ऐसा मानना है कि भैया MBS मोहम्मद बिन सलमान का इसमें रोल था इनकी मृत्यु के पीछे। ऑल दो यहाँ पे जो सिंपल सी बात है, कोई सरकार तो एक्सेप्ट करती नहीं है, तो क्राउन प्रिंस के जो ऑफिशियल्स हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज किया है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है के, क्या नाम है के, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है हैप्पी, ये जो भाई है ना इनको के को भाई पैसे देने, क्या देने, मान लो ये जो ये हैप्पी बंदा है ये के को लाइक करता है, इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, तो हैप्पी चाहता है कि के को जो है वो कुछ डोनेशन दे, तो क्या वो डायरेक्ट के ऑफिस में जाके के को पैसा दे सकता है, तो जवाब है नहीं। इसके लिए सरकार एक स्कीम लेके आई थी जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसके अंदर क्या होगा कि अगर हैप्पी को के को जाके पैसा देना है तो पहले हैप्पी को जाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में, यहाँ से उसको अपना पैसा सबमिट करना होगा, उसके बदले में इसको इलेक्टोरल बॉन्ड लेना होगा, फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड हैप्पी जाके के में जमा करेगा, फिर के वाले इलेक्टोरल बॉन्ड से जाके अपना पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें एक समस्या क्या है, इसमें समस्या ये है कि भैया जो ये हैप्पी है ना इसका नाम किसी को पता नहीं पड़ता है। अब आप कहोगे कि हैप्पी का नाम पता क्यों पड़े कि भाई हैप्पी ने के को पैसा दिया है, क्योंकि कल को मान लो देखो ये जो के है ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है और ये इस बंदे को फ़ायदा देती है तो सबको पता तो रहेगा कि हाँ भाई इसने डोनेशन दिया है इसलिए इसको फ़ायदा दे रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें फिर ये पॉलिटिकल पार्टी करने से डरेंगी अगर नाम सामने आ जाएगा। तो ये चाहती है, डिमांड काफ़ी समय से आ रही है और इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। राइटर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 24 को एक हियरिंग करी और उसके बाद इन्होंने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर ही ये हियरिंग थी। ऑल दो ये केस 3 साल से पेंडिंग है, 2018 का मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है और पिछले 3 साल से जब अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो ये काफ़ी एक समस्या का विषय रहा है भारत के अंदर, काफ़ी चर्चा चली है और ये पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है।
अब इसमें देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने ब्लैक मनी को कर देते हैं, है ना, फॉरेन से भी फंड आ सकता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए राइटर जो हैं वो ये बोलते हैं कि फॉर अ डीपली डिस्ट्रक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी एंड वॉयलेट कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन तरीके की चीज़ों को दूर रखना बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होना स्पेशली इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़रूरी है। देखो एक इक्वालिटी की भी बात करता है ये आर्टिकल। इक्वालिटी देखो ऐसे कि मान लो कोई बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, नया नया इलेक्शन लड़ रहा है, अब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वहीं एक पॉलिटिकल पार्टी जो काफ़ी समय से सत्ता में है, अब इसको ज़्यादा पैसा लोगों ने डोनेशन दे रखी है, इसके ज़्यादा चेले हैं जो इसको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि कल को फिर इनको एडवांटेज भी देना होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है, और इसी की बात यहाँ पर राइटर करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अक्रॉस डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ एंड थ्रू टाइम इट हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट मनी इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बाइंग पॉलिसी, ऑफ इंगेजिंग इन रेगुलेटरी कैप्चर एंड ऑफ स्क्यूइंग द प्लेइंग फील्ड इन वंस ओन फेवर। मतलब राइटर ये बोल रहे हैं किस तरीके से पिछले कुछ सालों में ये बात तो समझ में आ गई है कि पैसा ज़्यादा होने से किस तरीके से आप इलेक्शन में इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को काफ़ी समय से सुनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ज़्यादा खास वो हुआ नहीं था, बट फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी सीरियस हुई है इस मुद्दे को लेके, और लेट्स सी इस पर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो रीजनिंग दी जा रही है राइटर के द्वारा वो दी जा रही है कि भैया देखो वोटर जो है वो किसी को वोट देने जा रहा है, तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि वो जिस पार्टी को वोट देने जा रहा है वो पार्टी जो है एक्चुअली में कहाँ से फंडिंग प्राप्त कर रही है, उस पार्टी को कहाँ से पैसा मिल रहा है, तो ये जानना इसका राइट नहीं है क्या, राइट टू नो नहीं है क्या वोटर का। तो ये चीज़ भी यहाँ पे राइटर जो है वो पॉइंट रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत जगहों पे तो देखो जो ये इलेक्शन की फंडिंग होती है ना ये पब्लिक पैसों से होती है, मतलब जो गवर्नमेंट के पास फंड होता है उससे होती है। तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, मान लो कि चार पॉलिटिकल पार्टी हैं, गवर्नमेंट ने चारों को 20-20 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, कि भाई 20-20 लाख रुपए में अपने इलेक्शन को ख़त्म करो और सबको 20 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा करने का अनुमति नहीं है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो फिर क्या होगा कि जो नया बंदा आ रहा है इलेक्शन लड़ने उसको भी पैसा मिलेगा और वो भी कंटेस्ट कर पाएगा, और जो पुराने हैं वो तो कर ही पाएंगे। देखो एक प्रॉब्लम क्या है ना पॉलिटिक्स के अंदर हमारे यहाँ पे कि क्यों कोई आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा है या क्यों कोई आम आदमी इलेक्शन जीत नहीं पा रहा है, क्योंकि नॉर्मल ही खर्चा कम से कम 30 लाख 50 लाख इतना तो मिनिमम है, कोई छोटे छोटे इलेक्शंस में भी, गांव में अभी प्रधान प्रधान के इलेक्शन होते हैं तो 30-40 लाख तो वहीं खर्च हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये मिनिमम अमाउंट जो है ये तो मतलब खर्च होना ही होना है, तो ये पैसा आम आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा भाई। और फिर आजकल इलेक्शन में कोई 30-40 लाख थोड़ा खर्च करता है, करोड़ों में पैसे खर्च हो रहे हैं, तो भाई फिर ये पैसे जो हैं ये आम आदमी तो नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक समस्या का विषय है बिल्कुल। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद राइटर जो हैं वो बात ये कहते हैं कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार दिस डिफेट्स द एंटायर पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी विच एज बी आर अम्बेडकर मेमोरली भी पॉइंटेड आउट वॉज नॉट जस्ट टू गारंटी 1 person 1 vote बट 1 vote 1 value। तो ये सारी बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जो अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये सिर्फ फेवर कर रहा है कुछ लोगों को ही और बाकी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी इसकी वजह से नहीं मिल रही है, तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद देखो गैप्स इन गवर्नमेंट डिफेंस, गवर्नमेंट ने कुछ डिफेंस इस तरीके का दिया है कि हमने जो है ब्लैक मनी का फ्लो इलेक्शंस में रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का यूज़ किया है। अब इसका भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके प्रॉब्लम्स यही है कि देखो आपने फॉरेन फंडिंग भी अलाउ कर रखी है, कंपनीज के थ्रू पैसा भी अलाउ कर रखा है, तो अब होता क्या है ना लोग फेक कंपनी बना देते हैं, फेक कंपनी बना के उसके थ्रू भाई पैसा कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ये ब्लैक मनी को वाइट करने का भी एक तरीका है इनडायरेक्टली, है ना। फिर क्या है, जुडिशी नीड्स टू एक्ट। तो राइटर यहाँ पे देखो लास्ट में क्या बोलते हैं, राइटर कंक्लूड ऐसा करते हैं कि देखो सरकारें तो आती हैं जाती हैं लेकिन जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट पिलर है और वो इंडिपेंडेंट रहती है, तो यहाँ पे जुडिशरी को इसके ऊपर एक्ट करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है और जुडिशरी को इसके ऊपर एक्ट करना बनता भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं राइटर इस आर्टिकल के अंदर कहते हैं, और राइटर लास्ट में ये भी कहते हैं कि 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिल्कुल नहीं सुना, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, अगर अब सुप्रीम कोर्ट सुन के इस पर कुछ कड़ा फैसला ले ले तो ये एक बहुत अच्छी बात है पूरे देश के लिए एंड भारत की डेमोक्रेसी के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज। तो ये जो आर्टिकल है आपका ये बात करता है यहाँ पे
बांग्लादेश और भारत के रिलेशन के बारे में। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर चर्चा करी गई है कि किस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन अभी चल रहा है और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के इस आर्टिकल के ऊपर। तो फ्रेंडशिप, जहाँ पर राइटर ने जो लिखा है अपना आर्टिकल, उसको शुरुआत किया है कि फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो ऐतिहासिक है, कोई आज से तो है नहीं, 50 साल पुरानी है। पहले बांग्लादेश भारत ही होता था, फिर पाकिस्तान में गया, फिर भारत ने ही पाकिस्तान से इसको आज़ादी दिलाई। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। भारत का पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है बांग्लादेश को, वो हमेशा से रहा है। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में हमने काफ़ी मदद करी है, करीबन 4,000 के आसपास इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी थी। और भारत के अंदर करीबन 10 मिलियन बांग्लादेशी जो हैं, एक आंकड़े हैं ये सब, कि रिफ्यूजीज जो हैं उन्होंने शेल्टर ले रखा है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत और बांग्लादेश की रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गुजरी है। उसका कारण क्या है कि बांग्लादेश में रेजिमास अलग अलग रहे हैं, कभी मिलिट्री रूल आ गया है ना। तो द रिलेशनशिप रिमेन्ड कॉर्डियल अंटिल द एसेसिनेशन ऑफ बांग्लादेशीज फाउंडिंग बांग्लादेश के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे शेख मुजब्बिर रहमान, उनकी अगस्त 15, 1975 में असेसिनेशन हुआ था। उसके बाद से भारत और बांग्लादेश का रिलेशन थोड़े से ठंडे बस्ते में जा रहे थे, क्योंकि बीच में फिर मिलिट्री रूल और ये सब आने लगा। और फिर देखिए जनरल जी आर रहमान जब आए तब भी ऐसी चीज़ देखने को मिली। फिर देखिए क्या हुआ, 1982 से 1991 के बीच में मिलिट्री की गवर्नमेंट थी, जनता कूप था, उस समय भी कोई खास रिलेशन थे नहीं। फिर 1991 के बाद डेमोक्रेसी वापस से वहाँ पे आने की कोशिश करती है, तब थोड़े थोड़े रिलेशन जो हैं वो सही होते हैं। तो हाई एंड लोस तो चला हुआ है, लेकिन पिछले दशकों में देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। एक नया एरा ऑफ कॉपरेशन के बीच में जा चुका है, चाहे फिर वो एनर्जी का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, कनेक्टिविटी की बात हो, ट्रेड की बात हो, तो हर जगह पे दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। अब क्या है, बांग्लादेश और भारत जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में काम तो किया है, ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें हैं जहाँ पे चिंता का विषय। चलो उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, अपन उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, अपन अभी लिखा जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले बॉर्डर डिस्प्यूट का भी थोड़ा सा मामला चलता था कि भाई ये किसका पार्ट है किसका पार्ट है। तो 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर दिया गया कि भाई जिसको जिसके पास रहना है वहाँ पे बॉर्डर में चुन ले, और उस तरीके से बंटवारा कर लिया गया। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी जिसको प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी लीड करती हैं, तो उन्होंने बॉर्डर के पास से एंटी इंडियन इंसर्जेंसी वाले जो एलिमेंट्स थे उनको हटा दिया, जिससे कि बॉर्डर पे अब फाइनली पीस है, वरना बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे भी बीच बीच में सीज फायर और ये सब देखने को मिलता था। बट शेख हसीना जी ने इन चीज़ को टैकल करने में बहुत अच्छा रोल अदा किया है। भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर, एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश के अंदर जो है वो 9.21 बिलियन के आसपास है, और इम्पोर्ट जो है वो 1.04 बिलियन के आसपास है। इंडिया ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रखा है बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर, है ना, और बहुत सारे सेक्टर में हम जो है इस तरीके से बांग्लादेश की मदद करते हैं। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो इंडिया ने 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिए हैं बांग्लादेश को रिसेंट ईयर्स के अंदर। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में एक अंतर होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हम जो है सामने वाली कंट्री को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जैसे मैं बोल दूं कि भाई मैंने किसी को लाइन ऑफ, मैं मतलब एक एग्जांपल ही ले लो, मान लो कि राज ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि राज को मैंने लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी है 1,000 रुपये की। अब 1,000 रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये कि राज मेरे से ज़रूरत पड़ने पे 1,000 रुपये तक ले सकता है। और अगर मैं यही बोलता कि मैंने राज को 1,000 रुपये का लोन दे दिया, इसका मतलब मैंने तुरंत 1,000 रुपये राज को दे दिए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ क्रेडिट एंड लोन। तो यहाँ पे हमने लोन नहीं, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए सहायता बढ़ाई हुई है, और 3 डिफरेंट डिफरेंट करी है, और उसमें से काफ़ी सारी पूरी भी कर दी है, कुछ कुछ पूरी नहीं हो पाई हैं। तो भारत में ये समस्या हमेशा से रही है, सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं, ये हर कंट्री के साथ रही है कि हम वादे बहुत करते हैं निभा पूरा नहीं पाते हैं। उसका एक कारण होता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब जो सरकारी जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा इस वजह से चीज़ देखने को मिलती है। रिसेंटली अगर हम देखें तो 1.9 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज मैत्री सेतु भी बनाया गया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। ये प्रीलिम्स के लिए देखा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस है ना, तो ध्यान रखना। जो रामगढ़ बांग्लादेश के अंदर है और सबरूम भारत के अंदर है, इसको जोड़ता है। तो मैत्री सेतु किसको जोड़ता है, क्या जोड़ता है, 1.9 किलोमीटर का है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ऐसे पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है।
फिर काफी सारे देखो वाटर डिस्प्यूट भी थे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, लेकिन अभी वो सब भी सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं। और अभी एक समस्या जो फंसती है वो फंसती है कि काफ़ी सारे इलीगल इमाइग्रेंट जब बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको शूट आउट करके मार दिया जाता है। तो ये चीज़ रोकनी है। अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि नो क्राइम नो डेथ बॉर्डर बनाना है दोनों ही देश के बीच का। तो ये जो एक एम है इसको प्राप्त करना है, मतलब तरीके से जो जयशंकर साहब का कहना था इनडायरेक्टली वो ये कहना था कि आप लोगों को हमारे देश में आने से रोक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आपको ये करना भी चाहिए, लेकिन लीगल वे का फॉलो करिए और इस तरीके से ना करिए। इसके बाद क्या है, श्रीलंका नेपाल मालदीव जो हैं वो कभी भारत के ट्रेडिशनल इंडियन एलाइज होते थे, पर धीरे धीरे देखिए चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे मालदीव की बात करें, तीनों के तीनों जाके बैठ गए किसके पास, चाइना के पास। और मजबूरी भी है, भारत जब मदद नहीं करेगा तो फिर बाकी ये चाइना के पास तो जाएंगी, और ऐसा नहीं भारत इनकी मदद नहीं करता है, करता है, लेकिन चाइना जो है वही थोड़ा सा इकोनॉमिकली ज़्यादा आगे है तो फंडिंग जो है वो ज़्यादा कर देता है। तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होने के बावजूद भी ये कंट्रीज़ जो हैं धीरे धीरे हमसे दूर जा रही हैं। अब ये भूटान में भी देखने को मिलने लगा है, भूटान के अंदर भी एक लहर दौड़ रही है जो एंटी इंडिया रहती है। तो बांग्लादेश भी इसी तरीके से चाइना के करीब तो है ही है, चाइना ने काफ़ी सारा फंडिंग दिया हुआ है, और भारत को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाइना से किसी भी तरीके से इन कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस से बाहर रखना है, और भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन फिर अच्छे रखे। यहाँ पे लास्ट में राइटर जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि तीन सीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, इसके बाद देखो आज कुछ न्यूज़ भी आई हैं। तो न्यूज़ क्या है, सबसे पहली कि वाई नो डिसीजन ऑन लिस्ट सेंट बाय कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट आज गवर्नमेंट। देखो कोलिजियम सिस्टम वर्क कैसे करता है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। कोलिजियम सिस्टम में सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये चूज़ करते हैं कुछ जजेस के नाम, ये वो नाम भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इनको आगे अपॉइंट करवा देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि क्या कोलिजियम सिस्टम के द्वारा मान लो 5 नाम भेजे गए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस नाम को चेंज करके आगे किसी को अपॉइंट कर सकती है कि उनको कोलिजियम सिस्टम की ही बात माननी पड़ेगी? तो जवाब है नहीं भाई, नाम तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मान लो कोलिजियम सिस्टम ने 5 नाम इनको भेजे, तो अब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि वापस कोलिजियम सिस्टम के पास 5 नाम भेज देगी कि भाई इस 5 नाम में से हमें 2 नाम पसंद नहीं आए या 1 नाम पसंद नहीं आया या 5 ही पसंद नहीं आया, आप इसके बारे में सोचो, रिथिंक करो और फिर किसी और को बनाओ। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर कोलिजियम सिस्टम ने फिर से इन 5 नाम को आगे रिकमेंड कर दिया तब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है और फिर उनको उन 5 नाम को आगे ऐसे जजेस की तरह बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट जो है वो इसका एडवांटेज ऐसे उठाती हैं कि अपॉइंट कब करना है इसमें डिले कर दो, इतने में वो जजेस रिटायर हो जाते हैं, है ना। तो इससे ये चीज़ देखने को मिलती है। अब काफ़ी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, पटना में आप देखिए, आप कलकत्ता में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, मणिपुर में देखिए, केरला में देखिए, गुवाहाटी में देखिए, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और लोवेस्ट भी हैं, मतलब लोवेस्ट भी वैकेंसी तो वैकेंसी होती है ना। सिक्किम में तो चलो 0 है, मणिपुर मेघालय में 0 है, यहाँ पे केरला गुवाहाटी में भी अगर 15-16 भी हैं तो भी है तो वैकेंसी, और बाकी ज़्यादा तो फिर आप इधर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कलकत्ता, पटना। तो इसके ऊपर सोचना होगा, इसके ऊपर विचार करना होगा और जल्द से जल्द यहाँ पे नामों को अपॉइंट करना होगा। फिर क्या है, मोदी इनसिक्योर अबाउट केजरीवाल पॉपुलरिटी, यहाँ पे सिसोदिया साहब ने ऐसा बोला है कि जो बिल लाया जा रहा है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये कुछ नहीं है, ये मोदी जी जो हैं ये केजरीवाल जी से जो हैं काफ़ी इनसिक्योर्ड हैं और इसीलिए वो ऐसा करवा रहे हैं। अभी देखो यमुना वाटर रिवर पे काफ़ी पंगा चल रहा था पंजाब हरियाणा दिल्ली के बीच में और कि भाई पानी आएगा नहीं आएगा, तो अभी स्टेटस क्वो लगवा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने कहा कि जैसे पानी दिल्ली आता था वैसे आने दो, फिर जब फैसला लेंगे तब देखते हैं। महाराष्ट्र ने यहाँ पे अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है महाराष्ट्र भूषण जो नाम होता है वो दिया है आशा भोसले जी को इस बार, और इसमें कैश प्राइज होता है 10 लाख का, साइटेशन होता है, एक ट्रॉफी होती है, तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, है ना। इसके बाद क्या है, कुर्नूल का एयरपोर्ट जो है वो जगन मोहन रेड्डी साहब ने, वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब ने इनॉग्रेट किया है, और ये जो है ये 6th फंक्शनल एयरपोर्ट होगा आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर आपको कुर्नूल का नाम याद आ रहा हो, अभी और आया था, कुर्नूल जो है वो आंध्र प्रदेश की एंशियंट, मतलब एंशियंट शब्द गलत है, पहले कैपिटल भी होती थी, फिर उसके बाद अब तो चेंज हो गया है, बट अब यहाँ पे फिर कुर्नूल, विशाखापट्टनम, है ना,
और अमरावती, तीन कैपिटल मॉडल जो आंध्र प्रदेश में लाने की बात कर रहे थे, उसमें कुर्नूल भी एक नाम प्रपोज्ड है एज ए जुडिशियल कैपिटल। फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट पोस्टिंग रिटायर्ड जजेस टू क्लियर बैकलॉग इन हाई कोर्ट्स। देखो हमारे देश के हाई कोर्ट्स के अंदर काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे पुराने केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सजेस्ट ये किया है कि जो पुराने रिटायर्ड जजेस हैं आप उनको लेकर आइए और उनको आप अपॉइंट कराइए, जिससे कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो इनको टैकल करके जल्द से जल्द ख़त्म कर पाए। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी है, क्या चाह रहे हैं ये तो भगवान ही जा रहे, किम जोंग यून, लेकिन अभी कर रहे हैं। और ये बाइडेन साहब के टेन्योर में पहली इनकी ये हरकत है, अब देखते हैं इस पे यूएस किस तरीके से। रिसेंटली एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लाने की घोषणा करी है और लाने का सोचा है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस आर्टिकल के अंदर दिल्ली का इतिहास लिखा हुआ है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है वो गवर्नमेंट आई, और क्या पहले से ही दिल्ली में गवर्नमेंट थी या फिर बाद में आई, क्या था पूरा मसला, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है विद अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखो अगर हम बात करें, राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जो पहला आर्टिकल है वही ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसके बाद देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे देश के अंदर चार टाइप के स्टेट्स बना दिए गए थे, एक जिसको नाम दिया गया था पार्ट ए बी सी एंड डी स्टेट्स, ठीक है, जिसमें लास्ट दो सी और डी जो थे वो आपके एडमिनिस्टर किए जाते थे, आपके चीफ कमिश्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय अपॉइंट किए जाते थे उनके द्वारा। ये तब बात हो रही है आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल जो है, दिल्ली के ऊपर एक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि दिल्ली को स्टेट इसलिए भी ना बनाया जाए क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की कैपिटल है, इसमें पूरे देश का अधिकार हो, जहाँ ये स्टेट बन जाएगा वहाँ पे फिर थोड़ा सा एक वो स्टेट प्रधान वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई थोड़ा सा स्टेटिज्म भी आ जाता है कि हम पहले मराठीज हैं, हम पहले बिहारीज हैं, हम पहले यूपी के हैं, तो वो चीज़ ना आए। तो इसीलिए दिल्ली को हमेशा जो है वो स्टेट का दर्जा देने से सरकारें जो हैं वो कतराती हैं, क्योंकि उसके पीछे की जो रीजनिंग होती है वो यही होती है कि दिल्ली क्योंकि जब नेशनल कैपिटल है तो इसके ऊपर पूरे देश का अधिकार होना चाहिए। फिर दूसरा देखो ये भी है कि जो नेशनल कैपिटल है वहाँ पे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं पे वर्क करती है, फंक्शन करती है, तो ऑफ कोर्स जो नेशनल कैपिटल है और वैसे भी देखा जाए लॉजिकली जो देश में सरकार आ रही है उसका कंट्रोल होना चाहिए नेशनल कैपिटल के ऊपर, तो ये भी एक कारण है, इसलिए दिल्ली को भी प्रॉपर स्टेट का दर्जा नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर राइटर जो है वो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो मेन चीज़ ये है कि दिल्ली के अंदर, वैसे तो ये आज से नहीं है, ये काफ़ी समय से है कि जब भी वहाँ पे अलग अलग सरकारें आ जाती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी सरकार होती है, दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार होती है, तो काफ़ी पावर टसल जो है वो बहुत पहले से देखने को मिल जाता है, दिखता है। काफ़ी इतिहास में आप जाएंगे तो काफ़ी बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो इनिशियली इसको पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, मैंने आपको बताया जैसे कि ए बी सी एंड डी में डिवाइड किया गया था, तो स्टार्टिंग में इसको पार्ट सी स्टेट की कैटेगरी में डाला गया था। और जो पॉपुलेशन है वो 1951 के आसपास 14 लाख के आसपास थी। इसके चलते हुए उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट कर दी गई थी दिल्ली के अंदर, और ब्रह्म प्रकाश, हाँ चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो हैं वो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे दिल्ली के 1952 में। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में पहली बार सरकार जो है वो बीच में बनी थी, नहीं, स्टार्टिंग में बनी थी, फिर बीच में अबॉलिश हो गया था, फिर वापस आया था। अभी अपन पूरा इतिहास देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, जब पावर टसल होने लगी, अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग गई, किसकी चलेगी किसकी चलेगी, और इसके चलते हुए 1955 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर दिया गया और यहाँ पे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और सिर्फ दो कैटेगरीज रखी, एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और फिर दिल्ली की जो चीज़ें हैं वो वापस पुराने उस पर चली गई और फिर जो है दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया और इसको एडमिनिस्टर किया जाने लगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड द काउंसिल स्टूड अबॉलिस्ट, लेकिन उसके बाद समय समय पे काफ़ी डिमांड आने लगी कि नहीं भाई दिल्ली के अंदर तो अलग से चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, ऐसे ऐसी चीज़ें जब सुनने को मिली, तब आया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 जो ये कहता था कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाओ 56 इलेक्टेड मेंबर्स की और ये लोग जो हैं ये अपने कुछ फैसले लेते रहेंगे कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स के ऊपर।
लेकिन चीज़ें यहाँ पे भी नहीं चली फिर से, लोगों की डिमांड जो है वो स्टेट उठ के आने लगी कि दिल्ली को नहीं स्टेट का दर्जा दो, यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए, और ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे डिमांड आने लगी। तो फिर देखने को क्या मिला कि 1987 में बालकृष्ण कमेटी बनाई गई। कौन सी? बालकृष्ण कमेटी 1987 में बनाई गई, और उन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन है वो सबमिट किया। 1989 में कमेटी का रिकमेंडेशन जो है वो ये आया कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी की तरह ही रहने दिया जाए, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है वो ये करा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया जाए, और वो लोग कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क कर सकें। फिर इसकी रिपोर्ट को मानते हुए 69th अमेंडमेंट एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCT एक्ट 1991 आया, और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आज की डेट में हम देखते हैं वो देखने को मिली। फिर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मामला क्या है कि मतलब अगर आप 1991 से लेके आज के बीच में देख लो तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली असेंबली के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कभी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो दूसरी सत्ता में है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरी है। ऐसा पहले भी हुआ है और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती है, पावर टसल जो है वो देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि पिछली बार तो कोर्ट में भी मामला गया था जब दिल्ली सरकार और लहजी के बीच में मामला फंसा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो देखने को मिली हैं, लेकिन अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इसके आने के बाद देखो बेसिकली होगा क्या ना कि दिल्ली सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसको पहले LG से परमिशन लेना होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है कि ये बिल करना क्या चाह रहा है। मतलब दिल्ली सरकार के पास कोई पावर ज़्यादा बचेगी नहीं, मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो हैं उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन से करना पड़ेगा। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर परमिट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। तो ये काइंड ऑफ ज़्यादा पावर जो है वो ऑटोनॉमी दे दी गई है LG को ओवर दिल्ली गवर्नमेंट। अब इसमें देखो जो कुछ जानकार हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है भैया ये डेमोक्रेटिकली आई है, इसको जनता ने चुना है, जनता ने जिनको चुना है आप उनसे ऊपर एक अपॉइंटेड बंदे को कैसे रख सकते हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो यही यहाँ पे सारा मामला है और इसी के चक्कर में सारी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो रही है। वैसे तो अगर आप देखें तो पास्ट में सॉल्यूशन तो इसका निकालना बनता था क्योंकि फ्यूचर में फिर ऐसा होगा कभी कि भाई दिल्ली में कोई दूसरी सरकार होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दूसरी होगी, तो चलिए ठीक है इसका सॉल्यूशन निकालना तो बनता था। लेकिन ये सॉल्यूशन कि भैया जो जनता ने जिनको चुना है आप उनसे ज़्यादा LG को पावर दे रहे हो, तो ये अकॉर्डिंग टू द राइटर नहीं सही है और काफ़ी लोग भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट देन कुछ लोग इसका फिर फेवर भी कर रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन सबके होते हैं। बाकी अब ये देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट इसको क्या कहती है, कोर्ट इस चीज़ को मान्य ठहराती है कि नहीं ठहराती है, ये एक देखने वाला चिंताजनक विषय होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करो यार, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, अच्छी लगे तो शेयर कर दो, नहीं लगे तो मत करो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो फ्री एंड ओपन करके आर्टिकल आया है। ये US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं इनका नाम है L. Lloyd Austin, है ना। अभी हमने एक दिन न्यूज़ में भी देखा था कि भारत आए हैं ये, तो भारत आने से पहले ये अफगानिस्तान में भी रुक गए थे, ये एक सरप्राइज इनकी विजिट थी अफगानिस्तान की जो कि ये पहले से प्री प्लान नहीं था। और ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये बात करता है कि ऑस्टिन जब भारत आए तब क्या क्या बातचीत सामने आई। तो सबसे पहले देखो एक बात आई अफगानिस्तान की, भारत देखो जानता है मतलब भारत जो है वो तालिबान से ज़्यादा वार्तालाप करना चाहता नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान को जो है वो तालिबान के कंट्रोल में दे दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान जो US है उसने तो डिसाइड कर रखा है कि हमें तो अफगानिस्तान से जाना है और उसमें वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है। एक चीज़ और है कि देखिए US ने एक डेडलाइन दी थी कि हम 1 मई तक जो है हमारी फोर्सेस को अफगानिस्तान से ले जाएंगे। अब इस पे भी विचार चल रहा है कि क्या 1 मई में ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं, अभी थोड़ा और समय लेना चाहिए। तो ये सब एक तो मुद्दा था जिस पे काफ़ी वार्तालाप हुई। दूसरा एक मुद्दा है काटसा का। काटसा का मुद्दा क्यों है भाई? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने जो है डिसाइड किया था कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम परचेस करेगा, कहाँ से? रशिया से। तो अब ऑस्टिन ने तो ये कहा है कि भैया इनडायरेक्टली जो बात आई है वो ये आई है कि अभी तो डिलीवरी ली नहीं है आपने, पर डिलीवरी अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको भी कॉन्सिक्वेंस जो है वो सहने पड़ जाएंगे। काटसा आपको पता है US का एक एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिका वो वाला जो एक्ट है जिसमें ये बात सामने रखी गई है कि अगर कोई भी ऐसी कंट्री जो
यूएस के एनिमी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेगी या यूएस की जो जो मतलब फेवर कंट्रीज़ नहीं है उनके साथ ट्रेड करेगी। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, तो फिर यूएस जो है उन कंट्रीज़ के ऊपर सेंक्शन लगा देगा। तो काट्सा एक्ट को लेके यहाँ पे एल लॉयड ऑस्टिन ने चिंता व्यक्त करी है और इंडिया को चिंता व्यक्त करी है कि भैया आप जो है S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हो रशिया से, ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं होंगी फ्यूचर में अगर आपने ये चीज़ें कंटिन्यू रखी। ठीक है, तो ये भी ऑस्टिन साहब ने सामने रखा है। एक और यहाँ पे देखो, चाइना का नाम तो नहीं लिया गया है क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर इशू है उसको बायलेटरल इशू मानते हैं चाइना इंडिया लगभग लगभग दोनों ही, पर इनडायरेक्टली यहाँ पे चाइना की बातें करी गई हैं। चाइना को बताया गया है कि आप जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो, पर डायरेक्टली इनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। और जहाँ तक बात करी जाए अफगानिस्तान पीस प्रोसेस की, तो अभी हमने देखा था कि रशिया ने मीडिएट किया था, एक नया जल्दी ही समिट हुई थी। और अफगानिस्तान में भारत जो है देखो वो यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, भारत ने काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी कराया हुआ है। तालिबान को हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि तालिबान अगर सत्ता में आएगा तो पाकिस्तान के टेररिस्टों की मदद कर सकता है अफगानिस्तान की ज़मीन को यूज़ करने के लिए अगेंस्ट द इंडिया। तो इंडिया को ये प्रॉब्लम हमेशा रही थी तालिबान से। लेकिन अभी हमने एक जो चेंज किया है हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो ये किया है कि पहले जो है वो इंडिया तालिबान के साथ बातचीत में भी इंडल्ज नहीं होता था, लेकिन अब जो है भारत भी तालिबान के साथ बातचीत में इंडल्ज हो जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में तालिबान ही आ गया अफगानिस्तान में तब फिर हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक कम्युनिकेशन चैनल होने की तालिबान से। तो इसीलिए इंडिया ने ये अभी जल्दी शुरू किया है। ये काफ़ी पहले से जानकार लोग जो हैं वो ये कहते थे, वो चाहते थे कि भारत जो है वो इस चीज़ में इंडल्ज हो, भारत जो है वो तालिबान से बातचीत करे और तालिबान के साथ संपर्क में रहे, और फाइनली जो है भारत ने इस चीज के ऊपर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है द वे फॉरवर्ड, ये आर्टिकल आया है म्यांमार के जनता कूप से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो म्यांमार में ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि जनता कूप हुआ है या मिलिट्री ने चीजों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करी है। 2010 की अगर आप लास्ट टाइम बात करो तो 2010 में जो लास्ट आपके मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने सेम ही डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी थी, और उसके बाद ये जो इलेक्शन इलेक्शन हुए थे सत्ता आई थी। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे पहले भी देखो इस तरीके की चीज़ें म्यांमार की आर्मी के द्वारा किया गया है, जनता कूप वहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ की जो मिलिट्री है अब वो इस प्रोटेस्ट को जो म्यांमार में हो रहा है अगेंस्ट दिस जनता कूप उसे कुचलने में कह सकते हो आपकी खड़ी नहीं उतर पा रही है, उसको शांत नहीं करा पा रही। इससे पहले जब भी इस तरीके की चीज़ें होती थी तो प्रोटेस्ट होता था तो जो जनता कूप होती थी जो मिलिट्री होती थी वो मामले को शांत कर देती थी, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ये जो जनता रूल आया है इसके अगेंस्ट में लोग जो हैं वो बिल्कुल सड़क पे उतर आए हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रही है चीज़ें। मतलब चाहे मिलिट्री ने भी कितने लोगों को मार दिया है वहाँ पे, अभी हम एक दिन आर्टिकल पढ़ रहे थे कितना ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि म्यांमार से जो काफ़ी सारे लोग हैं वो भाग के मिजोराम आ रहे थे तो अभी बॉर्डर सील कराया गया है, कल ही देखा था हमने ये। तो कहने का मतलब ये कि पहली बार इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो उतर गया है, जनता जो है स्पेशली जो यंग पीपल हैं वहाँ के वो बिल्कुल स्वीकारने को तैयार नहीं है जनता कूप, और वो चाहते हैं डेमोक्रेसी आए। उसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जी भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यही सब बातें इस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है कि क्या वे फॉरवर्ड है। और जहाँ तक बात करी जाए मिलिट्री की, मिलिट्री को ऐसा लगा होगा कि भाई चीज़ों को कुचल के हम वापस सत्ता में काबिज हो जाएंगे, लेकिन अब ये मामला जो है शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही है, साथ ही साथ म्यांमार की जो जनता है वो भी इस स्टेप के अगेंस्ट में काफ़ी डट के सामना कर रही है। ठीक है, और म्यांमार की वैसे इतिहास उठा के देखा जाए तो वहाँ मिलिट्री कूप जो है कोई नई चीज़ तो नहीं है। ठीक है, संजू कुमार कह रहे हैं सर आर्टिकल साइज इंक्रीज करो। अरे मेरे भाई इसको क्या पढ़ना है, तो मैं तो लिखा ही रहेगा ना पीडीएफ में, पढ़ लेना समझो अभी। ठीक है, ऑफ जजेस क्लोज्ड प्रोब्स एंड द बार्स ऑफ मेरेटा, ये आर्टिकल क्या है देखो, अभी 24 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन वी रमाना, ये नाम याद रख लो, अब ये नाम बहुत सुनना है क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोबेबली। और अभी आर्टिकल क्या आया है देखो, ये आर्टिकल ये आया हुआ है, अपन जहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बायस भी है आर्टिकल, लेकिन ठीक है कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं सामने।
इस आर्टिकल के अंदर जो राइटर हैं वो चिंता ये व्यक्त कर रही हैं कि ये जो जस्टिस आपके एनवी रमाना साहब हैं, इनके ऊपर ही रेड्डी साहब जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लेटर लिखा था जब सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें इनका नाम भी लिखा था कि इन्होंने काफ़ी इंटरफेयर किया वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के फैसले के अंदर और किस तरीके से हाई कोर्ट में फेवरेबल बेंचेस को बैठा, ऐसे लेटर में जो रेड्डी साहब है उन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे देखो राइटर जो हैं वो ये बोलती हैं कि अब देखो कल को अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो फिर ये मास्टर ऑफ द रोस्टर होंगे, तो कल को अगर इनके खिलाफ भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो उसमें भी यही डिसाइड करेंगी कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। आप गगोई साहब वाला याद कर लो, जब सेक्सुअल एलिगेशंस लगे थे, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगे थे उनके ऊपर, तो उन्होंने खुद ही प्रिसाइड कर लिया था वो वाला पूरा मैटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राइटर जो है वो चिंता ये व्यक्त करनी है कि कोई तरीका ऐसा होना चाहिए, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, कि अगर ये फेक है, अगर ये सारे चार्जेस मतलब इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं रेड्डी साहब के द्वारा वो फेक हैं, तो यहाँ पे रेड्डी साहब के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट का एक्शन लिया जाए। बट अगर ये थोड़ा भी चांस है जो कि अगर ये एलिगेशन सही है तो फिर ये देश के लिए आगे अच्छा नहीं है, ऐसा राइटर यहाँ पे बोलते हैं। बाकी क्या सच है क्या गलत है ये तो फ्यूचर में पता पड़ेगा, लेकिन जो टू पॉसिबल आउटकम्स की यहाँ पे राइटर बात करती हैं वो यही करती हैं कि एक तो या तो ये होगा कि भाई रेड्डी साहब के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेगी कि भाई आपने जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, आप कंटेम्प्ट किया, आपने जुडिशरी का डिसरिस्पेक्ट किया, और दूसरा या तो ये हो सकता है कि भाई जस्ट जो रेड्डी साहब हैं वो बात सही कह रहे हो। तो अब ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी जब ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू जो है ये चीज़ें जो हैं वो पहुँचें नतीजे पर पहुँचें कि ऐसा है ऐसा नहीं है क्या है मामला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस वॉज दिस आर्टिकल इज। इसके बाद देखो यहाँ पे एक न्यूज आई है, वो आई है कि इंक्रीज इंटरवल बिटवीन टू डोजेज ऑफ कोविशील्ड से सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इफिशियंट तब होगी जब पहली एंड दूसरी डोज के बीच में ज़्यादा गैप कर दिया जाए, तो सिक्स टू एट वीक्स का गैप रखने की बात यहाँ पे करी गई है। देखो नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, वैसे तो ये यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर अगर कोई वन डे एग्जाम्स देता है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वन डे एग्जाम्स लाइक एसएससी बैंकिंग इन सब में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नेशनल अवार्ड में देखो बेस्ट फीचर फिल्म मिली है, थोड़ा सा पढ़ लो बस ऐसे ही है ना, सिम्हन करके ये मलयालम फिल्म है, कंगना रनावत को फिर से नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का फॉर मूवी का मनी का निकाह इन पंगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है पल्लवी जोशी को, आप धनुष साहब जो हैं इनको ये अच्छी मूवी है सुरन मैंने देखी है आप भी देखिएगा अच्छी मूवी है, तो इनको यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, बट द थिंग इज कि यूपीएससी जो है नेशनल अवार्ड पे क्वेश्चन वोशन नहीं पूछती है ना आज तक कभी मैंने देखा है, पर ये वन डे एग्जाम्स पे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मनोज बाजपेयी साहब को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो धनुष और मनोज बाजपेयी दोनों लोगों को मिला है, 67 नेशनल फिल्म फेयर ये अवार्ड था। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद देखो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइलेंट ऑन रिपोर्ट्स ऑफ यूएई रोल इन इंडिया पाकिस्तान डिटेंडी। देखो मामला क्या है, मामला ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हल्का सा आप कह सकते हो कि रिलेशन थोड़े ठीक होने की कगार पे पहुंचे थे जब सीज फायर वाला एग्रीमेंट हुआ और इमरान खान को हमने हमारा एयर स्पेस दिया यूज़ करने के लिए। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, सुनने में ऐसा आ रहा है, रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो बैक चैनल टॉक्स हुई थी ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिसके वजह से ये एग्रीमेंट जाके संभव हुआ, उसमें यूएई ने काफ़ी मीडिएट किया है, यूएई एज ए मीडिएटर की तरह काम करी है और यूएई ने काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल दो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बोलने से अभी कुछ खास स्टेटमेंट दी नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं बोला, चीज़ें सामने भी लाई जाती है क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि ऐसा माना जाता है कि बायलेटरल इश्यूज़ हैं और इंडिया पाकिस्तान दोनों ही चाहते हैं कि कोई तीसरी कंट्री ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर ना करे। वैसे पाकिस्तान ऐसा चाहता है नहीं चाहता ये तो पता नहीं, बट इंडिया ज़रूर चाहता है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। आपको शिमला एकॉर्ड याद करना होगा जहाँ पर ये बात हुई थी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कि भैया अपना तुम्हारा मामला, इसमें तीसरे कंट्री को ना इन्वॉल्व किया जाए। देखो तीसरे कंट्री को इन्वॉल्व ना करने का एक और कारण होता है, देखो आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज ले लो, ये सारे जो हैं वो आर्म्स एक्सपोर्ट करके काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं। अब भैया कहीं देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होगा तो किसी देश की आर्मी क्यों आर्म्स खरीदेगी, क्यों इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा अगर इंडिया का चाइना से पाकिस्तान से थ्रेट नहीं होगा तो। समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल है, ऐसे यूएस से बहुत कुछ लेते हैं हम,
तो मतलब कहने का मतलब है कि इसलिए थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जो है वो अवॉइड करते हैं लोग, बट अगर यहाँ पे यूएई ने बैक चैनल में टॉक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चीज़ें जो हैं वो मतलब सॉल्व हो जाएं, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, एक मेरा आज आपका आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस आर्टिकल में उसका जिक्र भी है, रेड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऐसे करके, तो ये रेड्स जो है ये किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का या किस चीज़ का है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज का जो पहला एडिटोरियल है वो है जंक इफिशियंसी, ये आर्टिकल जो है बात करता है जो स्क्रैपेज पॉलिसी अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस करी गई है। देखो, तो स्क्रैपेज पॉलिसी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस करी गई है, इसकी एक खास बात यह है कि बड़ी अच्छी है ना, ज़रूरत थी इसकी। लेकिन राइटर जो है इस आर्टिकल में बात करेंगे कि चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, उसमें एक चिंताजनक मार्ग मतलब चिंताजनक एक क्वेश्चन है। राइटर देखो यहाँ पे बात करते हैं कि देखो, अभी कुछ समय पहले 2019 में आपने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, कुछ अमेंडमेंट किए थे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। अब आपने अमेंडमेंट तो कर दिए, सब कुछ ठीक था, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स ने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा कि भैया वो आपके साथ इस डिसीजन पे खड़े नहीं हैं, और काफ़ी सारे स्टेट्स का ये देखने को मिला कि उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। तो ये जो समस्या है ये फ्यूचर में भी मिलने वाली है। अब देखो राइटर जो है वो क्या क्या कहते हैं कि देखो, 1 अप्रैल 2022 तक जो है ये गवर्नमेंट व्हीकल्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और 2024 तक ये प्रॉपर सब जगह पे हो जाएगा। वैसे तो इसमें कुछ और बातें भी थी, जैसे कि टोल बूथ अगले साल तक ख़त्म कर दिए जाएंगे, एक बात ये थी, और दूसरा ये था कि ग्रीन टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिली थी। ठीक है, इसमें देखो क्या है, नियम ये है कि भाई 15 से 20 साल के अंदर जो भी पुरानी गाड़ी हो चुकी होंगी उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, और उन लोगों को नई गाड़ी खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियाँ भारत में ऐसे तो काफ़ी सारी चल रही हैं। आजकल क्या होता है ना, देखो जो मिडिल क्लास जनता है या फिर जो लोअर क्लास जनता है, अगर दे वॉन्ट टू बाय अ कार तो प्रोबेबली वो लोग सेकंड हैंड या थर्ड हैंड गाड़ी ले लेते हैं। अब ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनकी मतलब नॉर्मली समय जो होता है वो 15 साल 16 साल 14 साल इतनी पुरानी हो चुकी होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई बहुत सारे लोग तो खुद से भी गिव अप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनके अब भाई आप कहते रहे हो ठीक है, तो क्या आप जैसे 1 लाख की गाड़ी है भाई, किसी बंदे ने सेकंड थर्ड हैंड गाड़ी 1 लाख में खरीदी थी, अब आप इसको स्क्रैप करके क्या नई गाड़ी 1 लाख में थोड़ा दिलाओगे, अब कितना भी सब्सिडी दे दोगे तो 6 लाख की गाड़ी आप 5 में दिला दोगे 4.5 में दिला दोगे, मतलब इससे ज़्यादा क्या कर पाओगे। तो ये हर कोई नहीं चाहेगा ना इससे ये चीज़ें खरीदना, तो ये अपने आप में डिफिकल्ट सिचुएशन है। प्लस फिर स्टेट गवर्नमेंट कितना कॉपरेट करती है ये भी एक समस्या है। देखो मेट्रो सिटीज़ में ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, लेकिन छोटे शहरों में ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। दिल्ली में देखो क्या होता है ना, दिल्ली में 10 साल कर दी गई थी किसी भी गाड़ी का जो टाइम लिमिट है, तो उसके बाद दिल्ली में गाड़ी यूज़ होती है, 8-9 साल बाद उसको दूसरे जगहों पे जाके भेज देते हैं। उससे क्या होता है कि दिल्ली की गाड़ियाँ इसलिए पूरी इंडिया में सस्ती बिकती हैं, क्योंकि ये पहले से चला रहा है, दीज आर द लूप होल्स, और वो आगे भी देखने को मिल सकता है। फिर देखो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल जैसे कि ट्रक हो गए, बस हो गई, अब भाई इसका जो बंदा है वो 30-40 लाख रुपये खर्च करके एक गाड़ी बनाता है, अब आप इसको कितनी भी सब्सिडी दे दोगे इसकी गाड़ी स्क्रैप करके, तो क्या वो 25 लाख रुपए फिर से इकट्ठा करके तुरंत नई गाड़ी ले पाएगा। तो ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, मार्ग है कि हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स वाले जो लोग हैं ये कैसे करेंगे, और ये सारी बहुत बड़ी बड़ी इसमें बातें हैं। देखो एक तो COVID-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर, उससे भी उजागर करने के लिए या फिर उससे भी बचाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, ये तो अपने आप में एक बात है ही है। साथ ही साथ देखो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट के ऊपर भी शिफ्ट होना है धीरे धीरे, फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स को छोड़ना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी कोशिश है, प्रयास है, बट कितना जल्दी ये चीज़ें हो पाती हैं, किस तरीके से ये हो पाती हैं, ये देखने लायक चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। इसमें देखो मेन जो राइटर का जो कंसर्न है वो यही है कि आपकी जो पॉलिसी है बहुत अच्छी है और समय की डिमांड भी थी, आपको ये बहुत सही समय पे लाए हैं, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल है ना वो एक चिंताजनक विषय है कि आप इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि सपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का तो मिलने का ना सा ही चांसेस हैं। फिर देखो क्या है, डबलिंग डाउन ऑन अ रिसाइलेंट इंडिया, ये वाला आर्टिकल जो है इसको भी डिस्कस करते हैं। यह आर्टिकल बेसिकली देखो बात करता है कि भारत में जो है विद टाइम धीरे धीरे आप देखते हो कि भारत में आप ये देखते हो धीरे धीरे कि जो आपके फॉरेन कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी इन आर कंट्री,
और काफी सारी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को ये लोग जो है पैसा दे रहे हैं, भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि ये लोग पैसा भारत में लगाना चाह रहे हैं? मतलब कुछ तो उनको भारत में दिख रहा होगा ना, तो उसी को राइटर इस आर्टिकल में बताने की कोशिश करते हैं और उसी को राइटर यहाँ पे बताएंगे कि कुछ मेजर चार कारण राइटर को लगते हैं जिसके वजह से उनको लगता है कि भारत में ये कंट्रीज जो हैं वो पैसा अपना लगाना चाहती हैं, इस कंट्रीज के जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा लगाना चाहती हैं। कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सिल्वर लेक, ये सब काफ़ी पैसा लगा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि कौन कौन सी कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया है, अभी काफ़ी न्यूज़ में रहता है कि बेंगलोर की फला कंपनी में लगा दिया, जियो के साथ अभी फेसबुक की डील हुई, आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हो रही हैं, बिल्कुल नो डाउट। तो ये क्यों हो रही हैं, कारण क्या है ना, देखो भारत में अभी एक ऐसा मतलब सिंपल में पहले तो ये जो लिखा है एडिटोरियल में वो तो हटा ही दो, ऐसे ही आप देख लो। सबसे पहला कारण क्या होता है, पॉपुलेशन, लोगों को लगता है कि भाई जनता बहुत है इनके यहाँ, है ना। दूसरा क्या है कि जो यूएस बेस्ड कंपनीज है उनको लगता है ये कैलको यूएस जो है वो चाइना के ऊपर कुछ एग्रेसिव एक्शन ना ले ले, और अगर हम चाइना में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम पे नुकसान हो जाएगा, तो चाइना के बाद फिर उतनी पॉपुलेशन सिर्फ उनको इंडिया में दिखती है, तो फिर वो इंडिया की तरफ सोचते हैं, है ना। तो अब चलो देखते हैं, सबसे पहला जो कारण है वो बताया गया शीयर डेमोग्राफिक्स, मतलब सिंपल है पॉपुलेशन भारत में इतनी है तो इसके वजह से काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। दूसरा है जियो पॉलिटिक्स, यूएस चाइना वाला इशू, कल को यूएस कोई हार्श एक्शन ले लिया, चाइना को यूएस के अगेंस्ट में हार्श एक्शन ले ले, तो फिर ये सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं थोड़ा सेफ साइड में जाना। तीसरा है डिजिटल कनेक्टिविटी, जो डिजिटल कनेक्टिविटी भारत में वो तो बढ़ी है, ऑफकोर्स 700 मिलियन इंडियंस के आसपास आज की डेट में इंटरनेट है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो है 500 मिलियन, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, इतना तो लोगों की जनसंख्या नहीं होती किसी कंट्री में, तो ये 500 मिलियन को भी अट्रैक्ट करना चाहेंगे ये बड़े बड़े जायंट, और ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि ये 500 मिलियन जो हैं ये भी उसमें कवर हो जाएं। इसके बाद क्या है, नेशनल रिसाइलेंस, भारत का भी जो इमेज है थोड़ी सुधर रही है, एक हमने कोविड-19 की वैक्सीन इतनी जगहों पर दी, प्लस इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी हमारे यहाँ पे कोविड-19 को रोक लिया गया, मतलब रोकना इन द सेंस काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, काफ़ी लोग की डेथ हुई, लेकिन बावजूद उसके भी काफ़ी हद तक कही जो कंट्रोल में थी, प्लस अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू कर दी गई है वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले ही, तो ये सब अपने आप में एक मतलब एक अच्छा स्टेप था भारत की सरकार का जो देखने में मिला। तो यही सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से राइटर को लगता है कि लोग जो हैं भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फिर लास्ट में देखो एक आर्टिकल आया है राइजिंग पॉवर्टी, ये आर्टिकल कहता है कि भाई भारत में कोविड-19 ने गरीबी बढ़ाई है, तो किस तरीके से बढ़ाई है, देखो सिंपल सी बात है, गरीबी बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा बेसिक जो रीज़न रहा है वो रहा है कोविड-19 में जॉब जाना, कोविड-19 में इनकम ना आना, और इसके वजह से चीज़ें देखने को मिली हैं। हुआ क्या कि जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास में चला गया, लोअर क्लास तो बिल्कुल गरीब तबका बन गया, बहुत सारे लोग, सब नहीं कुछ लोग, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिली, और उसी के कुछ आंकड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। अगला आर्टिकल है ईरान डील कुड बी रेस्क्यूड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो ये क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील हमें पता है, ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं इसे, इसे P5+1 नेशन डील बोलते हैं, है ना, इसे JCPOA भी बोलते हैं। P5+1 में 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है भाई बताओ, एक कौन है, ये जर्मनी है। JCPOA मतलब जॉइंट कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, था क्या इसमें, ये था कि भाई ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा, या फिर मैं कहूँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाएगा, और उसके ऊपर से सारी कंट्रीज़ जो हैं सैंक्शंस हटा लेंगी। फिर हुआ क्या कि 2000 ये तो ओबामा साहब के टेन्योर में हुआ था, फिर आए डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भाई अपने आप को इस डील से बाहर ले लिया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो फ्रेंड्स कंट्री थी जैसे कि इंडिया एंड अदर्स, उनको भी कहा कि भाई आप भी जो है इनसे ट्रेड वेड मत करिए। फिर आपको पूरा मामला ही पता है कि कैसे कासिम सुलेमानी वाला इंसिडेंट हुआ, कैसे ड्रोन शूट आउट वाला मामला हुआ। फिर हमने एक चीज़ देखी कि बाइडेन साहब सत्ता में आए हैं तो पूरे विश्व को उम्मीद है कि बाइडेन साहब जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से ट्रैक पे ले आएंगे, और काफ़ी समय हो चुका है वैसे तो, अभी ठंडे बस्ते में चल रही हैं चीज़ें। ऑल दो बाइडेन साहब इज सीरियस अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील, उन्होंने अपने स्पेशल एक बंदे को अपॉइंट भी किया इसी मुद्दे को देखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं चीज़ें करती हैं। लेकिन लास्ट में राइटर जो हैं इस आर्टिकल में बोलेंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, ये एज ए मीडिएटर की तरह अगर काम ढंग से करेगा तभी चीज़ें आगे संपन्न हो पाएंगी, अदरवाइज वो काफ़ी डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी। फिर क्या है, म्यांमार बॉर्डर शट अमिड स्ट्रेन्स ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस। आपको पता है कि म्यांमार के अंदर जो है वो मिलिट्री कूप चल रहा है,
उसकी वजह से काफी सारे लोग वहां से भाग के मिजोरम आ रहे थे। ऑल दो मिजोरम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे पे सेम पेज पे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि आप क्यों भैया यहाँ से रिफ्यूजीज को एंट्री दे रहे हो, मिजोरम कह रहा है कि ह्यूमन राइट क्राइसिस से आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऑल दो अभी तो बॉर्डर सील करा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर यहाँ पे देखो एक आपके आईपीएस थे, उन्होंने परमवीर सिंह जी, उन्होंने चार्जेस लगाए थे, उन्होंने कंप्लेन करी है ठाकरे साहब को रिगार्डिंग देयर होम मिनिस्टर। तो उसी पे शरद पवार जी का स्टेटमेंट आया है कि भैया अगर वो गलती करी होगी उन्होंने तो ऑफकोर्स ठाकरे साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे। फिर हमने देखा कि बार्टर कंटिन्यूज इन दिस आंध्रा हेमलेट, एक बार्टर सिस्टम आप समझते हैं कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज का आदान प्रदान करना, जैसे कि चावल के बदले में राइस के बदले में गेहूं ले लेना, ठीक है। तो ये क्या था, बाटा सिस्टम पहले होता था। तो अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ की एक ट्राइब है जो महुआ फ्लावर्स का सील करके आंध्र प्रदेश में अपने घर के लिए चावल और आयरन नमक जो है वो लेके जा रही है। ये जो कम्युनिटी है ये बिलोंग करती है फ्रॉम मुर्दिगम एरियाज और मुरिया ट्राइबल वुमेन है ये, बांदा मुर्दिगम एरियाज, नक्सल हिट सुकमा रीजन, सुकमा का नाम आपने काफ़ी सुना होगा छत्तीसगढ़ में, वहाँ से। और ये 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आंध्र प्रदेश में गोदावरी, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं। फिर हमने कहे तो एक आर्टिकल कल परसों भी पढ़ा था कि चाइना जो है किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, और अभी फिलीपींस ने चाइना को अक्यूज़ किया है कि भैया आप इनकर्जन कर रहे हैं डिस्प्यूटेड सी के अंदर, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो दिस इज़ वॉट दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ वॉट दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको सेशन गाइज अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप प्लान कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड MPS, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। द बाइडेन टच टू सोबर येट सब्सटेंटिव टाइज, ये देखो इंडिया एंड यूएस के रिलेशन को बताने की कोशिश कर रहा है ये आर्टिकल कि भैया डोनाल्ड ट्रंप के समय और अब बाइडेन के समय में क्या क्या अंतर आने को हो सकता है और अभी तक क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया गया है राइटर के द्वारा इस आर्टिकल को कि भैया देखो एक साल हो चुका है जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस समय जो थे वो भारत में आए थे सरदार पटेल स्टेडियम के अंदर, जो कि अब मोदी जी स्टेडियम हो गया है अहमदाबाद वाला। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि भैया भारत जो है वो उनका एक बहुत ही क्लोज एलाई है, नरेंद्र मोदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, और ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे कही गई थी। राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि देखो भैया दोनों ही कंट्री में नंबर ऑफ जो कोरोना वायरस केसेस थे वर्ल्ड में वो हाईएस्ट थे, और अब तो स्टेडियम का नाम भी चेंज हो गया है। एक सार्केजम राइटर यहाँ पे दे रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि भैया वहाँ पे प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए हैं, जोसेफ बाइडेन साहब आ गए हैं। तो यहाँ पे राइटर जो हैं वो कहते हैं कि देखो जोसेफ बाइडेन साहब आए तो उन्होंने पहला मंथ तो अपना जो ऑफिस में बिताया है वो चेंजिंग ट्रंप्स की पॉलिसीज करने में बिताया है। जो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पॉलिसीज थी जो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो रही थी यूएस के लिए अकॉर्डिंग टू द बाइडेन साहब, लाइक WHO को लेके जो उनका एक रुत था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेकर उनका जो एक अपना टेक रहता था, ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जो वो बातें करते थे, मुस्लिम बैन कर दिया था वीज़ा देने के लिए माइग्रेशन पॉलिसीज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें बाइडेन साहब ने जो है आते से ही ख़त्म करी हैं। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि बाइडेन जी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी इंडिया को लेके, जैसे इंडिया को थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज में रखने वाली, उसको चेंज करेंगे। कारण क्या कि देखो जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने अपने एलाइंस को कॉल किया, अपने एलाइंस पार्टनर्स को कॉल किया था, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बाइडेन साहब जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने एलाइंस पार्टनर्स को कॉल किया था, तो उन्होंने भैया इंडिया को भी कॉल किया आफ्टर इसराइल एंड आपके सऊदी अरेबिया के किंग सलमान, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी बातें यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं हमारे इनके बीच में भी हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मतलब काफ़ी सारी बातें जो हैं समय पर चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखो और बोली जा रही है कि ऐसा नहीं है कि जो एक इंडिया और यूएस हैं ये सिर्फ मतलब ऐसा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में पास में थे और अगर अभी हम चाइना से थोड़े से रिलेशन ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं तो वापस से हम यूएस से अलग हो जाएंगे, नहीं। अब यूएस को हमने काइंड ऑफ एक बहुत ही क्लोज टाइज बनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो राइटर का यहाँ पे मानना है कि बाइडेन साहब के समय में भी वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ने वाली हैं। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो बताते हैं कि बाइडेन जी का जो एक अपना एक स्टैंस रहेगा वो क्वाड के लिए सेम रहेगा, क्वाड को फोकस करेंगे, क्वाड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे,
साथ ही साथ जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बिल्ड करेंगे, चारों कंट्रीज मिलकर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं इसे चाइना का जो डोमिनेंस है वो तो इस एरिया में बढ़ ही रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्वाड की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें तो रहेंगी, इसमें कोई चेंज होने की बात नहीं है। इसके बाद राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि देखो चाइना का जो अग्रेशन था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो 2020 में इंडिया और यूएस को पास लेके आया, चाइना के देखो क्या हुआ, जब बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ हुआ उससे पहले हम लोग तो नैम की पॉलिसी अपनाते थे कि भैया हम तो किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं बैठेंगे, हम जो है सबके साथ ठीक ठीक रिलेशन बना के चलेंगे। लेकिन चाइना ने जब ऐसा हमारे ऊपर मतलब हमला किया, ये जो चाइना ने हमारा विश्वासघात किया हमारे साथ, उसके बाद इंडिया ने जो है वो यूएस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंडिया जो है वो यूएस के थोड़ा सा क्लोज चला गया। ऑल्दो ये चीज़ रशिया को भी पसंद नहीं आई, रशिया भी हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है और वहीं रशिया जो है वो चाइना के क्लोज जाके बैठा हुआ है, तो दोनों ही रशिया और इंडिया के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि भाई ठीक है अभी ज़रूरत है तो हमें यूएस के पास जाना है तो हमें चाइना के पास जाना है, तो वो चीज़ है। लेकिन इंडिया एंड रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, ट्रेडिशनल रिलेशन है और काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये जो LAC पे हुआ था इसी के चलते हुए मालबार एक्सरसाइज को क्वाड में कराया गया था, वरना इससे पहले जो है वो क्वाड जो है वो मिलिट्रिकल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन के रही थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि क्वाड कंट्रीज़ ने मालबार एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था और भारत पहले ये चीज़ अलाउ नहीं करता था, बट इस बार भारत ने भी इसको अलाउ किया है। क्यों किया था? क्योंकि भैया चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था बॉर्डर पे और चाइना को हल्के में लेने की गलती अब भारत दोबारा नहीं कर सकता है। जब 1962 में वॉर हुए थे उस समय भी नेहरू जी जब हैं वो ये सोच के बैठे थे कि चाइना वॉर और नहीं करेगा, हमारा मित्र है, हमारा एलाई है, लेकिन चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था, तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद देखो राइटर जो है वो एक मुद्दा उठाते हैं कि एक जो पॉइंट रहेगा जो दोनों ही कंट्रियों के बीच में प्रॉब्लम का विषय फ्यूचर में हो सकता है वो है ह्यूमन राइट वॉयलेशन। राइटर ऐसा कह रहे हैं कि भैया जो अभी प्रेजेंट भारतीय सरकार है वो ह्यूमन राइट वॉयलेशन पे ज़्यादा बोलती नहीं है और काफ़ी जगहों पे ऐसे इंस्टेंस पे नाम आता है कि भैया ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ऐसे केसेस में कह रहे हैं राइटर कि बाइडेन जी जो हैं या फिर जो कमला हैरिस जी जो हैं ये लोग भैया इसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं क्योंकि इन लोगों की तो पॉलिसी ही रही है कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन हम नहीं होने देंगे, तो वहाँ पर फिर इंडिया यूएस के रिलेशन में थोड़े से खटास आ सकती है। एक और प्रॉब्लम फ्यूचर में देखने को ही मिल सकती है कि जब हम S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी लेंगे फ्रॉम रशिया, आपको पता होगा कि यूएस में एक एक्ट है काटसा, ठीक है। काटसा एक्ट का बेसिकली मतलब है कि भैया अगर आपने हमारे दुश्मन कंट्रीज के साथ, यूएस ने कहा है कि आप हमारे दुश्मन कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको हमसे भी सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे, तो काटसा मतलब अभी जो है वो रशिया के लिए ही कहा गया है। टर्की के साथ यूएस ने ये किया, टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ख़रीदा था तो यूएस को जमा नहीं, यूएस ने भैया टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब इंडिया के पास जब S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी आएगी तब अगर रशिया अगर तब यूएस इस तरीके का कोई कदम उठा लेगा तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान को लेके, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके यूएस और इंडिया के बीच में क्या हो सकता है, तो देखो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को लेके जो है इसमें भी इंडिया जो है वो लूप से बाहर है। क्यों है? देखो भारत की जो सरकार है वो हमेशा से अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करती है, लेकिन यूएस तो अब बैक चैनल से तालिबान को भी सत्ता में लाने को तैयार है और उस पर हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उसकी मंजूरी नहीं है, तो ये हमारे लिए ये घातक इसलिए साबित हो सकता है कि यूएस की एक पॉलिसी है कि नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कि भैया अगर आप प्रॉब्लम के पार्ट नहीं हो तो आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, तो भारत की इंपॉर्टेंस जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। भारत को वैसे भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जा रहा है स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे भारत जो है वो एक अपना एक अलग से नाम बना सकता था, एक अपना पोजीशन बना सकता था, लेकिन वो भी भारत के हाथ से जा रहा है क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा एक रिलेशन था वो वहाँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से था और इंडिया कहीं ना कहीं आज भी चाहता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का ही शासन रहे, तालिबान सत्ता में ना आए, क्योंकि तालिबान अगर सत्ता में आता है तो पाकिस्तान के फिर काफ़ी मजे हो जाएंगे। और पाकिस्तान की यूएस को ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का दोस्त है और यहाँ पे तालिबान को अगर कोई समझा सकता है, बातचीत कर सकता है, कोई मीडिएट कर सकता है तो वो पाकिस्तान कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने की बात करी गई है, ठीक है। तो दिस इज़ इट गाइस, दिस इज़ वाला हमारा ये वाला आर्टिकल, आई होप आपको जो चीज़ें हैं यहाँ पे समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद है
असेंबली पोल्स टू किक ऑफ ऑन मार्च 27th. अब ये क्या है देखो भैया, ये अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसी की डेट वेट आई हुई हैं, और साथ में ये कहा जा रहा है कि भैया रिजल्ट जो है वो May 2 को सबका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी रिकॉर्ड्स इन 0.4% ग्रोथ इन Q3. देखो पहली चीज़ तो आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंज होगा Q3, Q4 ऐसे ऐसे करके, तो अपने को बस अपने दिमाग में एक आइडिया रखना है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ था और ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो अपन को ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है 23.79 लाख रजिस्टर फॉर फ्री डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस। तो ये कर्नाटका की बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रन डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करी थी, और लास्ट पिछले साल की बात है, फेब की बात है, और उसी के अंदर देखने में ये आया कि 23.79 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है इसकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ रही है, सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास था जिससे कि सरकार लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, और इतने बड़े आंकड़े में अगर लोग रजिस्टर हुए हैं तो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी चीज़ को दर्शाता है। आप इनको जब भी मेंस में आंसर लिखो तो वहाँ पे कहीं एग्जांपल में कोट कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ों को याद रखो अगर। तो इसके बाद क्या, इंडिया कैन नॉट अबंडन अस से श्रीलंका। देखो यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है वाला है कि श्रीलंका के ऊपर भैया एक वो चलने वाला है, वोट होने वाला है कि श्रीलंका के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत जो है वो श्रीलंका के फेवर में वोट करे, ऐसा यहाँ पे श्रीलंका डिमांड कर रहा है, क्योंकि भैया हम उनके पुराने पार्टनर हैं, उनके पड़ोसी हैं, और हमें उनका साथ देना चाहिए ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे। ऑल्दो अभी तक हमारी सरकार का कोई इस पे वो नहीं आया है कि भैया हम इसको सपोर्ट करने वाले हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हैं, तो बाकी डिटेल में फिर चीज़ें जब होंगी सामने तो पता पड़ेंगी कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या है, MBS बिहाइंड कैप्चर और किल कसगोगी ऑपरेशन। एक देखो डीक्लासीफाइड US रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसा माना जा रहा है, थोड़ा सा इस इंसिडेंट को याद करते हैं, एक नाम आपको याद होगा जमाल खसगोगी, ये देखो एक जर्नलिस्ट है वॉशिंगटन पोस्ट प्रेस न्यूज़ चैनल के न्यूज़पेपर के, और इनको जो है काफ़ी ये प्रसिद्ध इसलिए थे क्योंकि ये जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, इनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते थे, इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखते थे। तो क्या हुआ कि जमाल खशोगी जी को एक जगह पे गायब कर दिया गया, गायब हो गए उनकी, उनको मतलब कैप्चर करके मार दिया गया, और इसमें जिम्मेदारी ठहराई गई थी किसकी, सऊदी अरेबिया की कुछ ऑफिशियल्स की, और उसमें जमाल खशोगी जी का उस ऑफिशियल्स को मारने का कारण बताया गया था कुछ इंटरनल बैर थी एसेट्रा एसेट्रा, और उसमें कहीं MBS जी का नाम नहीं था कि मोहम्मद बिन सलमान जी ने ऑर्डर किया था कि इनको मरवा दो ऐसा कुछ। तो अभी एक डिक्लासीफाइड फाइल आई है US की रिपोर्ट की, उसने ऐसा कहा है, उसका ऐसा मानना है कि भैया MBS मोहम्मद बिन सलमान का इसमें रोल था इनकी मृत्यु के पीछे। ऑल्दो यहाँ पे जो सिंपल सी बात है, कोई सरकार तो एक्सेप्ट करती नहीं है, तो क्राउन प्रिंस के जो ऑफिशियल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज किया है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। चलिए तो दिस इज एक बार ये वाला एडिटोरियल फिर से कर लेते हैं बाइडन वाला। देखो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना, इस एडिटोरियल के अंदर जो आज न्यूज़ बहुत कम आई है, आप न्यूज़पेपर आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो न्यूज़ भी है ना, न्यूज़ सेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई हैं। तो मान अब इस आर्टिकल की बात करते हैं, कल भी सेशन होगा संडे में, ध्यान रखना। तो द बाइडन टच टू सोबर येट सब्सटेंटिव टाइज, ये आर्टिकल, अब मैं इसको देखो लाइन बाय लाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखो ये कहा जा रहा है कि जब US में डोनाल्ड ट्रंप थे तो वो भारत के साथ अलास अपनी जो मीट में आए थे, जो एक इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के भारत के फेवर में बातें बोली थी, भारत के पक्ष में बातें बोली थी। बाइडन साहब सत्ता में आए हैं, क्या इंडिया और US का रिलेशन चेंज होगा, नहीं होगा? तो आंसर है कि ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वैसे ही चीज़ें चलने वाली हैं। बाइडन साहब ने भारत को इम्पोर्टेंस भी दी है, उन्होंने अपने जब एलाइज को कॉल किया था उसमें इंडिया को भी कॉल किया था। इसके बाद देखो कुछ मुद्दों की यहाँ पर बात करी जा रही है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम चाइना वाला इशू उठा लें कि चाइना से कारण जो है भारत का रिलेशन अभी US के करीब जाने का हो गया, क्वाड का हमने इम्पोर्टेंस बढ़ा दी। फिर हमने एक चीज़ देखी कि किस तरीके से रशिया के साथ हमारे पंगे हो सकते हैं, और रशिया के साथ सामान खरीदने से US से हमारे पंगे फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम की बात करी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात हो रही थी। इसके बाद अफगानिस्तान वाला एंगल भी हमने समझा कि अफगानिस्तान की एंगल में भारत का रिलेवेंस ज़्यादा है नहीं, तो इसकी वजह से US वहाँ पे हमें भाव ज़्यादा देगा नहीं, पाकिस्तान को ज़्यादा भाव देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के सेशन में हमने देखा, ठीक है।
तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर हमने एक देखा ये जो इलेक्शंस की डेट आई हैं, फिर हमने देखा कि इकोनॉमी जो है वो क्वार्टर थर्ड में जो है वो ग्रो करने वाली है। देन 23.79 लाख। पहला आर्टिकल जो है वो है डेट ट्रैप। ये आर्टिकल जो है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखो आपको पता है कि तमिलनाडु के अंदर जो है क्रैकर इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे जो है पटाखों का उत्पादन किया जाता है, फायरवर्क इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी वहां पे देखने को क्या मिला कि एक रिसेंट इंसिडेंट सामने आया विरुद्धनगर के अंदर, जिसमें 20 लोगों की जान जो है वो चली गई है और 28 वर्कर्स जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। और यहाँ पे राइटर जो है वो कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और रिपीटेडली ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा रिपीट हो रहा है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से चीजें देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, ये आपको भारत के और भागों में तो मिलता ही मिलता है, तमिलनाडु में काफी देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे जो है फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स जो थी वो वुमेन्स थी, और ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बार बार ये घटना घटती है, बार बार सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं, बार बार बताया जाता है कि भैया कानून बन रहे हैं, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, चीजें हो रही है, लेकिन इंसिडेंट जो है रिपीट हो रहे हैं। फिर देखो राइटर जो है वो बोलते हैं कि फिर ऑन मतलब ये जो अभी इंसिडेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, हुआ ये कि भाई केसेस आपने किए, लोगों के अगेंस्ट केसेस रजिस्टर कर लिया होगा, लोगों को अरेस्ट कर लिया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज आपने करा होगा, टोकन इंस्पेक्शन किया होगा, इश्यूएंस ऑफ वार्निंग एंड सेफ्टी एडवाइजरी, सब कुछ आपने कर लिया होगा, ठीक है। बट क्या इससे फिर फ्यूचर में फायदा होगा, क्या अब आप इस चीज को सुनिश्चित कर पाएंगे कि फ्यूचर में इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। राइटर जो है वो बोलते हैं कि देखो कारण जो है ना, क्या कारण है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हो रहे हैं वो फिक्स है, ये कारण कोई नए नहीं है, ये पुराने कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण जो है सामने आया वो है अनलाइसेंस्ड यूनिट्स, जो फर्जी यूनिट्स बन जाती हैं। फर्जी यूनिट्स मतलब मान लो भाई किसी एक बंदे को लाइसेंस मिला हुआ है तो वो अपना काम कर रहा है, जिसको लाइसेंस मिला होगा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहा होगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नकली मतलब बिना लाइसेंस के ही उत्पादन शुरू कर दे रहे हैं। तो जब वो बिना लाइसेंस के उत्पादन शुरू कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो कोई रेगुलेशन ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं, कोई देख ही नहीं पा रहा है, जिसके वजह से फिर ये चीजें देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती है उनके साथ भी इनका नेक्सस होता है। अब वो नेक्सस किसी भी फिजिशरी लाभ के लिए हो सकता है, किसी भी और चीज के लिए हो सकता है, बट नेक्सस होता है जिससे कि दे डोंट मतलब दे डोंट इंटरफेयर। आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तो भी आप काम करते चलिए, है ना। आपको पता होगा लेबर कमिश्नर्स होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट्स होता है, जब भैया इस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, जब प्रॉपर सुविधा नहीं दी जा रही है, तो किस तरीके से इनको काम करना अलाउ किया जाता है। गवर्नमेंट की वो अथॉरिटीज तो क्वेश्चनेबल है ना, जिनका ये काम होता है इस चीज को देखना कि आपके यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद देखो राइटर ने एक तो मुद्दा उठाया अनलाइसेंस यूनिट का, दूसरा इन्होंने उठाया है कि सब लीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है। सब लीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो सब लीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, सब लीजिंग ऑफ लेबर्स भी होता है, ये भी राइटर ने बाद में उठाया है कि सब लीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब लीजिंग ऑफ लेबर्स, ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से चीजें होती हैं। क्या है ये, अब इसको देखो ऐसे देखो कि मान लो भैया चार लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। अब इस फैक्ट्री के अंदर जो यूज है वो दो लोगों का ही है, तो ये फैक्ट्री क्या कर रही है, लाइसेंस फैक्ट्री थी, इसने अपने दो एम्प्लॉयज जो है किसी को उधार पर दे दिया कि भैया तुम्हारे यहाँ जाके काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब लीजिंग ऑफ लेबर्स। अब सब लीजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि मान लो भैया एक लाइसेंस कंपनी है, सॉरी एक लाइसेंस इंडस्ट्री है, एक लाइसेंस फायरवर्क इंडस्ट्री है, जिसको ऑर्डर आया मान लो कि भैया आपको 5 फायरवर्क बनाने, एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या होगा, अब आप ये देखिएगा कि भैया 5 में से उसने मान लो उसकी कैपेसिटी 2 बनाने की है, उसने 3 बनाने के लिए जो ये इलीगल वाले फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज थी इनसे कह दिया भाई 3 बना के हमारे यहाँ ले आओ। अब क्या होगा भैया, इनके यहाँ तो प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, प्रॉपर तरीके से लोग आए नहीं है, भैया पटाखा बनाने में भी तो स्किल्ड लेबर चाहिए, जो उस काम को जानता होगा वही कर पाएगा ना, कोई तीसरा चौथा बंदा आकर तो कर नहीं पाएगा अचानक से। तो ये चीजें जो है ये एक बड़े रीजंस की तरह उभर रही हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स राइटर के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर ही भैया जो एक चीज और बता रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर देखो सारे प्रोसेस फॉलो नहीं किए जाते हैं, और इनफ्लेमेबल केमिकल लिक्विड्स जो है वो हर जगह रखे रहते हैं जो पटाखे बनाने में उसका यूज होता है, तो जैसे ही थोड़ी सी भी आग पकड़ती है तो वो पूरी आग पकड़ के जो है पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसके बाद क्या है, अनट्रेन वर्कर्स जो हैं या फिर पायस रेट सिस्टम जो है
ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अनटेंड वर्कर्स मैंने आपको बताया भैया, देखो स्किल की जरूरत है यहाँ पे, पटाखे बनाने के लिए स्किल की जरूरत है. कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सर पे उठाया लाद के रख दिया. तो ये जो स्किल की कमी होती है उसके बावजूद भी लोगों को काम पे रख लिया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है. ठीक है, अभी जो लेटेस्ट एक्सीडेंट है इसका जो कारण जो है वो सामने ये बताया जा रहा है कि भैया एक जो लेबर थे वो थोड़े से चक्कर की स्थिति में थे, मूर्छित हो रहे थे और वो गिर गए, जिसकी वजह से जो सेमी फिनिश्ड क्रैकर था वो ट्रिगर हो गया, एक्सप्लोज हो गया, और जो पेट्रोलियम मतलब जो उस जो वहां पे और केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो इग्नाइट हो गए और फिर ये बड़ा इंसिडेंट बन के उभर गया. ठीक है, तो ये भी एक बड़ी चीज देखने को मिली है. इसके अलावा क्या है, अगर आप क्रैकर्स इंडस्ट्री की बात करें भारत में, तो देखो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को हर जगह इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे फायरवर्क इंडस्ट्री आज भी जो है वो लेबर इंटेंसिव है. लेबर इंटेंसिव मतलब सिर्फ लेबर पे ही डिपेंडेंट है. यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके फायरवर्क्स नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं, सिर्फ लेबर इंटेंसिव काम चल रहा है और एंड सोर्स तक लेबर्स का ही यूज किया जा रहा है, जो कि एक अपने आप में क्वेश्चनेबल बात है, क्योंकि इससे भी समस्या बढ़ेगी. क्योंकि जब इतना हजार्ड वर्क है, इतना डेंजरस वर्क है, और अगर यहाँ पे अगर आप मशीन्स का यूज करेंगे तो थोड़ा सेफ्टी अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन अभी क्या है कि सस्ता करने के चक्कर में लोगों को बैठा के बनाया जा रहा है. जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो यार, एक पापड़, आप जानते हो पापड़ आप खाते होगे, है ना. पहले एक लिज्जत करके कंपनी जो है बड़ी फेमस थी, लिज्जत करके एक ग्रुप बना था, ये एक आपका मतलब एक कह सकते हो आपकी ये सेल्फ गवर्नड बॉडी है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई एक ओनर है. तो लिज्जत पापड़ जो है ना वो कैसे बनते हैं कि भैया विभिन्न विभिन्न महिलाएं जो होती हैं वो इकट्ठा होती हैं और अपने खुद से हाथों से उसको बनाती हैं. साथ में आज की डेट में भैया आपने ऐसे देखे होंगे बहुत सारे पापड़ की कंपनीज आ गई हैं नई नई जो मार्केट में टेक ओवर कर रही हैं. तो ये किससे बन रही है, मशीन से बन रही है. तो मतलब समय के साथ चीजों को चेंज करने की जरूरत होती है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समय के साथ चीज चेंज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से समस्या देखने को मिल रही है. इसके बाद देखो लास्ट में राइटर बोलते हैं कि भैया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मैन पावर देनी चाहिए और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए. उनको यहाँ पे इस चीज को समझना होगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को इसमें इंट्रोड्यूस करके, इंक्लूड करके इन चीजों की हालत को सुधारा जा सकता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये नेक्सस क्रिएट हो जाता है ना ये फर्जी इंडस्ट्रीज के बीच में और जो अलग अलग संस्कार की जो अलग अलग संस्थान है जो आपस में इनके बीच में एक पैक्ट हो जाता है, टाई हो जाता है, वो चीज ना हो, करप्शन खत्म होगा, तो अपने आप ही चीजें और बेटर लेवल पे आएंगी. और गवर्नमेंट की जो एजेंसी हैं जिनका काम है इन चीज को सुनिश्चित करना कि प्रॉपर तरीके से चीजें चल रही हैं, वो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़े और अपने काम को अच्छे से करें. तो दिस इज वॉट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट. इसके बाद बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी नॉट चेंज इज नॉट चेंज इज बाइडेंस प्लान फॉर पैलेस्टीन. ये आर्टिकल क्या कहता है इसको भी देखने की कोशिश करते हैं. पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ. देखो इसराइल जो है वो आपका देखो डोनाल्ड ट्रंप के समय काफी यूएस के क्लोज था. ठीक है, क्योंकि ट्रंप जो है वो इसराइल के काफी आप कह सकते हो सपोर्टर रहे हैं और उन्होंने इसराइल को समय समय पर सपोर्ट किया है. इसका एक एग्जाम्पल आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की एम्बेसी इसराइल के अंदर जो है वो जेरूसलम में बनाई थी. कहाँ बनाई थी, जेरूसलम. ठीक है, मैंने मैप आज डालना भूल गया हूँ वरना मैं आपको दिखाता. तो जेरूसलम क्या है, ये अपने आप में एक समस्या का विषय है बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन. पैलेस्टीन क्या है, ये एक थॉट प्रोसेस है कि एक अलग कंट्री बनाई जाएगी और इसराइल और पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन भी ये कहते हैं कि भैया अगर हमारी अलग कंट्री बनेगी तो हमारी कैपिटल क्या होगी, जेरूसलम. और इसराइल भी अपनी कैपिटल क्या बनाना चाहता है, जेरूसलम. अब मुद्दा क्या है कि भैया वर्ल्ड के अलग अलग जो अलग अलग कंट्रीज हैं बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जेरूसलम जो है वो इसराइल का पार्ट है. लेकिन यूएस ने जब ये कदम उठाया था कि उन्होंने जेरूसलम को जेरूसलम में यूएस की एम्बेसी बनाई थी फॉर इसराइल, तो ये अपने आप में मैसेज था. मैसेज क्या था कि देखो जब आप कहीं पर अपनी एम्बेसी बना रहे हो तो इट मीन्स कि आप उस देश की कैपिटल में अपनी एम्बेसी बना रहे हो. तो यूएस ने इनडायरेक्टली इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप के समय. अब मामला क्या है ना, मामला ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया ट्रंप साहब तो थे, वो चले गए, अब आए हैं बाइडेन साहब. तो क्या बाइडेन साहब का जो अप्रोच रहेगा इसराइल के लिए वो सेम रहेगा जो ट्रंप का था या फिर अलग हो जाएगा? और अलग हो जाएगा तो क्या कितना अलग हो जाएगा कि ये सारी जो डिसीजंस लिए थे ट्रंप जी ने
ये वापस उसको ले लेंगे क्या, ये कहेंगे कि हमारी एम्बेसी को हम बंद कर रहे हैं जेरूसलम में, हम कुछ और दिखेंगे। तो ये सब मामला जो है ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं, कोई बहुत डिटेल में बात नहीं लिखी है, जो मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा फैक्ट्स ये लिखे हुए हैं और कुछ बातें इन्होंने लिखी है, तो अपन उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो आप बात करते हैं ट्रंप साहब की इसराइल के रिलेशन की। तो डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल से काफी अच्छा रिलेशन रहा है, उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान ही इसराइल के प्रति अपने प्यार को दर्शाया था, और इसराइल जो है हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप के काफी क्लोज रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी काफी सारी मदद करी थी, आपको याद होगा इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले एनेक्सेशन भी किया था, न्यूज बहुत बड़ी हाइप हुई थी, तो उसका भी कारण ये था कि उनको पता था कि ट्रंप जी कुछ बोलेंगे नहीं, बाइडेन साहब कल को आते हैं तो समस्या उन्हें देखनी पड़ सकती है। फिर ट्रंप ने एक जो कदम उठाया था जो पूरे विश्व के लिए शॉकिंग था, वो जेरूसलम वाला ही था कि जेरूसलम में जो है मतलब कैपिटल जो है वहां पर एम्बेसी बना दी गई, और वहां पर एम्बेसी बनाई गई तो कहीं ना कहीं वो एक इनडायरेक्टली मैसेज था कि भैया हम रिकॉग्नाइज करते हैं आपकी कैपिटल को। इसके अलावा देखो इसराइल जो है उसको ईरान भी पसंद नहीं है, और ईरान भैया आपके डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से नेक्सस था दोनों ही कंट्रीज के बीच में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे राइटर जो है वो बाइडेन जी की बात करते हैं कि बाइडेन जी आएंगे तो क्या करेंगे, क्या वो इसराइल से जो रिलेशन है ट्रंप जी के द्वारा क्रिएट किया गया था उसे खराब कर देंगे, उसे क्या मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, सारे डिसीजन जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था उसको वापस कर देंगे, जो पैलेस्टीन में ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है इसके लिए वो क्या बोलेंगे, क्या वो टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब यही है कि जो इसराइल है इसराइल हो जाए और एक पैलेस्टीन हो जाए, और इसराइल ने जो कंट्रोल ले रखा है काफी सारे एरिया का इलीगली तो वो वापस करके उनको एक अलग देश बना दिया जाए। तो इसका जवाब देखो जो राइटर है वो ये देते हैं कि भैया बाइडेन साहब जो हैं वो एक्सटर्नली भले दिखा दें कितना भी कि हम चीजों को चेंज कर रहे हैं, हम चीजों को उस तरीके से नहीं मोल्ड अप करेंगे और डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से जो फैसले ले जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वो उसको चेंज नहीं करेंगे, इसराइल से अपना रिलेशन को मेंटेन करेंगे। राइटर ने एक टर्म यूज करी है कॉस्मेटिक, कि मतलब ये यूएस की तरफ से कॉस्मेटिकली दिखाया जाएगा कि वो कुछ कर रहे हैं, वो इसराइल से थोड़ा सा नाराज हैं कि आप ऐसा करिए आप ऐसा करिए, लेकिन इंटरनली वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, ना ही वो प्रेशर डालेंगे इसराइल के ऊपर। तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट, कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले थे जैसे कि जेरूसलम वाला ही ले लो, तो जेरूसलम में ही एम्बेसी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। प्लस अगर आप बात करो कि और भी कुछ अलग अलग फैसले फ्यूचर में बाइडेन साहब ले, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं वो इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करेंगे, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेरिका ये भी बोलता रहेगा कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होने देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो ईरान की भी बात आ रही है कि ईरान जो है वहां भी डोनाल्ड ट्रंप का अपना अलग ही रिलेशन बिल्ड हो गया था, बिल्कुल एनिमी वाला है ना, बट बाइडेन साहब ने तो कहा था कि न्यूक्लियर यूनिट वापस लाएंगे हम, और अब कोशिश भी हो रही है, तो देखते हैं फ्यूचर में कि उसके वे भी क्या होता है। ऑल दो जो ईरान है उसका इसराइल से बिल्कुल नहीं बनता है, इसराइल का ईरान से बिल्कुल नहीं बनता है, तो इसराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ यूएस जो है वो न्यूक्लियर डील में आ जाए, लेकिन बाइडेन साहब ने ये बात बोला था, और अभी हम फ्यूचर में देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो न्यूज पे आ जाते हैं आज की। तो पहला एक न्यूज है टूल किट केस टू सीक एंटिसिपेटरी बिल। एंटिसिपेटरी बिल बताओ कौन से प्रोविजन में लिखी हुई है, इंडियन का भारत के कौन से लॉ में है, क्या कानून है, जल्दी बताओ, समय वेस्ट मत करो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 50 बार। कमेंट सेक्शन में आज आप लोगों का काम है, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आईपीपी में एंटिसिपेटरी बेल जो है वो कहाँ लिखी हुई है, क्या एंटिसिपेटरी बेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डल सकती है। दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, फिर से जवाब फिर आपको देना है। पहला, इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में एंटिसिपेटरी बेल के बारे में लिखा हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सेशन कोर्ट्स के अंदर आपकी एंटिसिपेटरी बेल फाइल हो सकती है। अब एंटिसिपेटरी बेल होती क्या है मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो मान लो कोई एक्स नाम का बंदा है, इसको पता है कि कल को इसके अगेंस्ट में FIR हो सकती है एंड ही कैन गेट अरेस्टेड, तो ये क्या करेगा, ये कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल डाल देगा। और एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि बंदे ने एंटिसिपेट किया है कि फ्यूचर में आई कैन गेट अरेस्टेड, और अगर मैं अरेस्ट होऊंगा तो मुझे बेल मिल जाए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर में आप अरेस्ट हो सकते हो और आपको बेल दे दी जाए, कि कल को आपको पुलिस अरेस्ट करने आए तो आप उनको वो पर्चा दिखा दो और उसके बाद आपको पुलिस अरेस्ट ना करे। मेरी बात समझ में आई। एंटिसिपेटरी बेल की तरह एक हमने पढ़ी थी इंटरिम बेल,
ये हमने अर्णब गोस्वामी के केस में पढ़ी थी, याद है आपको? इंटरिम बेल क्या था? इंटरिम बेल का ये था कि मान लो आपका बेल का जो मुद्दा है ये सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, अब आपको कुछ समय लगेगा बेल मिलने में, तो इस समय तो आप अरेस्ट हो जाओगे, फिर क्या करोगे? मतलब आप ऑलरेडी एफआईआर आपके अगेंस्ट में हो चुकी है, सारी चीजें आपके अगेंस्ट में है, आपको पुलिस अरेस्ट करने कभी भी आ सकती है या फिर आपको अरेस्ट कर चुकी है, और आपका जो बेल का मामला है वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। अब आप क्या करोगे? आप इंटरिम बेल फाइल करोगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि आपको ये कहा जाएगा कि भैया जब तक ये बेल का मामला खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको कम से कम अरेस्ट ना किया जाए। मतलब अगर इंटरिम बेल अर्णब गोस्वामी जी के केस में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दे दी थी क्योंकि यहाँ पे मामला चल रहा था, तो इंटरिम बेल का मतलब ये कि जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता, जैसे यहाँ पे अगर बेल कैंसिल हो जाएगी तो भैया फिर ये इंटरिम बेल खत्म, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। बट अगर ये मामला यहाँ पर पेंडिंग है तो इंटरिम बेल अगर आपको ऊपर मिलती है तो फिर आप तब तक अरेस्ट नहीं हो सकते। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है भैया? ये जो सेक्शंस पूछे मैंने, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, कल मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। और मेरे दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एंटिसिपेटरी बेल फाइल हो सकती है या नहीं, ठीक है? चलिए, और वैसे आपको बता ही देता हूँ, चलो ये तो आप बताना मुझे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कब जाते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, आप हाई कोर्ट में कब जाते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, किस किस माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में केस लेके जाते हैं? आप रिट्स के माध्यम से लेके जाते हैं। रिट्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शेशुरी, कुई वारंटो, प्रोबिशो, ठीक है? इसमें से कुछ रिट्स जो हैं वो पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज दोनों के अगेंस्ट में इशू हो सकती है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, और कुछ ऐसी रिट्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में इशू हो सकती हैं, ठीक है? तो दिस इज इट, बढ़ते हैं आगे। चाइना पुल्स बैक फ्रॉम फिंगर फोर, ये देखो फिंगर के कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था इनको फिंगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से मुट्ठी बनाते हैं। आप देखिए ये जैसे आपके हाथ की मुट्ठी है ना, वैसा सा बना हुआ है, ठीक है? तो ये रहा फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे देखने को भी मिला है कि चाइना जो है वो फिंगर फोर से भी पुल बैक कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोनों ही देशों के लिए, इंडिया एंड चाइना के लिए, कि जो बॉर्डर पे इतने समय से जो टेंशन चल रही है फाइनली ये सॉर्ट आउट होने की तरफ आगे बढ़ रही है, और लेट्स सी फ्यूचर में अब जो है चाइना जो है इस तरीके के बवाल को अंजाम ना दे। तो डिसएंगेजमेंट जो है हम जान ही रहे हैं, काफ़ी दिन से न्यूज़ में आ रहा है कि चल रहा है, और उसी की तरफ ये आगे कदम बढ़ा है कि भैया अब फिंगर फोर से भी जो है चाइना ने पुल बैक कर लिया है। फिर इंडियन कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फेसबुक एंड ये व्हाट्सएप की जो कंट्रोवर्सी हुई थी प्राइवेसी वाली, उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्या दी है कि भैया इंडियंस को ऐसा लग रहा है कि जो एक्स है वो वाई को मैसेज करेगा तो ये मैसेज जो है ये फेसबुक भी पढ़ लेगा, फेसबुक के पास भी चला जाएगा। फिर इस पर देखो फेसबुक ने मना किया कि भैया ऐसा नहीं होगा, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है कि फिर भैया आप जो है एफिडेविट फाइल करिए किस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। मतलब सब मिला के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ये जो इंडियंस हैं हम लोग हैं, भारतीय जो हैं, हम लोग का एक कंसर्न है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, एंड वी हैव मतलब वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर प्राइवेसी, और हम इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर होने नहीं देंगे। एक चीज़ आपको पता होगा कि ये जो व्हाट्सएप का अपडेट आ रहा था ये सिर्फ इंडिया के लिए और हमारे आसपास के देशों के लिए आ रहा था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में वो इस तरीके का अपडेट नहीं ला सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एक लॉ है। क्या है? मैंने आपको बताया है GDPR। ये लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है वहाँ के लोगों की प्राइवेसी को, और वो बोलता है कि भैया अगर आपने एक डेटा को, एक ऐप की इंफॉर्मेशन को दूसरे ऐप को दी तो वो कानूनन अपराध है, और फिर आपको काफ़ी सारी पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का लॉ भारत में भी लाने की बात चल रही थी, लेकिन कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये अपने आप में देखने की बात चलेगी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट पुट्स ऑफ हियरिंग ऑन केरला प्ली अगेंस्ट प्राइवेटाइजिंग एयरपोर्ट। ये क्या है? देखो अडानी जी को केरला का एयरपोर्ट देने की जो बात है उसी के ऊपर ये न्यूज़ है कि केरला की तरफ से केस फाइल हुआ था कि भैया क्यों देना है, क्यों नहीं देना है, तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डेट को आगे बढ़ाया है, और लेट्स सी इसमें फाइनल डिसीजन क्या आता है। इसके बाद बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने रोहिंग्यास को आइलैंड में भेज दिया है। आपको पता होगा भाषण चार करके जो है एक आइलैंड बनाया गया। अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लें भाषण चार क्या है या कहाँ बनाया गया, तो ध्यान रखना ये एक आइलैंड बनाया गया है 1 मिलियन लोगों को सेटल करने के लिए, कहाँ के द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा।
इसमें जो रिफ्यूजीज हैं, रोहिंग्याज रिफ्यूजीज हैं, ये प्लान है बांग्लादेश का कि उनको इस भाषणचार में सेटल किया जाएगा। तो उसी के चलते हुए 2000 रिफ्यूजीज को और भेजा गया है। वैसे तो विश्व के जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो इस चीज का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इस मूव का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भैया आप किसी को एक आइलैंड पर जाके आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो और वहां पर उनके साथ कैसा बिहेवियर करोगे, कैसे उनको रखोगे, कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी है, अब ये तो है कि भाई बांग्लादेश इस तरीके का कदम को उठा रहा है। एक इंडिया में भी अभी सुनने में आया है कि अमित शाह जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन वाला ड्राइव CAA को इम्प्लीमेंट किया जाएगा भारत में। ऑल दो उन्होंने ये भी गारंटी दी है कि जो इंडियन माइनॉरिटीज हैं भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन। चलिए इसे एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो आज हमने देखो दो एडिटोरियल्स देखे हैं। फर्स्ट हमने देखा है डेथ ट्रैप, ये एडिटोरियल्स जो है ये फायर क्रैकर इंडस्ट्री से रिलेटेड था। हमने देखा कि क्या कारण जो है राइटर के अकॉर्डिंग थे जिसके वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं और क्या चीजों में सुधार करके इस चीजों को रोका जा सकता है। फायर क्रैकर इंडस्ट्री में समस्या जो है वो आज पहली बार नहीं हुई है, बहुत बार देखने को मिलता है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है यहाँ पे समय समय पे होते रहते हैं और रिपीटेडली अगर कोई इंसिडेंट हो रहे हो, कोई रोकथाम नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। ठीक है, जहां तक बात रही कुछ लोगों ने पूछा तो बता देता हूँ, संडे का सेशन हम कल कवर करेंगे साइंस एंड टेक का, और जो कल दो एडिटोरियल्स आए हुए थे इंपॉर्टेंट उसको हम इसी वीक में कवर कर लेंगे, मैं आपको डेट वाइज बता दूंगा। तो आप लोग इतना परेशान मत होइए, डोंट वरी अबाउट इट, ट्रस्ट मी, और पढ़ते रहिए। ठीक है, इसके बाद हमने एडिटोरियल देखा कंटिन्यूटी नॉट चेंज इज बाइडेंस प्लान फॉर पैलेस्टीन, और कल से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी शुरू होगी, टाइमिंग जो है मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल था, ये आर्टिकल देखो आया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन थे इसराइल के साथ और क्या बाइडेन जी के भी रिलेशन वैसे रहेंगे, क्या बाइडेन जी भी ओपनली इसराइल को उतना सपोर्ट कर पाएंगे जैसे ट्रंप साहब ने किया था। तो जवाब आता है कि ओपनली तो नहीं करेंगे लेकिन अंदर से सपोर्ट रहेगा और सेम जैसा ट्रंप जी ने किया है उसके कोई भी मूव को रिवर्स करने की कोशिश नहीं करी जाएगी, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जेरूसलम को एज ए कैपिटल बनाया गया था। तो कैपिटल जब बनाया सॉरी जेरूसलम को एज ए इनडायरेक्टली कैपिटल रिकग्नाइज किया गया था अमेरिका के द्वारा बाय बिल्डिंग देयर एम्बेसी इन जेरूसलम। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और इस चीज को समझना होगा, इस चीज को आपको अंदाजा लगाना होगा कि ऐसा एक्चुअली में नहीं है कि जो जेरूसलम है वो कोई मतलब ऑफकोर्स जेरूसलम इज अ डिस्प्यूटेड पार्ट, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन पैलेस्टीन के लोग और आपके इसराइल के लोग, बट ये जो स्टेप उठाया गया था ट्रंप जी के द्वारा ये काइंड ऑफ इनडायरेक्टली ही था कि हम जो है जेरूसलम को कैपिटल मानते हैं इसराइल की। तो अब वो चीज वापस तो नहीं करी जाएगी बाइडेन जी के द्वारा, ये चीज राइटर बोलते हैं, राइटर ये बोलते हैं कि बाइडेन जी जो है वो कॉस्मेटिक वे में मतलब दिखावे के लिए इसराइल से थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाएंगे या फिर कुछ चीजें बोलेंगे अगेंस्ट में बोलेंगे इसराइल के, लेकिन इन द एंड वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने देखा एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, हमने इंटरिम बेल के बारे में देखा, हमने 32 आर्टिकल के बारे में देखा, हमने आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा। तो 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में आप 226 के अंदर जाते हो, ध्यान रखना। आर्टिकल देखो बाइडन साहब जो है राइटर ऐसा बोलते हैं कि ही ऑल्सो कैन नॉट बी स्टक इन वेस्ट एशिया फॉर टू लॉन्ग, ज्यादा समय तक वेस्ट एशिया में ये नहीं फंस के रह सकते हैं और इनको भी इस रीजन की समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा और अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाइज भी वेस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी एक ही राइटर बोलते हैं कि अगर इन्होंने तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट नहीं किया तो काफी इंबैलेंस हो जाएगा वहां पे, देखो सऊदी अरेबिया नाराज हो सकता है, इजराइल नाराज हो सकता है अगर ईरान के फेवर में ज्यादा चले गए और ईरान के अपोज में चले गए तो ईरान नाराज होकर भैया उल्टी सीधी हरकतें करेगा, है ना। फिर क्या देखो ओबामा जी की वापस बात हो, लेकिन ओबामा जी जो है वो नैरोली फोकस करते थे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, इन्होंने फोर्स और प्रॉक्सीज का यूज नहीं किया, डिप्लोमेटिक तरीकों का यूज किया और उसके थ्रू ईरान के साथ एक सॉल्यूशन पे निकल के आया जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो बाइडेन साहब के टेन्योर में पहली बार ईरान की कुछ प्रॉक्सीज के ऊपर बॉम्बार्डिंग हुई है। तो राइटर अब यहाँ पे देखो क्या कहानी बना रहे हैं, राइटर ये बना रहे हैं कि देखो बाइडेन साहब जी है ना बहुत केयरफुल है, अभी आपको पता होगा कि इन्होंने सऊदी अरेबिया का जो यमन में वो चल रहा था मामला उसमें से अपना सपोर्ट हटा दिया कि यहाँ भाई बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया किसका क्लोज एलाई है, US का है, स्टिल इन्होंने काइंड ऑफ फटकार लगाई। इधर ईरान को भी इन्होंने थोड़ा सा भी तंग कर दिया, कैसे तंग कर दिया कि ईरान की कुछ प्रॉक्सीज थी जो US को तंग कर रही थी इराक में, इन्होंने उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग करा दी। ठीक है,
अब राइटर बोल रहे हैं कि भैया ये जो सिचुएशन है ना ये खतरनाक हो जाती अगर सिर्फ यही हुआ होता और ये ना हुआ होता। बात आप समझ रहे हो, मतलब अगर बाइडेन साहब ने सिर्फ ईरान के ऊपर ये चीज करी होती तो एक बार के लिए ईरान नाराज भी हो सकता था। वैसे अभी भी ईरान चांसेस है कि नाराज हो जाए इस बात से कि भाई हमारे ऊपर बॉम्बार्डिंग करा दी हो, फिर ईरान न्यूक्लियर डील में ना जाने की कोशिश करे, वार्तालाप ना करे, डिप्लोमेटिक टाइज पे ना जाए। लेकिन राइटर अभी बोल रहे हैं कि बाइडेन साहब जो है ना बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं, उन्होंने अपने एलआई सऊदी अरेबिया को फटकार लगाई है, साथ ही साथ उन्होंने ईरान के साथ भी क्या जो कि ईरान के वो जो प्रॉक्सीज थी वो तंग कर रही थी, तो ये एक थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच दिखा रहा है बाइडेन साहब का, ऐसा राइटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन की चैलेंजेस जो हैं वो बाइडेन साहब को फेस करने पड़ेंगे, ऐसा राइटर बोलते हैं। अब वो तीन की चैलेंजेस कौन कौन से एक बार देख लिया जाए, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे ये आ रहा है कि पहला जो है कि अभी जो ये बॉम्ब कराया है, बॉम्ब प्रो ईरान मिलिटेंट्स के ऊपर सीरिया के अंदर कराया है, इराक में गलत बोल देता, सीरिया में भी कराया है, तो ये जो है ये अगेंस्ट में भी जा सकता है यूएस के, ईरान का जो है मूड खराब हो जाए, ईरान कह दे कि भैया हमको नहीं करनी आपके साथ डील वील, हमें पीस टॉक्स नहीं करने है ना, तो ये एक समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फिर और देखो दूसरा क्या है, यूएस की डिपेंडेंस ऑन सऊदी अरेबिया जो है ना वो रिड्यूस हुई है रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, तो इसके वजह से क्या है कि सऊदी अरेबिया को भी ये बात पता है कि यूएस जो है वो हमें ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, तो सऊदी अरेबिया जो है अभी क्लोज जा चुका है किसके, रशिया के, जो कि यूएस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया उनका भाई क्लोज एलाई होता था, है ना। तीसरा क्या है, एलिफेंट इन द रूम इज इजराइल, आपको पता है कि इजराइल को ईरान बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप भैया एक तरफ ईरान पे कह रहे हो कि आप जो है ह्यूमन राइट वायोलेशन कर रहे हो, या फिर सऊदी अरेबिया को भी आपने कहा है कि आपने ह्यूमन राइट वायोलेशन किया है यमन वाले मामले में, तो हम आपका साथ नहीं कर रहे हैं, अपना सपोर्ट हटा रहे हैं, तो फिर आप इसराइल के लिए चुप क्यों, इसराइल भी तो पैलेस्टीन्स के ऊपर काफी समय से ह्यूमन राइट वायोलेशन कर रहा है, और कब तक चुप रहोगे। तो ये तीन जो समस्याएं हैं अभी बाइडेन साहब के सामने सबसे ज्यादा हैं। लास्ट में देखो राइटर जो है वो ये बोलते हैं कि भैया पहले इन सब तरीके से चीजें सॉर्ट आउट हो जा सकती थी, डिप्लोमेसी ये वो, बट अब जो है फाइनली यहाँ पे कुछ अलग तरीके का एटीट्यूड लेके आना होगा, और आप अब ज्यादा डिप्लोमेटिक हर कंट्री से नहीं रह सकते हो, बाइडेन साहब के लिए भी यही कहा है, आपके जो पॉलिसीज हैं वो आपको सामने लाने होंगे, चाहे फिर कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो। ठीक है, इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो है आधार एज ए हर्डल, ऑफकोर्स आधार कार्ड के ऊपर ये आर्टिकल आया है, आधार नंबर के ऊपर ये आर्टिकल आया है। मामला क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मामला ये है कि भारत के अंदर अभी हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड ना होने की वजह से राशन कार्ड जो है वो कैंसिल हो गए, या फिर ऐसे आधार कार्ड ना बने होने के कारण या फिर आधार कार्ड में कोई समस्या होने के कारण जो उनको बेनिफिट्स मिलने थे गवर्नमेंट के तरफ से वो अवेल नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो, मान लो भैया चावल रोटी गेहूं, रोटी गलत शब्द हो गया, गेहूं चावल ठीक है, ये सब राशन लेने के लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ता होगा, जो भी गरीबी रेखा के नीचे आते होंगे उनके लिए कह रहा हूँ, लेबर्स के लिए या फिर जो भी सरकार की स्कीम से उसके लिए। अब भाई किसी के पास अगर ये आधार कार्ड नहीं है और वो गरीबी है, एक्चुअली में ही इस गरीब, बट उसके पास वो आधार कार्ड अभी नहीं है, तो अगर वो वंचित रह जा रहा है इस सर्विस को अवेल करने से, तो नुकसान आखिर में हो किसका रहा है, ऑफकोर्स जनता का हो रहा है, उन लोगों का हो रहा है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनके लिए स्कीम बनी है, बट एक आधार ना होने के वजह से उनको वो स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसी से आपको टाइटल समझ में आ रहा होगा, आधार एज ए हर्डल, कि आधार एज ए हर्डल की तरह काम कर रहा है। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे में ये बात को एक्सेप्ट किया और उसको कहा कि ये चिंता का विषय है। एक मामला आया हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि 3 करोड़ राशन कार्ड जो है वो कैंसल हो गए हैं भारत के अंदर आधार से में डाटाबेस कनेक्टिविटी ना होने के कारण। अब ये अपने आप में चिंताजनक विषय है कि भैया 3 करोड़ राशन कार्ड अगर कैंसिल हो गए हैं तो इसका मतलब 3 करोड़ ऐसे लोग जिनको जरूरत थी खाद्य पदार्थों की फ्रॉम गवर्नमेंट, वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए हैं, और ये अपने आप में चिंता का विषय, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया है। और तो सुप्रीम कोर्ट में पहले आधार का जब वर्डिक्ट आया था तो आपको पता था कि उन्होंने आधार एक्ट को सही ठहराया था, चीजें सही गई थी, लेकिन अब देखो यहाँ पे ऐसी चीजें जब सामने आ रही है तब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्टेप उठाना होगा सरकार को। एक झारखंड का एग्जाम्पल आया हुआ है कि झारखंड में काफी सारे लोगों की भुखमरी से मृत्यु हो गई जस्ट बिकॉज वो सरकार की इन बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाए ड्यू टू नॉट हैविंग द कनेक्टिविटी और आधार कार्ड फ्रॉम देयर राशन कार्ड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें देखो एक और प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना कि आधार कार्ड में जैसे फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स आपके टेस्ट होते हैं, फिंगर्स आपका लगता है, थंब इंप्रेशन लगते हैं, बट क्या आपको पता है कि आपके थंब इंप्रेशन चेंज भी हो जाते हैं, नहीं पता है,
क्योंकि भाई तुम लोग घर में बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हो, दिन भर पढ़े रहते हो, घर पे घर में ही रहते हो, अच्छे माहौल में रहते हो, तो तुम्हें ये चीज नहीं पता होगी, बट जो लोग लेबर लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका फिंगर्स दिखेगा, उनका फिंगर्स जो है वो घिस जाते हैं, उसके वजह से फिर उनके थंब इम्प्रेशन भी काम नहीं करते हैं। तो इस चीज को भी राइटर ने यहाँ पे रखा हुआ है कि भैया अगर कोई इस टेक्निकलिटीज के वजह से नहीं चीजें प्राप्त कर पा रहा है, कि उसके थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहे हैं या ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये सब कितनी गलत बात है। मेन देखो एक सिंपल सी बात समझो, कोई भी स्कीम होती है उसका क्या काम होता है, लोगों का बेनिफिट, ठीक है, गरीबों का बेनिफिट, जो जिसको जरूरतमंद है उसका बेनिफिट। अब किसी फालतू के चोचलों के वजह से अगर इन लोगों का बेनिफिट ना हो पाए तो ये कितनी गलत बात है। और इसी बात को इस आर्टिकल के अंदर उजागर करने की कोशिश करेंगे कि आधार कार्ड का जो ये नंबर वाला सिस्टम है ना, ये काफी गलत तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रहा है और इस पे कुछ स्टेप उठाने की जरूरत है। क्योंकि अगर सिर्फ इसके वजह से आप किसी को वंचित रख रहे हो इतनी अच्छी अच्छी स्कीमों से या फिर जो भी आपने स्कीम बनाई है, तो वो गलत चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बढ़े आगे, ठीक है, चलिए इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है आपका वो है फॉर अ रीसेट। क्या आर्टिकल है ये? फॉर अ रीसेट। ये आर्टिकल जो है ये भी बात करता है यूएस एंड चाइना के रिलेशन के बारे में, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो अभी क्या है, इसमें ये है कि चाइना एंड यूएस के बीच में किस तरीके के रिलेशन अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अभी देखो इनकी मीटिंग होने वाली है बिटवीन यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एंड यांग जिनकी सीसीपी पॉलिटिकल मेंबर, मतलब कोई भी है वहां के लोग, अपने को उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप मान लो कि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं, ठीक है, तो अलास्का में इनकी मीटिंग चल रही है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पे बात होगी। और वैसे तो इस तरीके के एडिटोरियल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि क्या बाइडेन साहब के आने के बाद चाइना यूएस के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वही पॉलिसीज बाइडेन साहब भी आगे बढ़ाएंगे, बस हॉस्टाइल अप्रोच ही रखेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीका रखेंगे। ऑल्दो चाइना तो कंसर्न है यूएस के लिए, क्योंकि चाइना भी एक ग्लोबल पावर की तरह बढ़ रहा है, और चाइना जो है थोड़ा सा गलत प्रैक्टिसेस का यूज करके भी ग्लोबल पावर की तरह बनने की कोशिश कर रहा है, और यूएस को चीज ऐसे पसंद नहीं आ रही कि उन सारी कोई निकल रहा है पहली चीज, और दूसरा फिर गलत तरीके का भी यूज कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या, देखो चाइना से क्या बात करेगा यूएस, यूएस उठाएगा मुद्दा कि जो आप ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हो अपने एरिया में, आप एलएसी पे जो बवाल कर रहे हो, आपने जापान के साथ जो बॉर्डर इशू छेड़ दिया है, आपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ जो बॉर्डर इशू छोड़ दिया है, आपने हांगकांग के साथ जो परेशानी क्रिएट कर रखी है ना, आपने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर डाला है। देखो ऑस्ट्रेलिया ने पेंडेमिक के दौरान ये कह दिया था कि चाइना के ऊपर जांच होनी चाहिए, कोविड के मामला वहीं से निकला है और क्या पता वहां पर कुछ मामला हो जिसकी वजह से ये हुआ है और चाइना ने छुपाया है। तो उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर डाल दिया था कि भैया हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो ये सब तरीका है लोगों को डराने का, कितने गलत तरीके से चीजें यूज हो रही है। जैसे कि मैं हूं, अगर मेरे से किसी ने बदतमीजी कर दी, मैं कहूँ मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, हम कह देंगे आप अकेडमी में किसी से नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम कितनी गलत चीज कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये सारे यूएस कंसर्न उठाएगा। चाइना क्या उठाएगा? चाइना चाहता है कि भैया जो ये ट्रेड रेट का बवाल हुआ था ये हटाओ, हम पे सेंक्शन हटाओ, यूएस की जो कंपनीज चाइना में काम कर रही है उन्हें ढंग से काम करने दो, वीजा सेंक्शन जो आपने हटा रखे हैं वो लगा, मतलब जो वीजा सेंक्शन आपने लगा रखे हैं वो हटाओ। इसके अलावा होस्टन में जो कंसल्टेंट इसका होता काउंसलेट था चाइना का जो बंद हो गया था उसको चालू कराया जाए। तो ये सारी बातें जो है इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है ये न्यूज है, मैंने आपको बोला द हिंदू ने डाउनलोड करने वाला पेज का ऑप्शन हटा दिया था, इसलिए मैंने फोटो ले लेके चिपकाई है इस पे, आज ही है वो कुछ टेक्निकल इश्यू उनके वेबसाइट पे। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पहले तो देखो आपको जानना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है, ठीक है, मैं समझाऊंगा, तो पहले बार पढ़ लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये डोनर्स को अलाउ करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सके बैंक को एज ए इंटरमीडिएटरी मानते हुए। की फीचर्स क्या होता है? द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंटल रिसेम्बलिंग प्रॉमिसरी नोट्स विल नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। द इलेक्टोरल बॉन्ड विच विल बी अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई एंड कैन बी बॉट फॉर एनी वैल्यू इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1,00,000, ठीक है। बात यह है कि आप 1,000 रुपए से लेके 1,00,000 तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने दिया है उसका नाम इसमें नहीं होगा, ठीक है।
होता क्या है, सिंपल ऐसे पहले समझ लो, पहले समझ लो फिर पढ़ता हूं मैं। जैसे मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है KKP, ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टी को आपने डिसाइड किया कि मुझे 1000 रुपए देने हैं, तो क्या सिस्टम है? ऐसे जाके आप इनके ऑफिस में जाके 1000 रुपए डोनेट कर सकते हो क्या? नहीं। सिस्टम क्या है, आपको इसके लिए बैंक में जाना पड़ेगा, और ये बैंक भी एक स्पेसिफिक बैंक है, इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस स्पेसिफिक बैंक पे आप जाएंगे, आप यहां पे 1000 रुपए देंगे, आप बोलेंगे मुझे फला पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड देना है, मुझे पैसे देने हैं, तो आप बैंक को 1000 रुपए देंगे, आपको इसके बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आप इस केकेपी पार्टी के ऑफिस में जाके केपीपी पार्टी को दे देंगे, फिर ये केपीपी पार्टी के बंदे बैंक आएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे, उसके बदले में इनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बात समझ में आया? ये क्या होता है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम होता है। ये बैंक कौन सा जल्दी बताओ, और इस स्पेसिफिक बैंक जहां पे ये पैसा दिया जाता है, ये कौन सा स्पेसिफिक बैंक है जहां पे पैसा दिया जाता है? कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहा, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोगों को मैं एक मिनट देता हूं, तब तक मैं इसका क्लीन करता हूं, मे भी आप बता दो एलिजिबिलिटी क्या है। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड्स मे बी परचेज्ड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया और एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। अ पर्सन बीइंग इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर सिंगली जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। ओनली द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आई। अब यहाँ पे न्यूज क्या है, न्यूज देखो मामला क्या है ना, कि इसमें जो पेई का नाम नहीं बताया जाता है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मान लो तुमने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे तुमने किसी को 1 करोड़ रुपए दे दिए किसी पार्टी को, अब वो पार्टी जब तक वो सत्ता में आएगी तो वो फिर आपको फेवर लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी, है ना? तो जब वो फेवर लौटाएगी तो कैसे लौटाएगी, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देगी, आपको गवर्नमेंट में जो भी टेंडर्स आएंगे कुछ भी ऐसी चीजें होंगी वो काम देगी, आपका थोड़ा सा फायदा कर देगी। तो ये चीज रोकने के लिए प्रशांत भूषण साहब ने केस डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसी का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अगेंस्ट में प्ली सुनने वाली है। ठीक है, क्लियर हुई बात? बैंक का नाम अभी तक आप में से किसी ने नहीं बताया, वेरी गुड, सभी ने बता दिया। एक भाई ने लिखा है वर्ल्ड बैंक, तो मेरे भाई वर्ल्ड बैंक आंसर नहीं है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ SBI जाके ही आप पैसा सबमिट करके इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करा सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है, इंडिया हैज अश्योर्ड श्रीलंका ऑफ सपोर्ट। श्रीलंका को हमने कहा है कि भाई हम सपोर्ट देंगे किस चीज में, अभी देखो श्रीलंका के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन के काफी सारे आरोप लगे हुए हैं, और यहाँ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इस पर वोट होने वाला है, तो इसी में श्रीलंका चाहता है कि भारत इनका सपोर्ट करे। नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि जितने भी टोल हैं हमारे कंट्री के अंदर वो अगले 1 साल के अंदर हट जाएंगे, GPS टेक्नोलॉजी का यूज करके टोल काटा जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी स्क्रैपिंग पॉलिसी भी दी है, स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर जो डीजल पेट्रोल की एक लिमिट तक खत्म हो जाने वाली गाड़ियां होंगी वो किस तरीके से स्क्रैप होंगी, और फिर उनको नई गाड़ी खरीदने के लिए जो सब्सिडी दी जाएगी, ये सारी चीजें इसमें लिखी होंगी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा रशिया होस्ट अफगान पीस मीट, तो अफगान पीस मीट चल रही है, उसको रशिया ने होस्ट किया है, अफगानिस्तान थर्सडे की बात है ये। अफगानिस्तान से आपको पता है US जाना चाह रहा है, तो वहां की जो गवर्नमेंट है और वहां पे तालिबान के बीच में सामंजस्य बैठा के जाना चाह रहा है, जो कि वैसे पॉसिबल है नहीं। अफगान देखो होना यही है कि अफगानिस्तान से जैसे ही US जाएगा, अगर चला जाता है और सिर्फ तालिबान और सरकार के ऊपर छोड़ के चला जाएगा, तो फिर फ्यूचर में वही देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिला था, कि अफगानिस्तान पे तालिबान का शासन हो जाएगा, और तालिबान जो है वो थोड़ा सा शरीयत लॉ चलाएगा वहां पे, वुमेन्स के पास राइट नहीं रहेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आपस में पावर टसल हो तो वो एक अलग इशू है। तो ये सारी चीजें हैं और उसी को कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है ना। तो दिस इज इट गाइस, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले देखो हमने एक आर्टिकल देखा बाइडेन साहब वाला, है ना, बात होगा, है ना। फिर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में देखा, हमने श्रीलंका के बारे में देखा, हमने नितिन गडकरी जी के बारे में सुना, फिर हमने अफगानिस्तान पीस डील के बारे में थोड़ा सा देखा। ठीक है, तो दिस इज इट, और एक बार फिर से सारा रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। बहुत सारे लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अभी पूछ रहे हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। आप ये देखिए कैसे कोई बंदा है, इस बंदे का नाम क्या हैप्पी, क्या नाम है इसका, हैप्पी। ठीक है, इसने डिसाइड किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी है केकेपी, मुझे इस केकेपी पॉलिटिकल पार्टी को 1000 रुपए डोनेट करने हैं।
ठीक है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट 1000 है तो 100 रुपए नहीं कर सकता, कितना कर सकता है 1000, और 1 करोड़ अगर होंगे तो 1 करोड़ कर देने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर जो है इस आर्टिकल में क्या बोलने की बात कर रहे हैं। तो देखो अभी एक वीक आफ्टर द फर्स्ट लीडर समिट हुई है, कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क क्वाड की बात हो रही है, क्वाड की जो वर्चुअल मीट हुई थी उसके बाद एक काइंड ऑफ मैसेज जो है वो क्वाड के कंट्रीज ने चाइना को दिया। ऑल दिस पूरे मीट में चाइना के बारे में डायरेक्टली कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर डिस्कशन हुआ। राइटर बोलते हैं कि देखो क्वाड जो है वो 3C की बात करता है हमेशा से, और इस बार एक चौथा सी ऐड हो गया है, वो क्या है, चाइना। ठीक है, अब ये 3C क्या है, 3C क्या आपको लग रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए क्या हो सकते हैं। 3C पहले चाइना को हटा के सोचो कि क्या सी हो सकते हैं, सी से क्या हो सकता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, एक हो गया क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो गया, और एक COVID-19 वैक्सीन हो गया। तो मेन मुद्दे तो क्वाड के ये थे, पर एक जो छुपा हुआ मुद्दा था वो चौथा सी था, वो क्या था, चाइना। ठीक है, तो अभी देखो जो अलास्का वाली मीट के तो ऊपर हम नहीं जा, सॉरी ये क्वाड वाली वर्चुअल मीट के ऊपर तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या कुछ अलग पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो जो क्वाड का समिट हुआ था उसका मेन 3C का वर्किंग ग्रुप्स का तो आया है कि भाई COVID-19 में हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे में हम बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के मुद्दे में हम लोग साथ रहेंगे। साथ ही साथ वो एक इनडायरेक्टली इंडिया का और बाकी कंट्रीज का ये भी था कि चाइना का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है चाइना के द्वारा उसके अगेंस्ट में भी हम लोग एक साथ खड़े होंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। इसके बाद देखो इंडिया के बारे में बात हो रही है कि भारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन बन चुका है, और हमने काफी सारे कंट्रीज को भी सप्लाई किया है COVID-19 की वैक्सीन, तो ये बात भी है। ठीक है, इसके बाद ये सब चीजें तो लिखी हुई हैं, जैसे इसमें 3C को एक्सप्लेन कर रहे हैं राइटर कि जो पहले 3C हैं वो क्या थे। तो पहला जो था वो COVID-19 की वैक्सीन वाला था, उसमें इंडिया का क्या रोल होगा हमने देखा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के लिए अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव देखो तो डोनाल्ड ट्रंप तो बाहर चले गए थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, बट बाइडेन साहब ने उसको ज्वाइन कर लिया है, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत यहाँ पे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि US ने देखो एक समय में वादा किया था कि वो काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा सोलर पैनल टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, छोटी छोटी कंट्रीज तक पहुंचाने के लिए, जिसमें इंडिया का भी फायदा होगा। 2016 में ये वादा किया था, बट ट्रंप साहब के आने के बाद ये चीज बिल्कुल ठंडे रस्ते में चली गई थी। तो भारत चाहेगा कि जल्द से जल्द ये चीजें हों। तो हमने दो सी के बारे में देखा कि COVID-19 वाला जो सी है उसका भारत का क्या पर्सपेक्टिव है, क्लाइमेट चेंज के लिए भारत का क्या पर्सपेक्टिव है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तो आप समझ ही सकते हो कि भाई बिल्कुल जरूरी है, हमें टेक्नोलॉजी शेयर करना है, हमें डिफेंस की टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अब आता है फोर्थ सी है क्या, चाइना। देखो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, पुराने कुछ फॉरेन आप रिलेशंस देखो या हमारे डिप्लोमेसी देखो, तो आप एक चीज ये देखोगे कि भारत जो है वो कभी भी इस तरह की चीजों में इंडल्ज नहीं करता था कि भाई हम किसी एक कंट्री के तरफ इंक्लाइन हो जाएं। लेकिन पास्ट एक दो साल में चाइना का जो रुख है कुछ इस तरीके से हो चुका है कि भारत को फिर US के थोड़ा सा करीब जाना पड़ा। क्वाड में पहले कभी भारत मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता था, लेकिन इस बार क्वाड को काइंड ऑफ एक मिलिट्री ग्रुप भी बना दिया गया। चारों कंट्रीज जो क्वाड के मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, US, सबने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करी। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस चीज को दिखा रही है कि भारत इस बात को समझ रहा है कि जो चाइना है वो हमारे लिए एक थ्रेट है, और चाइना जो है वो हमारा पड़ोसी भी है। चाइना जो है वो एशियन कंट्रीज में अपनी दबदबा भी बना रहा है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत ने इस चीज को समझा है और वो इसीलिए US के क्लोज आ चुका है। तो ये जो फोर्थ सी है चाइना वाला, उसका भी भारत ने मतलब जो ये जो क्वाड की मीट हुई है, वर्चुअल मीट हुई है, उसमें फिर ये बात भी सामने आई है कि भैया फ्यूचर में ये लीडर्स जो है ये मिलने वाले हैं। तो ये चाइना वो काइंड ऑफ एक इनडायरेक्टली मैसेज है कि भाई तुम हमसे पंगा लोगे तो हमारे पास ये चार कंट्रीज का ग्रुप जो है ये चुप नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, कुछ और इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर अगले आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल है बूस्टर शॉट फॉर इंडिया वैक्सीनेशन प्लान।
देखो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, ये आर्टिकल बहुत सिंपल सिंपल बातें कहने की कोशिश करेगा, वो कहने की बातें कोशिश ये करेगा कि अभी अगर आप थोड़ा सा उठा के देखो तो भारत के अंदर कोविड 19 के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, सही बात है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये ही कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है पर बहुत स्लो पेस में चल रहा है, अभी बहुत कम लोगों को, अगर आप ऐसे देखोगे तो अभी आंकड़ा देखो तो 0.11 लोगों को पर 100 में वैक्सीनेशन पहुंच पाया है, ठीक है, ये एक आंकड़ा है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ तरीके राइटर ने सुझाए हैं जिससे आप जो है इसको बूस्ट कर सकते हो कोविड 19 के वैक्सीनेशन को। सबसे पहला जो एक तरीका सुझाया है वो है कि प्राइवेट मार्केट को भी इंट्रोड्यूस कर लो, आप जो है वैक्सीन का जो प्राइस है उसको रेगुलेट करो, आप रेगुलेट करो कि भाई इतने रुपए में ही बिकेगी, इससे कम में नहीं बिकेगी, इससे ज्यादा में नहीं बिकेगी, है ना, प्राइवेट वाले भी इस ज्यादा में नहीं बेच पाएंगे, आप ये करो। लेकिन प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट जो ट्रेडर्स हैं या प्राइवेट मेडिकल स्टोर है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल स्टोर इज नॉट द राइट चॉइस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है बड़े बड़े उनको भी अलाउ करो, प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करो कि भाई आप भी आओ और इस चीज को लगाओ, जिसके पास पैसा है कुछ फिक्स प्राइस कर दो, वो भाई उस तरीके से अपने आप को लगवाए। और एक सठोर राइटर ने ये दिया है कि जो ये आपने 50 वाला क्राइटेरिया कर रखा है इसको भी घटा के कम कर दो, 18 कर दो, 24 कर दो, है ना। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज राइटर जो है बोलते हैं, जो कि काफी एक क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, कि भाई आप फॉरेन में तो इतने ज्यादा डोजेस भेजे जा रहे हो। देखो जब आप कभी फ्लाइट में बैठना तो फ्लाइट में जो एयर होस्टेस होती है ना स्टार्टिंग में वार्निंग में बताती है कि पहले अपना मास्क पहनिएगा फिर दूसरों का मास्क पहनाइएगा। तो हमारी गवर्नमेंट को पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि पहले भारतीयों तक सारे वैक्सीनेशन पहुंचे फिर बाहरी कंट्रीज में जाएं। अच्छी बात है बाहरी कंट्रीज में जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि पहले अपने देश के लोगों को तक तो पहुंच जाए, आप समझ रहे हो। तो राइटर यही सब बातें कह रहे हैं कि भैया इन सब चीजों को समझो और इन सारी चीजों को करते हुए आपको जो जो इंडिया वैक्सीनेशन प्लान है इसको थोड़ा सा और रश करना पड़ेगा। एक इंडिया रशिया का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जो रशिया की वैक्सीन थी स्पुतनिक उसका काफी अच्छी एफिशिएंसी सब बता रहे हैं, काफी अच्छा वो चल रहा है, तो उसको भी जो है इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ किया जाए और उसको भारत में मैन्युफैक्चर करने की परमिशन मांग रही है इंडियन गवर्नमेंट, मिल जाएगी तो वो भी मैन्युफैक्चर होने लग जाएगी। तो ये सारी बातें हैं आप सभी को पता ही है, उसमें वही चीजें उन्होंने यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी है। इसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो था चेजिंग पीस से रिलेटेड, चेजिंग पीस से रिलेटेड आर्टिकल जो है गाइस ये हमारा उसी से रिलेटेड आर्टिकल है जो हमने कल एक डिस्कस किया था यूएस का अफगान से जाना। अभी देखो रशिया ने एक डील करी थी, कल हमने न्यूज में डिस्कस किया था, रशिया ने पीस टॉक्स अभी अरेंज किए थे जिसमें तालिबान था, अफगानिस्तान था, है ना, और बहुत सारे जितने भी प्लेयर्स थे सब लोग बैठे हुए थे। ये पीस टॉक्स जो है किसी ज्यादा अच्छे लेवल पे जा नहीं पाया है, और ये पीस टॉक्स क्यों हो रहा है क्योंकि May 1 जो है ना आपका ये डेडलाइन है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन रखी थी कि यूएस की जो फोर्सेस है वो चली जाएंगी। अब यूएस चाहता है कि थोड़ी सी डेडलाइन बढ़ जाए क्योंकि 1 मई तक तो जाना संभव नहीं हो पाएगा, पर तालिबान चाह रहा है कि भैया आप तो 1 मई को ही जाओ क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो ये तो इस आर्टिकल के अंदर चीजें आई हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लो। आपको पता होगा अफगानिस्तान के अंदर यूएस की फोर्सेज जो हैं वो तैनात रहती हैं और काफी समय से अफगानिस्तान की जो आधी, अब देखो अभी भी अफगानिस्तान को आप देखोगे तो आधा वहां की सरकार के पास है आधा तालिबान के पास है, तो ये समस्या जो है आज की तो है नहीं, काफी समय से चला आ रहा है। तो यूएस इस बात को अब समझ चुका है कि अफगानिस्तान में कुछ होना होना तो है नहीं, ये यहाँ पे जो समस्या है कुछ अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है। तो अगर हम यहाँ पे कितनी भी हमारी सोल्जर्स को भेजेंगे कितना पैसा खर्च करेंगे तो हम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यूएस यहाँ से जाना चाह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश करी, उसके बाद अब बाइडेन साहब आए हैं तो बाइडेन साहब को भी वहां से लेके जाना है, लेकिन यूएस की भी तो ईगो यहाँ पे लगी हुई है। कैसे लगी हुई, समझो यूएस चला गया और अफगानिस्तान में वापस मान लो सारे वायलेंस होने लग गए, तालिबान ने भाई खून खराबा शुरू कर दिया, आतंकवाद बढ़ गया, तो पूरे वर्ल्ड जो है किसके तरफ देखेगा कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और उसका उत्तरदायी कौन है, यूएस है। तो यूएस भी चाहता है कि हम जाएं तो कुछ इस तरीके से जाएं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो के जाए, ऐसे तो ना ही जाएं कि वहां बहुत सारी दिक्कत बढ़ी जाए, समझ रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सामने है, लेकिन अब यूएस जाना तो चाह ही रहा है, तो जाएगा तो है ही है और जल्दी जाना चाह रहा है, ये भी वो कोशिश पूरी कर ही रहा है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। लेकिन ठीक है, मतलब कोशिश यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर तो ये आया है कि भैया ये जो समिट हुई थी इसमें तालिबान पीछे पड़ा हुआ था कि हमें भाई एक तारीख तक भेजो तुम यहाँ से यूएस की फोर्सेज जाओ, एग्रीमेंट ही हुआ है। लेकिन अब जो है यूएस एंड जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बाद पता है कि एक तारीख बहुत जल्दी है और अभी वहां पे कोई ऐसा समाधान निकला नहीं है तो जाने का मतलब बनता नहीं है।
अब क्या होगा, तालिबान ने धमकी दी है कि अगर भैया तुम 1 तारीख को नहीं जाओगे तो फिर हम कुछ एक्शंस लेंगे, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम्स में लोग क्या करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं। अब अगर ये चीजें होंगी तो फिर समस्या और बढ़ेंगे, सुलझेंगी तो नहीं। तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। इसके बाद लास्ट आर्टिकल जो है एडिटोरियल का, वो है दिल्ली अंडरमाइंड। अब ये आर्टिकल जो है हमने ऑलरेडी न्यूज में डिस्कस कर लिया है, वही लिखा हुआ है। देखो मैं इसको पूरा टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करूंगा, सिंपल बात से बताता हूँ। दिल्ली में क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को बढ़ाने की जो गवर्नमेंट है वहां की, उससे ज्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है, जो बिल आ रहा है तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया वहां पे दिल्ली में चलो मान लिया यूनियन टेरिटरी बैठती है, सरकार चुनी जाती है, तो इतनी पावर तो उनके पास रहनी चाहिए। प्रोवाइड क्रिटिसाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के स्टेप को, बाकी ये चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है पूरी, तो इसको अपन को फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज के जो पहली न्यूज है गाइस वो देख लेते हैं। स्टेट रिजोल्यूशंस ऑन सेंट्रल लॉज आर फाइन। यहाँ पे देखो भोपाल साहब ने ये कहा है कि देखो जैसा अभी क्या हो रहा था कि अलग अलग स्टेट की सरकारें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून लाती थी उसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन ले आती थी, जैसे सीए के अगेंस्ट में या फिर किसी और चीज के अगेंस्ट में। तो बोबड़े साहब ने ये बोला है कि भैया देखो पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया जा रहा है तो उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा तो खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपना ओपिनियन नहीं रख सकती है क्या? तो मतलब ये बता दिया गया है कि भैया अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास कर रही है अगेंस्ट द पार्लियामेंट तो ठीक है करने दो, उनका ओपिनियन है, मानना ना मानना पार्लियामेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, इंडियन गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और वैसे भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी तरीके से लॉ पास कर लें वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया हुआ है उसे खारिज नहीं कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद है 5 states account for 80% of new infection। भारत में देखो COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। जल्द से जल्द आप भी अपने घरों में पेरेंट्स को, एल्डर लोगों को वैक्सीनेट कराइए। टेरर बिगेस्ट हर्डल टू इंडो पाक रिलेशनशिप। अमरिंदर साहब जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ऐसा बोला है कि भैया भारत पाकिस्तान के रिलेशन सुधारने की बात तो बाद में करना, पहले जो टेररिज्म है भाई पाकिस्तान तुम उसको सॉर्ट आउट करो फिर बात करना हमसे सुधारने उधारने के लिए। अच्छी स्टेटमेंट दी गई है इनके द्वारा, न्यूज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव या किसी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देश दुनिया में क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर क्या है, सेंटर आस्क हाईकोर्ट टू स्टॉप व्हाट्सएप न्यू प्राइवेट पॉलिसी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी जिसके चक्कर में काफी सारा बवाल हुआ था हमारे देश के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट से डिमांड करी है कि भाई ये जो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है इसको रोका जाए और इसको आगे ना बढ़ाया जाए। तो ये यहाँ पे मुद्दा है और इस पे जो है हाईकोर्ट का क्या आता है डिसीजन वो देखा जाएगा। देन इधर मोर टूरिस्ट विजिटिंग कश्मीर। कश्मीर में देखो पहले फॉरेन टूरिस्ट आते थे तो अभी यहाँ पे एक आंकड़ा आया है कि भैया भारत के टूरिस्ट जो है अब भारतीय लोगों ने कश्मीर में जाना शुरू कर दिया है, तो ये एक अच्छी चीज है कि लोकल हमारी जो आबादी है वो कश्मीर में जा रही है, जिससे कि जो टूरिज्म है कश्मीर का वो अफेक्ट तो हुआ लेकिन उस लेवल पर अफेक्ट नहीं हो पाया, तो ये चीज अच्छी है ना। इसके बाद क्या, 6 tigers मिसिंग इन रणथंबोर। अब इनका पोचिंग हो गया है नहीं हुआ है ये चीज कंफर्म नहीं है, बट गायब तो है टाइगर जो है भैया, टाइगर के बारे में पता ही होगा आपको, पहली बार टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, तभी भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट, ठीक है। टाइगर जो होता है वो IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलो एंड लॉयड ऑस्टिन बिगिंस इंडिया विजिट बाय मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये US एक संदेश भेज रहा है पूरे विश्व को भी और हमको भी कि वो हमारे लिए सीरियस है, मतलब होता है ना जिम्मेदारी लोग उठा लेते हैं तो सामने वाला पार्टनर सीरियस नहीं होता है, तो भारत ने जिम्मेदारी उठाई है तो ये सामने वाला पार्टनर भी हमारे लिए सीरियस है ना। तो ये आए हैं भाई मीट करने के लिए, काफी सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा US चाइना स्पेरेट अलास्का मीट, हमने एडिटोरियल में देखा US ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि भैया तुम ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हो, तुम हांगकांग इंडिया सबको तंग कर रहे हो, तुम जापान के साथ बॉर्डर इशू कर रहे हो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी सब जगहों के साथ बॉर्डर इशू कर रहे हो, ये कह रहे हैं कि भैया तुम जो है इमेल प्रैक्टिसेस करते हो, तुमने ट्रेड पर सेंक्शन लगा रखा है, तुम मनमानी करते हो, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, तो वही न्यूज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो दिस इज इट गाइस, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे लास्ट में हमने देखा कि US चाइना के बीच में जो बवाल हुआ है, उसके बाद हमने देखा लॉयड ऑस्टिन वाला, फिर हमने देखा 6 tigers मिसिंग इन रणथंबोर,
फिर हमने देखा मोर टूरिस्ट विजिटिंग कश्मीर है ना, फिर हमने देखा सेंटर ने आस्क किया है हाईकोर्ट से कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को रोका जाए, टेरर इज द बिगेस्ट हर्डल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में ऐसा बोला गया है, फाइव स्टेट्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ न्यू इन्फेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉस को कोई खारिज तो नहीं कर सकता लेकिन अपना ओपिनियन रख सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है, आदेश मतलब ऐसा कहा गया है बोबड़े साहब के द्वारा। फिर हमने एक एडिटोरियल देखा दिल्ली अंडरमाइंड, देन हमने देखा चेजिंग पीस अफगानिस्तान पीस से रिलेटेड, फिर हमने एक एडिटोरियल देखा अ बूस्टर शॉट फॉर इंडिया वैक्सीनेशन प्लान, एंड देन हमने एक एडिटोरियल देखा यही देखा है ना द मैसेज इन अलास्का फ्रॉम वॉशिंगटन टू बीजिंग। तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट, चार सी हमने यहाँ पे देखे क्वाड के, पहला सी था क्लाइमेट, दूसरा था करते हैं इस आर्टिकल के अंदर दिल्ली का इतिहास लिखा हुआ है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है वो गवर्नमेंट आई और क्या पहले से दिल्ली में गवर्नमेंट थी या फिर बाद में आई, क्या था पूरा मसला, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो वो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है विद अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखो अगर हम बात करें, राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जो पहला आर्टिकल है वही ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसके बाद देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे देश के अंदर चार टाइप के स्टेट्स बना दिए गए थे, एक जिसको नाम दिया गया था पार्ट ए बी सी एंड डी स्टेट्स, ठीक है, जिसमें लास्ट दो सी और डी जो थे वो आपके एडमिनिस्टर किए जाते थे, आपके चीफ कमिश्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो समय अपॉइंट किए जाते थे उनके द्वारा। ये तब बात हो रही है आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल जो है, दिल्ली के ऊपर एक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि दिल्ली को स्टेट इसलिए भी ना बनाया जाए क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की कैपिटल है, इसमें पूरे देश का अधिकार हो, जहां ये स्टेट बन जाएगा वहां पे फिर थोड़ा सा एक स्टेट प्रधान वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई थोड़ा सा स्टेटिज्म भी आ जाता है कि हम पहले मराठीज हैं, हम पहले बिहारीज हैं, हम पहले यूपी के हैं, तो वो चीज ना आए, तो इसीलिए दिल्ली को हमेशा जो है वो स्टेट का दर्जा देने से सरकारें जो है वो कतराती हैं, क्योंकि उसके पीछे की जो रीजनिंग होती है वो यही होती है कि दिल्ली क्योंकि जब नेशनल कैपिटल है तो इसके ऊपर पूरे देश का अधिकार होना चाहिए। फिर दूसरा देखो ये भी है कि जो नेशनल कैपिटल है वहां पे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं पे वर्क करती है, फंक्शन करती है, तो ऑफ कोर्स जो नेशनल कैपिटल है और वैसे भी देखा जाए लॉजिकली जो देश में सरकार आ रही है उसका कंट्रोल होना चाहिए नेशनल कैपिटल के ऊपर, तो ये भी एक कारण है, इसलिए दिल्ली को भी प्रॉपर स्टेट का दर्जा नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे राइटर जो है वो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो मेन चीज ये है कि दिल्ली के अंदर वैसे तो ये आज से नहीं है, ये काफी समय से है कि जब भी वहां पे अलग अलग सरकारें आ जाती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी सरकार होती है, दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार होती है, तो काफी पावर टसल जो है वो बहुत पहले से देखने को मिल जाता है, दिखता है, काफी इतिहास में आप जाएंगे तो काफी बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो इनिशियली इसको पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, मैंने आपको बताया जैसे कि ए बी सी एंड डी में डिवाइड किया गया था, तो स्टार्टिंग में इसको पार्ट सी स्टेट की कैटेगरी में डाला गया था, और जो पॉपुलेशन है वो 1951 के आसपास 14 लाख के आसपास थी। इसके चलते हुए उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट कर दी गई थी दिल्ली के अंदर, और ब्रह्म प्रकाश, हाँ चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे दिल्ली के 1952 में। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में पहली बार सरकार जो है वो बीच में बनी थी, नहीं, स्टार्टिंग में बनी थी फिर बीच में अबॉलिश हो गया था, फिर वापस आया था, अभी अपन पूरा इतिहास देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, जब पावर टसल होने लगी, अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आने लग गई, किसकी चलेगी किसकी चलेगी, और इसके चलते हुए 1955 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, और 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर दिया गया, और यहाँ पे स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और सिर्फ दो कैटेगरीज रखी, एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, और फिर दिल्ली की जो चीजें हैं वो वापस पुराने उस पर चली गई, और फिर जो है दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया और इसको एडमिनिस्टर किया जाने लगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड द काउंसिल स्टूड अबॉलिश्ड, लेकिन उसके बाद समय समय पे काफी डिमांड आने लगी कि नहीं भाई दिल्ली के अंदर तो अलग से चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें जब सुनने को मिली, तब आया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 जो ये कहता था कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाओ 56 इलेक्टेड मेंबर्स की, और ये लोग जो हैं ये अपने कुछ फैसले लेते रहेंगे कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स के ऊपर,
लेकिन चीजें यहाँ पे भी नहीं चली, फिर से लोगों की डिमांड जो है वो स्टेटहुड की आने लगी कि दिल्ली को नहीं स्टेट का दर्जा दो, यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए और ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे डिमांड आने लगी। तो फिर देखने को क्या मिला कि 1987 में बालकृष्ण कमेटी बनाई गई। कौन सी? बालकृष्ण कमेटी 1987 में बनाई गई और उन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन है वो सबमिट किया। 1989 में कमेटी का रिकमेंडेशन जो है वो ये आया कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी की तरह ही रहने दिया जाए, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है वो ये करा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया जाए और वो लोग कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क कर सके। फिर इसकी रिपोर्ट को मानते हुए 69th अमेंडमेंट एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCT एक्ट 1991 आया और जिसके अंदर ये सारी चीजें जो आज की डेट में हम देखते हैं वो देखने को मिली। फिर ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब मामला क्या है कि मतलब अगर आप 1991 से लेके आज के बीच में देख लो तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली असेंबली के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कभी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो दूसरी सत्ता में है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरी है। ऐसा पहले भी हुआ है और ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है, पावर टसल जो है वो देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि पिछली बार तो कोर्ट में भी मामला गया था जब दिल्ली सरकार और लहंगी के बीच में मामला फंसा था, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो तो देखने को मिली हैं, लेकिन अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इसके आने के बाद देखो बेसिकली होगा क्या ना कि दिल्ली सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसको पहले LG से परमिशन लेना होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है कि ये बिल करना क्या चाह रहा है। मतलब दिल्ली सरकार के पास कोई पावर ज्यादा बचेगी नहीं, मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन से करना पड़ेगा। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर परमिट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। तो ये काइंड ऑफ ज्यादा पावर जो है वो ऑटोनॉमी दे दी गई है LG को ओवर दिल्ली गवर्नमेंट। अब इसमें देखो जो कुछ जानकार हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है भैया ये डेमोक्रेटिकली आई है, इसको जनता ने चुना है, जनता ने जिनको चुना है आप उनसे ऊपर एक अपॉइंटेड बंदे को कैसे रख सकते हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो यही यहाँ पे सारा मामला है और इसी के चक्कर में सारी कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो रही है। वैसे तो अगर आप देखें तो पास्ट में सॉल्यूशन तो इसका निकालना बनता था क्योंकि फ्यूचर में फिर ऐसा होगा कभी कि भाई दिल्ली में कोई दूसरी सरकार होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दूसरी होगी, तो चलिए ठीक है इसका सॉल्यूशन निकालना तो बनता था। लेकिन ये सॉल्यूशन कि भैया जो जनता ने जिनको चुना है आप उनसे ज्यादा LG को पावर दे रहे हो, तो ये अकॉर्डिंग टू द राइटर नहीं सही है और काफी लोग भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट देन कुछ लोग इसका फेवर भी कर रहे हैं। अलग अलग ओपिनियन सबके होते हैं। बाकी अब ये देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट इसको क्या कहती है, कोर्ट इस चीज को मान्य ठहराती है कि नहीं ठहराती है, ये एक दिखने वाला चिंताजनक विषय होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो यार, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, अच्छी लगे तो शेयर कर दो, नहीं लगे तो मत करो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो फ्री एंड ओपन करके आर्टिकल आया है। ये US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं इनका नाम है एल लॉयड ऑस्टिन, है ना। अभी हमने एक दिन न्यूज में भी देखा था कि भारत आए हैं ये, तो भारत आने से पहले ये अफगानिस्तान में भी रुक गए थे, ये एक सरप्राइज इनकी विजिट थी अफगानिस्तान की जो कि ये पहले से प्री प्लान नहीं था। और ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये बात करता है कि ऑस्टिन जब भारत आए तब क्या क्या बातचीत सामने आई। तो सबसे पहले देखो एक बात आई अफगानिस्तान की, भारत देखो जानता है मतलब भारत जो है वो तालिबान से ज्यादा वार्तालाप करना चाहता नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान को जो है वो तालिबान के कंट्रोल में दे दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान जो US है उसने तो डिसाइड कर रखा है कि हमें तो अफगानिस्तान से जाना है और उसमें वो काफी हद तक पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है। एक चीज और है कि देखिए US ने एक डेडलाइन दी थी कि हम 1 मई तक जो है हमारी फोर्सेस को अफगानिस्तान से ले जाएंगे। अब इस पे भी विचार चल रहा है कि क्या 1 मई में ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं, अभी थोड़ा और समय लेना चाहिए। तो ये सब एक तो मुद्दा था जिसपे काफी वार्तालाप हुई। दूसरा एक मुद्दा है काटसा का। काटसा का मुद्दा क्यों है भाई, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने जो है डिसाइड किया था कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम परचेस करेगा, कहां से? रशिया से। तो अब ऑस्टिन ने तो ये कहा है कि भैया इनडायरेक्टली जो बात आई है वो ये आई है कि अभी तो डिलीवरी ली नहीं है आपने, पर डिलीवरी अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको भी कॉन्सिक्वेंस जो है वो सहने पड़ जाएंगे। काटसा आपको पता है US का एक एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिका वो वाला जो एक्ट है जिसमें ये बात सामने रखी गई है कि
कि अगर कोई भी ऐसी कंट्री जो यूएस के एनिमी कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगी या यूएस की जो जो मतलब फेवर कंट्रीज नहीं है उनके साथ ट्रेड करेगी, मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, तो फिर यूएस जो है उन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगा देगा। तो काट्सा एक्ट को लेके यहाँ पे लॉयड ऑस्टिन ने चिंता व्यक्त करी है और इंडिया को चिंता व्यक्त करी है कि भैया आप जो है फोरन मिसाइल सिस्टम ले रहे हो रशिया से, ये चीजें जो है ये अच्छी नहीं होंगी फ्यूचर में अगर आपने ये चीजें कंटिन्यू रखी, ठीक है। तो ये भी ऑस्टिन साहब ने सामने रखा है। एक और यहाँ पे देखो, चाइना का नाम तो नहीं लिया गया क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर इशू है उसको बायलैटरल इशू मानते हैं चाइना इंडिया लगभग लगभग दोनों ही, पर इनडायरेक्टली यहाँ पे चाइना की बातें करी गई हैं, चाइना को बताया गया है कि आप जो कर रहे हो या अच्छा नहीं कर रहे हो, पर डायरेक्टली इनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो ये सारी बातें जो है वो सामने आई हैं। और जहां तक बात करी जाए अफगानिस्तान पीस प्रोसेस की, तो अभी हमने देखा था कि रशिया ने मीडिएट किया था, एक नया जल्दी ही समिट हुई थी, और अफगानिस्तान में भारत जो है देखो वो यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। भारत ने काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी कराया हुआ है। तालिबान को हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि तालिबान अगर सत्ता में आएगा तो पाकिस्तान के टेररिस्टों की मदद कर सकता है अफगानिस्तान की जमीन को यूज करने के लिए अगेंस्ट द इंडिया, तो इंडिया को ये प्रॉब्लम हमेशा रही थी तालिबान से। लेकिन अभी हमने एक जो चेंज किया है हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो ये किया है कि पहले जो है वो इंडिया तालिबान के साथ बातचीत में भी इंडल्ज नहीं होता था, लेकिन अब जो है भारत भी तालिबान के साथ बातचीत में इंडल्ज हो जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में तालिबान ही आ गया अफगानिस्तान में तब फिर हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक कम्युनिकेशन चैनल होने की तालिबान से। तो इसीलिए इंडिया ने ये अभी जल्दी शुरू किया है। ये काफी पहले से जानकार लोग जो है वो ये कहते थे, वो चाहते थे कि भारत जो है वो इस चीज में इंडल्ज हो, भारत जो है वो तालिबान से बातचीत करे और तालिबान के साथ संपर्क में रहे, और फाइनली जो है भारत ने इस चीज के ऊपर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल जो है द वे फॉरवर्ड, ये आर्टिकल आया है म्यांमार के जनता कूप से रिलेटेड, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो म्यांमार में ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि जनता कूप हुआ है, मिलिट्री ने चीजों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करी है। 2010 की अगर आप लास्ट टाइम बात करो, 2010 में जो लास्ट आपके मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने सेमी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी थी, और उसके बाद ये जो इलेक्शन हुए थे सत्ता आई थी। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे पहले भी देखो इस तरीके की चीजें म्यांमार की आर्मी के द्वारा किया गया है, जनता कूप वहां पे देखने को मिला है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ की जो मिलिट्री है अब वो इस प्रोटेस्ट को जो म्यांमार में हो रहा है अगेंस्ट दिस जनता कूप उसे कुचलने में कह सकते हो आपकी खड़ी नहीं उतर पा रही है, उसको शांत नहीं करा पा रही। इससे पहले जब भी इस तरीके की चीजें होती थी तो प्रोटेस्ट होता था तो जो जनता कूप होती थी जो मिलिट्री होती थी वो मामले को शांत कर देती थी, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ये जो जनता रूल आया है इसके अगेंस्ट में लोग जो है वो बिल्कुल सड़क पे उतर आए हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रही है चीजें। मतलब चाहे मिलिट्री ने भी कितने लोगों को मार दिया है वहां पे, अभी हम एक दिन आर्टिकल पढ़ रहे थे कितना ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि म्यांमार से जो काफी सारे लोग हैं वो भाग के मिजोरम आ रहे थे तो अभी बॉर्डर सील कराया गया है, कल ही देखा था हमने ये। तो कहने का मतलब ये कि पहली बार इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो उतर गया है, जनता जो है स्पेशली जो यंग पीपल है वहां के वो बिल्कुल स्वीकारने को तैयार नहीं है जनता को, और वो चाहते हैं डेमोक्रेसी आए। उसमें काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यही सब बातें इस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है कि क्या वे फॉरवर्ड है। और जहां तक बात करी जाए मिलिट्री की, मिलिट्री को ऐसा लगा होगा कि भाई चीजों को कुचल के हम वापस सत्ता में काबिज हो जाएंगे, लेकिन अब ये मामला जो है शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही है। साथ ही साथ म्यांमार की जो जनता है वो भी इस स्टेप के अगेंस्ट में काफी डट के सामना कर रही है, ठीक है। और म्यांमार की ऐसे इतिहास उठा के देखा जाए तो वहां मिलिट्री कूप जो है कोई नई चीज तो नहीं है, ठीक है। संजू कुमार कह रहे हैं सर आर्टिकल साइज इंक्रीज करो, अरे मेरे भाई इसको क्या पढ़ना है, तो ये तो लिखा ही रहेगा ना पीडीएफ में, पढ़ लेना समझो अभी, ठीक है। और जजेस क्लोज्ड प्रोब्स एंड द बार्स ऑफ मेरेटा, ये आर्टिकल क्या है, देखो अभी 24 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन वी रमाना, ये नाम याद रख लो, ये नाम बहुत सुनना है क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोबेबली। और अभी आर्टिकल क्या आया है, देखो ये आर्टिकल ये आया हुआ है, अपन जहां बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बायस भी है आर्टिकल, लेकिन ठीक है कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं सामने।
इस आर्टिकल के अंदर जो राइटर हैं वो चिंता ये व्यक्त कर रही हैं कि ये जो जस्टिस आपके एन वी रमाना साहब हैं, इनके ऊपर ही रेड्डी साहब जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लेटर लिखा था जब सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें इनका नाम भी लिखा था कि इन्होंने काफी इंटरफेयर किया वहां की स्टेट गवर्नमेंट के फैसले के अंदर और किस तरीके से हाई कोर्ट में फेवरेबल बेंचेस को बैठा, ऐसे लेटर में जो रेड्डी साहब उन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे देखो राइटर जो है वो ये बोलती है कि अब देखो कल को ही अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो फिर ये मास्टर ऑफ द रोस्टर होंगे, तो कल को अगर इनके खिलाफ भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो उसमें भी यही डिसाइड करेंगी कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। आप गगोई साहब वाला याद कर लो, जब सेक्सुअल एलिगेशन लगे थे, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगे थे उनके ऊपर, तो उन्होंने खुद ही प्रिसाइड कर लिया था वो वाला पूरा मैटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राइटर जो है वो चिंता ये व्यक्त करनी है कि कोई तरीका ऐसा होना चाहिए, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, कि अगर ये फेक है, अगर ये सारे चार्जेस मतलब इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं रेड्डी साहब के द्वारा वो फेक है, तो यहाँ पे रेड्डी साहब के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट का एक्शन लिया जाए। बट अगर ये थोड़ा भी चांसेस हो कि अगर ये एलिगेशन सही है तो फिर ये देश के लिए आगे अच्छा नहीं है, ऐसा राइटर यहाँ पे बोलते हैं। बाकी क्या सच है क्या गलत है ये तो फ्यूचर में पता पड़ेगा, लेकिन जो टू पॉसिबल आउटकम्स की यहाँ पे राइटर बात करती हैं वो यही करती हैं कि एक तो या तो ये होगा कि भाई रेड्डी साहब के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेगी कि भाई आपने जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, आप कंटेम्प्ट किया, आपने जुडिशरी का डिसरिस्पेक्ट किया, और दूसरा या तो ये हो सकता है कि भाई जस्ट जो रेड्डी साहब है वो बात सही कह रहे हो। तो अब ये चीजें कैसे क्लियर होंगी जब ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू जो है ये चीजें जो है वो पहुंचे नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा है ऐसा नहीं है क्या है मामला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस वॉज दिस आर्टिकल इज। इसके बाद देखो यहाँ पे एक न्यूज आई है, वो आई है कि इंक्रीज इंटरवल बिटवीन टू डोजेज ऑफ कोविशील्ड से सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो ज्यादा इफिशियंट तब होगी जब पहली एंड दूसरी डोज के बीच में ज्यादा गैप कर दिया जाए, तो 6 to 8 weeks का गैप रखने की बात यहाँ पे करी गई है। देखो नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, वैसे तो ये यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर अगर कोई वन डे एग्जाम देता है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वन डे एग्जाम्स लाइक एसएससी बैंकिंग इन सब में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नेशनल अवार्ड में देखो बेस्ट फीचर फिल्म मिली है, थोड़ा सा पढ़ लो बस ऐसे ही है ना, सिम्हन करके ये मलयालम फिल्म है। कंगना रनावत को फिर से नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का फॉर मूवी का मनी का निका इन पंगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है पल्लवी जोशी को, आप धनुष साहब जो हैं इनको, ये अच्छी मूवी है सुरन, मैंने देखी है आप भी देखिएगा अच्छी मूवी है, तो इनको यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसी तरीके से काफी सारे अवार्ड मिले हैं, बट द थिंग इज कि यूपीएससी जो है नेशनल अवार्ड पे क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछती है ना आज तक कभी मैंने देखा है, पर ये वन डे एग्जाम्स पे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मनोज बाजपेयी साहब को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो धनुष और मनोज बाजपेयी दोनों लोगों को मिला है। 67 नेशनल फिल्म फेयर ये अवार्ड था। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद देखो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइलेंट ऑन रिपोर्ट्स ऑफ यूएई रोल इन इंडिया पाकिस्तान डिटेंडी। देखो मामला क्या है, मामला ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हल्का सा आप कह सकते हो कि रिलेशन थोड़े ठीक होने की कगार पे पहुंचे थे जब सीज फायर वाला एग्रीमेंट हुआ और इमरान खान को हमने हमारा एयर स्पेस दिया यूज करने के लिए। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, सुनने में ऐसा आ रहा है, रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो बैक चैनल टॉक्स हुई थी ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिसके वजह से ये एग्रीमेंट जाके संभव हुआ, उसमें यूएई ने काफी मीडिएट किया है, यूएई एज ए मीडिएटर की तरह काम करी है और यूएई ने काफी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बोलने से अभी कुछ खास स्टेटमेंट दी नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं बोला, चीजें सामने भी लाई जाती है क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि ऐसा माना जाता है कि बायलेटरल इश्यूज हैं और इंडिया पाकिस्तान दोनों ही चाहते हैं कि कोई तीसरी कंट्री ज्यादा जो है वो इंटरफेयर ना करे। वैसे पाकिस्तान ऐसा चाहता है नहीं चाहता है तो पता नहीं, बट इंडिया जरूर चाहता है कि इस तरीके की चीजें ना हो। आपको शिमला एकॉर्ड याद करना होगा जहां पर ये बात हुई थी दोनों ही कंट्रीज के बीच में कि भैया अपना तुम्हारा मामला, इसमें तीसरे कंट्री को ना इन्वॉल्व किया जाए। देखो तीसरे कंट्री को इन्वॉल्व ना करने का एक और कारण होता है, देखो आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज ले लो, ये सारे जो हैं वो आर्म्स एक्सपोर्ट करके काफी सारा पैसा कमाते हैं।
अब भैया कहीं देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होगा तो किसी देश की आर्मी क्यों आर्म्स खरीदेगी, क्यों इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा अगर इंडिया का चाइना से पाकिस्तान से थ्रेट नहीं होगा तो, समझ रहे हो? एक एग्जांपल है, ऐसे यूएस से बहुत कुछ लेते हैं हम, तो मतलब कहने का मतलब है कि इसलिए थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जो है वो अवॉइड करते हैं लोग। बट अगर यहाँ पे यूएई ने बैक चैनल में टॉक्स में काफी अच्छा काम किया है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चीजें जो है वो मतलब सॉल्व हो जाए तो इसे अच्छी कोई चीज नहीं है, ठीक है। एक मेरा आज आपका आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस आर्टिकल में उसका जिक्र भी है, रेड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऐसे करके, तो ये रेड्स जो है ये किसका पार्ट है?